हे ये नेवी है, आप नेवल पॉडकास्ट सुन रहे हैं। ये एक विशाल मेगासोड है जो हमारे द्वारा अमीर बनने पर किए गए प्रत्येक एपिसोड को एकत्रित करता है। यह सब उनके ट्वीट स्टॉर्म पर आधारित है कि बिना भाग्यशाली हुए अमीर कैसे बने। मैंने उन सभी को यहाँ एकत्र किया है क्योंकि हम अगले एपिसोड में विषयों को खुशी के नए विषय पर स्विच करने जा रहे हैं। हमने इनमें से एक विशालकाय मेगासोर्स को पहले प्रकाशित किया है, लेकिन यह उससे भी बड़ा है। यह करीब 3.5 घंटे का है। इसमें अमीर ट्विटरस्टॉर्म कैसे प्राप्त करें से सभी ट्वीट शामिल हैं, साथ ही सभी प्रश्नोत्तर जो हमने उसके बाद किए, साथ ही अंत में 10 मिनट की बोनस सामग्री जिसे हमने कभी जारी नहीं किया। इस मेगासोड की समग्र ध्वनि गुणवत्ता पहले घंटे के बाद बहुत सुधार करती है। आप शो नोट्स में एक स्वच्छ प्रतिलेख का लिंक पा सकते हैं या यदि आप वेबसाइट नवल पर जाते हैं, पर अंत में कोई .com नहीं है। मुझे आशा है कि आप आनंद ले रहे हैं। आप शायद नवल को उसके ट्विटर खाते से जानते हैं और हम उसके महाकाव्य ट्विटरस्टॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बिना भाग्यशाली हुए अमीर कैसे बने। हम अधिकांश ट्वीट्स को विस्तार से देखेंगे, नवल को उन पर विस्तार करने का मौका देंगे और आमतौर पर इस विषय पर आमतौर पर रीफ करेंगे। वह शायद कुछ ऐसे विचार डालेंगे जिन्हें उन्होंने पहले प्रकाशित भी नहीं किया है। वह एंजेलिस्ट और ओपिनियंस के सह संस्थापक भी हैं। वह ट्विटर, उबेर और कई अन्य कंपनियों में एक शानदार तकनीकी निवेशक है। मैं नेवल के साथ एंजेलिस्ट का सह संस्थापक हूं और मैंने दिन में उनके साथ विंचर हैक्स ब्लॉग का सह लेखन भी किया। हाँ, अमीर कैसे बने ट्विटरस्टॉर्म निश्चित रूप से एक तंत्रिका को प्रभावित करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह सहायक था, सभी गलियारों तक पहुंचा और तकनीकी उद्योग के बाहर के लोग, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग जानना चाहते हैं कि उनकी धन संबंधी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। हर कोई स्पष्ट रूप से जानता है कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास सिद्धांतों का एक अच्छा सेट नहीं है। दौलत, पैसा और हैसियत में क्या अंतर है? धन वह चीज है जो आप वास्तव में चाहते हैं। धन वह संपत्ति है जो आप सोते समय कमाते हैं। धन कारखाना है, वह रोबोट जो चीजों को बदल रहा है। धन कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रात में चल रहा है, जो अन्य ग्राहकों की सेवा कर रहा है। धन बैंक में पैसा भी है जिसे अन्य संपत्तियों और अन्य व्यवसायों में पुनर्निवेश किया जा रहा है। यहां तक कि एक घर भी धन का एक रूप हो सकता है क्योंकि आप इसे किराए पर दे सकते हैं, हालांकि यह वास्तव में कुछ व्यावसायिक उद्यम करने की तुलना में भूमि की उत्पादकता का कम उपयोग है। तो धन की मेरी परिभाषा बहुत अधिक व्यवसाय और संपत्ति है जो आप सोते समय कमा सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह आपको स्वतंत्रता खरीदता है। इसलिए आपको अपने गले में कॉलर की तरह टाई पहनने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको सुबह 7 बजे उठकर काम पर जाने और आवागमन के ट्रैफिक में बैठने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको अपने पूरे जीवन को सभी उत्पादक घंटों को दूर करने के लिए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो आपको पूरा नहीं करता है। तो धन का उद्देश्य स्वतंत्रता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपके गल्फ स्ट्रीम में फर कोट खरीदने या फेरारी ड्राइव करने या याच या जेट को दुनिया भर में चलाने के लिए नहीं है। वह सामान वास्तव में उबाऊ हो जाता है और वास्तव में बहुत तेजी से बेवकूफ होता है। यह वास्तव में सिर्फ इतना है कि आप अपने स्वयं के संप्रभु व्यक्ति हैं। जब तक आप वास्तव में इसे नहीं चाहते तब तक आपको वह नहीं मिलेगा, और पूरी दुनिया इसे चाहती है और इसके लिए पूरी दुनिया मेहनत कर रही है और कुछ हद तक यह प्रतिस्पर्धी है। यह एक सकारात्मक खेल है, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धी तत्व भी हैं क्योंकि अभी समाज में सीमित मात्रा में संसाधन हैं और जो आप चाहते हैं उसे करने के लिए, संसाधन प्राप्त करने के लिए आपको अलग दिखना होगा। पैसा है कि हम धन कैसे स्थानांतरित करते हैं। पैसा सामाजिक क्रेडिट है। यह अन्य लोगों के समय पर क्रेडिट और डेबिट करने की क्षमता है। अगर मैं अपना काम सही तरीके से करता हूं, अगर मैं समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करता हूं, तो समाज कहता है, ओ थैंक यू, आपने अतीत में जो काम किया है उसके लिए हम भविष्य में आपको कुछ देना चाहते हैं, यहां थोड़ा आयु है, चलो उस पैसे को बुलाओ। और वह पैसा खराब हो जाता है क्योंकि लोग आयस चुराते हैं, सरकार अतिरिक्त आयस प्रिंट करती है, लोग अपने आयस से मुकर जाते हैं। लेकिन वास्तव में पैसा क्या होने की कोशिश कर रहा है? यह समाज से एक विश्वसनीय आयु बनने की कोशिश कर रहा है कि आप पर किसी चीज के लिए कुछ बकाया है या जिसने आपको अतीत में पैसा दिया है और हम इन आयस को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वास्तव में पैसा है कि हम धन का हस्तांतरण कैसे करते हैं। जीवन में मौलिक रूप से दो बड़े खेल हैं जिन्हें लोग खेलते हैं,
एक पैसे का खेल है, क्योंकि पैसा आपकी सभी समस्याओं को हल करने वाला नहीं है, बल्कि ये आपकी सभी पैसे की समस्याओं को हल करने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग इसे जानते हैं, उन्हें एहसास है कि इसलिए वे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनमें से कई गहरे दिल से मानते हैं कि वे इसे नहीं बना सकते। वे नहीं चाहते कि कोई वेल्थ क्रिएशन हो, इसलिए वे पूरे उद्यम पर यह कहकर हमला करते हुए पुणे का संकेत देते हैं, अच्छा पैसा कमाना बुरा है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्लाह ब्लाह। लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि वे वास्तव में दूसरा खेल खेल रहे हैं, जो एक प्रतिष्ठा का खेल है। वे ये कहकर अन्य लोगों की दृष्टि में उच्च स्थिति होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए। और फिर स्थिति सामाजिक पदानुक्रम में आपकी रैंकिंग मात्र है, इसलिए वेल्थ जीरो सम गेम नहीं है। दुनिया में हर किसी के पास अपना घर हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक घर है, इससे मेरी घर रखने की क्षमता कम नहीं हो जाती। यदि कुछ भी हो, जितने अधिक घर बनते हैं मकान बनाना उतना ही आसान हो जाता है, जितना अधिक हम मकान बनाने के बारे में जानते हैं और उतना ही अधिक लोग जिनके पास घर हो सकते हैं। तो धन एक बहुत ही सकारात्मक राशि का खेल है, हम एक साथ चीजें बनाते हैं, हम इसे बनाने के लिए ये प्रयास शुरू कर रहे हैं, उम्मीद है कला का एक टुकड़ा जो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंत में कुछ नया बनाया जाएगा। ये एक सकारात्मक राशि का खेल है, दूसरी ओर स्थिति एक शून्य राशि का खेल है। ये बहुत पुराना खेल है, हम इसे बंदर जनजातियों के बाद से खेल रहे हैं, और यह पदानुक्रमित है, कौन नंबर एक है, कौन नंबर दो है, कौन नंबर तीन है, और नंबर तीन के लिए नंबर दो पर जाने के लिए नंबर दो को उस स्लॉट से बाहर जाना होगा। तो स्थिति एक शून्य राशि का खेल है, राजनीति स्टेटस गेम का एक उदाहरण है, यहां तक कि खेल भी स्टेटस गेम का एक उदाहरण है। विजेता होने के लिए हारने वाला होना चाहिए। मैं मौलिक रूप से स्टेटस गेम्स से प्यार नहीं करता, वे हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम पता लगाते हैं कि प्रभारी कौन है, लेकिन मौलिक रूप से आप उन्हें खेलते हैं क्योंकि वे एक आवश्यक बुराई हैं। समस्या विकासवादी आधार पर है, जैसे अगर आप हजारों साल पीछे जाते हैं तो स्थिति धन की तुलना में जीवित रहने का एक बेहतर भविष्यवक्ता है। आपके पास खेती की उम्र से पहले, किसानों से पहले धन नहीं हो सकता था, क्योंकि आप चीजों को स्टोर नहीं कर सकते थे। शिकारी संग्रहकर्ता सब कुछ अपनी पीठ पर ढोते थे, इसलिए शिकारी संग्रहकर्ता पूरी तरह से स्थिति आधारित समाजों में रहते थे। किसान धन आधारित समाजों में जाने लगे और आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं बहुत अधिक धन आधारित समाज हैं, लेकिन हैसियत और दौलत के बीच हमेशा एक सूक्ष्म प्रतियोगिता चलती रहती है। उदाहरण के लिए, जब पत्रकार अमीर लोगों पर हमला करते हैं या प्रौद्योगिकी उद्योग पर हमला करते हैं, तो वे वास्तव में स्थिति के लिए बोली लगा रहे होते हैं। वे कह रहे हैं, नहीं, लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं और मैं पत्रकार लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। समस्या यह है कि इन स्टेटस गेम को खेलकर स्टेटस गेम में जीतने के लिए आपको किसी और को नीचा दिखाना होगा, इसलिए आपको अपने जीवन में स्टेटस गेम से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको गुस्सैल जुझारू इंसान बनाते हैं। आप हमेशा दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए खुद को और उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए लड़ते रहते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, और वे हमेशा मौजूद रहेंगे, इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बस एहसास करें कि ज्यादातर समय जब आप धन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप वास्तव में किसी और के द्वारा हमला कर रहे होते हैं, और वे एक अच्छे दो जूते की तरह दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्या कर रहे हैं, आपके खर्चे पर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बस एक अलग खेल खेल रहे हैं और ये एक बुरा खेल है। ये एक सकारात्मक राशि के खेल के बजाय एक शून्य राशि का खेल है। साक्षात्कार से पहले आपने एक बात का उल्लेख किया जो मेरे साथ अटकी रही, वह यह विचार था कि आपको लगता है कि हर कोई अमीर बन सकता है, और यह कि शायद अमीर बनने के कुछ तरीके या धन का विचार दूसरे देशों में कुछ लोगों द्वारा बदनाम किया जाता है। क्या आप उस पर थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि यह धारणा है कि पैसा कमाना बुराई है ना? यह ऐसा है जैसे पैसा वापस नीचे सभी तरह से जड़ जमा चुका है, जो सभी बुराई की जड़ है। लोग सोचते हैं कि बैंकर हमारा पैसा चुराते हैं, और यह कुछ हद तक सच है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में हर समय बहुत सारी चोरी होती रहती है। दुनिया का इतिहास कुछ अर्थों में निर्माताओं और लेने वालों के बीच का यह शिकारी शिकार संबंध है। ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं और चीजें बनाते हैं और चीजों का निर्माण करते हैं और चीजों पर कड़ी मेहनत करते हैं
और फिर ऐसे लोग हैं जो साथ आते हैं और तलवार या बंदूक या कर या क्रोनी कैपिटलिज्म या साम्यवाद या आपके पास क्या है। चोरी करने के ये सभी अलग अलग तरीके हैं। प्रकृति में भी गैर परजीवी जीवों की तुलना में अधिक परजीवी हैं। आपके अंदर बहुत सारे परजीवी हैं जो आपसे दूर रह रहे हैं और बेहतर हैं, सहजीवी हैं और कुछ वापस दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो बस ले रहे हैं। किसी भी जटिल प्रणाली के निर्माण की प्रकृति बस यही है। लेकिन मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं वह सही मायने में धन सृजन है। पैसे लेने की बात नहीं है, यह किसी और से कुछ लेने के बारे में नहीं है बल्कि बहुतायत पैदा करने से है। जाहिर है नौकरियों की सीमित संख्या या धन की सीमित मात्रा नहीं है, अन्यथा हम अभी भी गुफाओं में बैठकर ये पता लगा रहे होंगे कि जलाऊ लकड़ी के टुकड़े और कभी कभी मृत हिरण को कैसे विभाजित किया जाए। तो अधिकांश धन और सभ्यता वास्तव में अधिकांश नहीं, यह सब बनाया गया है और इसे कहीं से बनाया गया है। यह लोगों से बना है, इसे तकनीक से बनाया गया है, यह उत्पादकता से बनाया गया है, इसे मेहनत से बनाया गया है। तो यह विचार है कि यह चोरी हो गया है, मुझे लगता है यह भयानक शून्य राशि का खेल है जो लोग हैसियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कोई अमीर हो सकता है और हम देख सकते हैं कि पहली दुनिया में हर कोई 200 साल पहले जीवित रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक अमीर है। 200 साल पहले किसी के पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी, किसी के पास कार नहीं थी, किसी के पास बिजली नहीं थी, किसी के पास आईफोन नहीं था। तो ये सभी चीजें आविष्कार हैं जिन्होंने हमें एक प्रजाति के रूप में समृद्ध बनाया है। मैं लुई रोमन 14 के फ्रांस में एक अमीर व्यक्ति होने के बजाय पहले विश्व के देश में एक गरीब व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। मैं उस समय के एक रईस की तुलना में आज एक गरीब व्यक्ति बनना पसंद करूंगा, और यह सिर्फ धन सृजन के कारण है। प्रौद्योगिकी का इंजन विज्ञान है जिसे बहुतायत बनाने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मौलिक रूप से हर कोई अमीर हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि आप जिस विचार प्रयोग के बारे में सोचें वह कल्पना करें कि अगर हर किसी को एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर का ज्ञान होता, आप वहां जा सकते हैं और आप रोबोट और कंप्यूटर और पुल बना सकते हैं और उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हर इंसान जानता था कि यह कैसे करना है। आपको क्या लगता है कि 20 साल में समाज कैसा दिखेगा? मेरा अनुमान है कि क्या होगा, हम सब कुछ करने के लिए रोबोट, मशीन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्माण करेंगे और हम सभी बड़े पैमाने पर बहुतायत में रह रहे होंगे। हम अनिवार्य रूप से इस अर्थ में सेवानिवृत्त होंगे कि हमें से किसी को भी इसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। मूल बातें, हमारे पास रोबोटिक नर्सें भी होंगी, हमारे पास मशीन से चलने वाले अस्पताल होंगे, हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी, हमारे पास ऐसे फार्म होंगे जो 100% स्वचालित होंगे, हमारे पास स्वच्छ ऊर्जा होगी। तो उस बिंदु पर हम जो कुछ भी चाहते थे उसे प्राप्त करने के लिए हम तकनीकी सफलताओं का उपयोग कर सकते थे। और अगर कोई अभी भी उस बिंदु पर काम कर रहा है तो वे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के रूप में काम कर रहे हैं। वे काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें योगदान करना और चीजों को बनाना और डिजाइन करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूंजीवाद बुराई है। पूंजीवाद वास्तव में अच्छा है। यह सिर्फ इतना है कि यह अपहरित हो जाता है। यह बाह्यताओं के अनुचित मूल्य निर्धारण द्वारा अपहरित हो जाता है। यह अनुचित सौदों द्वारा अपहरित हो जाता है जहां आपके पास भ्रष्टाचार है या आपके पास एकाधिकार है। कुल मिलाकर पूंजीवाद मानव प्रजाति के लिए आंतरिक है। पूंजीवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हमने आविष्कार किया है। पूंजीवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने खोजा है। हमारे पास मौजूद हर एक्सचेंज में यह हमारे लिए सहज है। जब आप और मैं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो मुझे आपसे कुछ जानकारी वापस चाहिए। मैं आपको जानकारी देता हूं, आप मुझे जानकारी दें। यदि हमारे बीच सूचनाओं का अच्छा आदान प्रदान नहीं होता तो आप किसी और से बात करते। तो विनिमय की धारणा और क्रेडिट और डेबिट का ट्रैक रखना, यह हमारे अंदर एक लचीले सामाजिक प्राणी के रूप में निर्मित है। हम जानवरों के साम्राज्य में एकमात्र जानवर हैं जो आनुवंशिक सीमाओं के पार सहयोग करते हैं। अधिकांश जानवर सहयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो वे केवल पैक्स में सहयोग करते हैं जहां वे एक साथ विकसित होते हैं और वे रक्त साझा करते हैं, इसलिए उनके कुछ साझा हित हैं। मनुष्य के पास वन नहीं है। और हमें क्या सहयोग देता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट का ट्रैक रख सकते हैं। किसने कितना काम किया, किसने कितना योगदान दिया। मुक्त बाजार पूंजीवाद बस इतना ही है।
इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह मानव प्रजाति के लिए सहज है और हम सभी के लिए अधिक से अधिक धन और प्रचुरता पैदा करने जा रहे हैं। हर कोई अमीर हो सकता है, हर कोई सेवानिवृत्त हो सकता है, हर कोई सफल हो सकता है। यह केवल शिक्षा और इच्छा का सवाल है। आपको यह चाहिए? यदि आप यह नहीं चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप खेल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कोशिश मत करो और उन लोगों को नीचा दिखाओ जो खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वह खेल है जो आपको रात में आरामदायक गर्म बिस्तर पर रखता है। यही वह खेल है जो आपके सिर पर छत रखता है। यह एक ऐसा गेम है जो आपके सुपरमार्केट स्टॉक को रखता है। यही वह गेम है जो आईफोन को आपकी जेब में गुलजार रखता है। तो यह एक सुंदर खेल है जो मानव जाति के लिए नैतिक, तर्कसंगत, नैतिक, सामाजिक रूप से खेलने लायक है। और यह हम सभी को तब तक अमीर और अमीर बनाता रहेगा जब तक कि हमारे पास किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति का सृजन नहीं हो जाता है। और यह सिर्फ गुप्त रूप से धन का तिरस्कार करने वाले व्यक्ति नहीं है, है ना? ऐसे देश, समूह, राजनीतिक दल हैं जो खुले तौर पर धन से घृणा करते हैं, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। यह सही है। और इसलिए उन देशों, राजनीतिक दलों और समूहों को जो घटा दिया गया है वह हैसियत का शून्य राशि का खेल खेल रहा है। और धन सृजन को नष्ट करने की प्रक्रिया वे हर किसी को अपने स्तर तक नीचे खींच लेते हैं। यही कारण है कि अमेरिका अप्रवासियों के लिए एक बहुत लोकप्रिय देश है, क्योंकि यह अमेरिकी सपना है। कोई भी यहां आ सकता है, गरीब हो सकता है और फिर वास्तव में कड़ी मेहनत कर पैसा कमा सकता है और अमीर बन सकता है, लेकिन यहां तक कि अपने जीवन के लिए कुछ बुनियादी पैसा भी कमा सकता है। जाहिर है, अलग अलग लोगों के लिए धन की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्रथम विश्व नागरिक की धन की परिभाषा हो सकती है, ओ, मुझे लाखों डॉलर बनाने हैं और मैं पूरी तरह से कर चुका हूं, जबकि तीसरी दुनिया के गरीब अप्रवासी सिर्फ देश में प्रवेश कर रहे हैं। और हम गरीब अप्रवासी थे जो यहां तब आए जब मैं निष्पक्ष था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए युवा धन बहुत कम संख्या में हो सकता है। यह ऐसा ही हो सकता है, मुझे अपने शेष जीवन के लिए शारीरिक श्रम की नौकरी नहीं करनी है कि मैं काम नहीं करना चाहता। लेकिन समूह जो इसका तिरस्कार करते हैं वे अनिवार्य रूप से पूरे समूह को उस स्तर तक नीचे ला देंगे। यदि आपको बहुत अधिक लेने वाले और पर्याप्त निर्माता नहीं मिलते हैं तो समाज बिखर जाता है। आप एक साम्यवादी देश के साथ समाप्त होते हैं। वेनेजुएला को देखो, है ना? वे लेने और विभाजित करने और फिर से आवंटित करने में इतने व्यस्त थे कि लोग सचमुच सड़कों पर भूखे मर रहे हैं और हर साल सिर्फ भूखमरी के कारण शरीर का वजन कम हो रहा है। इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि एक ऐसे जीव की कल्पना करें जिसमें बहुत अधिक परजीवी हों। स्वस्थ रहने के लिए आपको वास्तव में कुछ कम संख्या में परजीवियों की आवश्यकता होती है और आपको बहुत सारे सहजीवन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारी सभी कोशिकाओं में सभी माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें सांस लेने और ऑक्सीजन जलाने में मदद करते हैं। ये सहजीवन है जो हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन मेरे लिए वे धन सृजन में भागीदार हैं जो मानव शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ परजीवियों से भरे हुए थे, अगर आप कीड़े या वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए जो पूरी तरह से परजीवी थे, तो आप मर जाएंगे। इसलिए कोई भी जीव बहुत कम संख्या में परजीवियों का सामना कर सकता है। और जब परजीवी तत्व नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो आप मर जाते हैं। तो आप फिर से जानते हैं, मैं नैतिक धन सृजन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एकाधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्रोनी कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पर्यावरण जैसी बाहरी चीजों की गलत कीमत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मुक्त दिमाग और मुक्त बाजारों की बात कर रहा हूँ, मनुष्यों के बीच छोटे पैमाने पर आदान प्रदान जो स्वैच्छिक है और दूसरों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का धन सृजन, अगर कोई समाज इसका सम्मान नहीं करता है, अगर कोई समूह इसका सम्मान नहीं करता है, तो वह समाज बर्बादी और अंधकार में डूब जाएगा। जाहिर है, हम अमीर बनना चाहते हैं और हम भाग्य पर भरोसा किए बिना इस जीवन में वहां पहुंचना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना किस्मत है। यह उस तरह का व्यक्ति बनने के बारे में है जो पैसा बनाता है। तुम्हें पता है, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि अगर मैं अपना सारा पैसा खो देता हूं और अगर आप मुझे 5 से 10 साल के भीतर किसी भी अंग्रेजी बोलने वाले देश में यादृच्छिक सड़क पर छोड़ देते हैं, तो मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा, है ना? क्योंकि यह सिर्फ एक कौशल सेट है जिसे मैंने विकसित किया है और मुझे लगता है कि कोई भी विकसित कर सकता है। आप जानते हैं, 1000 समानांतर ब्रह्मांडों में आप उनमें से 999 में अमीर बनना चाहते हैं।
आप उन 50 में अमीर नहीं बनना चाहते हैं जहां आप भाग्यशाली हैं। इसलिए हम इसमें से भाग्य को कारक बनाना चाहते हैं। हम वास्तव में 4 प्रकार के भाग्य के बारे में बात कर रहे थे। ये एक किताब से आया है। पी मार्क एंड्रेसन ने इसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था। लेकिन अलग तरह की किस्मत होती है। आप कह सकते हैं कि पहली तरह का भाग्य अंधा भाग्य जैसा है, जहां मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे नियंत्रण से पूरी तरह से कुछ हुआ है। तुम्हें पता है वह भाग्य है, वह भाग्य है आदि। फिर भाग्य है जो दृढ़ता, कड़ी मेहनत, उद्यम, गति के माध्यम से आता है, जो तब होता है जब आप बहुत सारे अवसर पैदा कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी ऊर्जा पैदा कर रहे होते हैं, आप बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। बहुत सी चीजें धूल में मिल जाएंगी। यह लगभग एक पेट्री डिश को मिलाने जैसा है और यह देखना है कि क्या मिलाता है, या अभिकर्मकों का एक गुच्छा मिलाता है और देखता है कि क्या जोड़ता है। आप बस इतना बल और उद्यम और ऊर्जा पैदा कर रहे हैं कि भाग्य आपको ढूंढ लेगा। तीसरा तरीका यह है कि आप भाग्य को पहचानने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए यदि आप किसी क्षेत्र में बहुत कुशल हैं, तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में एक लकी ब्रेक कब होता है और अन्य लोग जो इसके अभ्यस्त नहीं हैं, वे ध्यान नहीं देंगे। तो आप भाग्य के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और यह सिर्फ कौशल और ज्ञान और कार्य है। और फिर आखिरी प्रकार का भाग्य सबसे अजीब, सबसे कठिन प्रकार है, लेकिन हम यही बात करना चाहते हैं, जहां आप एक अद्वितीय चरित्र, एक अद्वितीय ब्रांड, एक अद्वितीय मानसिकता का निर्माण करते हैं, जहां भाग्य आपको ढूंढता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप गहरे समुद्र में पानी के नीचे गोता लगाने वाले दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और आप गहरे समुद्र के पानी के नीचे गोता लगाने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी हिम्मत कोई और नहीं करेगा। और फिर केवल भाग्य से किसी को तट से दूर एक धंसा हुआ खजाना जहाज मिल जाता है जहां वे नहीं पहुंच सकते। खैर, उनका भाग्य बस आपका भाग्य बन गया क्योंकि वे उस खजाने को पाने के लिए आपके पास आने वाले हैं और आपको इसके लिए भुगतान मिलने वाला है। अब ये एक चरम उदाहरण है, लेकिन यह सिर्फ दिखा रहा है कि कैसे वह व्यक्ति जो खजाने को पाकर भाग्यशाली हो गया, वह अंधा भाग्य था, लेकिन वे आपके पास आ रहे हैं और आपको इसे निकालने के लिए कह रहे हैं और आपको आधा देना पड़ रहा है, यह भाग्य नहीं है। आपने अपनी किस्मत खुद बनाई। आप अपने आप को उस भाग्य को भुनाने या उस भाग्य को आकर्षित करने में सक्षम होने की स्थिति में रखते हैं जब किसी और ने खुद के लिए वह अवसर नहीं बनाया है। इसलिए जब हम भाग्यशाली हुए बिना बात करते हैं, तो हम निर्धारक होना चाहते हैं। हम इसे संयोग पर नहीं छोड़ना चाहते। क्या आप इस विचार पर थोड़ा और विस्तार करना चाहते हैं कि 1000 समानांतर ब्रह्मांडों में आप उनमें से 999 में समृद्ध होना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे देखने जा रहे हैं और कहते हैं कि यह असंभव लगता है। ऐसा लगता है कि यह सच होना बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है। मुझे लगता है कि अपनी शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए आपको इसमें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मेरा मतलब है, याद रखें कि मैंने एक गरीब बच्चे के रूप में शुरुआत की थी। भारत है ना? तो अगर मैं इसे बना सकता हूं, तो उस अर्थ में कोई भी कर सकता है। अब स्पष्ट रूप से मेरे पास मेरे सभी अंग थे और मेरे पास मेरी मानसिक शक्तियां थी और मेरे पास एक शिक्षा भी थी। तो कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं जिन्हें आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो या पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो संभवतः आपके पास अपने निपटान में अपेक्षित साधन है, जो एक क्रियाशील शरीर और एक कार्यशील दिमाग है। और रास्ते में मुझे बहुत से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। पहला छोटा सौभाग्य, मैंने बनाया, मैं तुरंत शेयर बाजार में हार गया। दूसरा छोटा भाग्य जो मैंने बनाया या मुझे बनाना चाहिए था, मुझे मेरे व्यापार भागीदारों द्वारा धोखा दिया गया। यह केवल तीसरी बार आकर्षण रहा है, और फिर भी यह धीमे और स्थिर संघर्ष में रहा है। और मैंने अपने जीवन में एक विशाल भुगतान में पैसा नहीं कमाया है। यह हमेशा छोटी छोटी चीजों का ढेर होता रहा है। तो यह व्यवसाय बनाकर और अवसर पैदा करके और निवेश बनाकर लगातार संपत्ति बनाने के बारे में अधिक है। ये एक विशाल एक बारगी चीज की तरह नहीं रहा है। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति एक बड़े वर्ष से उत्पन्न नहीं हुई है। ये एक समय में बस थोड़ा सा चिप्स ढेर कर देता है। अधिक विकल्प, अधिक व्यवसाय, अधिक निवेश और अधिक चीजें जो मैं कर सकता हूं। उसी तरह कोई दानोद एलिसर्डिस जैसा है, वह अपना ब्रांड ऑनलाइन बना रहा है, वह वीडियो बना रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक वीडियो अचानक रातों रात उन पर दौलत की बारिश करने वाला है। ये सीखने का, पढ़ने का, बनाने का एक लंबा जीवनकाल होने जा रहा है, जो सिर्फ जटिल होता जा रहा है। तो हम अमीर बनने की बात कर रहे हैं ताकि आप रिटायर हो सकें, ताकि आपको अपनी आज़ादी मिल सके।
इस अर्थ में संन्यास न लें कि आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इस अर्थ में कि आपको कोई ऐसी जगह नहीं होना है जहां आप नहीं होना चाहते। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आप नहीं करना चाहते, और जब चाहो उठ सकते हो, जब चाहो तब सो सकते हो। तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, वह स्वतंत्रता है। तो हम आजादी पाने के लिए पर्याप्त धन की बात कर रहे हैं, और विशेष रूप से इन दिनों इंटरनेट के लिए धन्यवाद, वे अवसर बड़े पैमाने पर प्रचुर मात्रा में हैं। वास्तव में मेरे पास पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मेरे कानों से सचमुच अवसर निकल रहे हैं, और जिस चीज से मैं भाग रहा हूं वह समय है। धन पैदा करने, उत्पाद बनाने, व्यवसाय बनाने, अवसर पैदा करने और उपोत्पाद के रूप में समाज द्वारा भुगतान पाने के लिए बस इतने सारे तरीके हैं कि मैं ये सब संभाल भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि यह काफी दिलचस्प है कि पहले तीन प्रकार के भाग्य जिनका आपने वर्णन किया है उनके लिए बहुत ही सामान्य क्लिच है जो हर कोई जानता है, और फिर उस आखिरी तरह के भाग्य के लिए जो आपके द्वारा किए जाने वाले अनूठे तरीके से आपके पास आता है, इसके लिए कोई वास्तविक क्लिच नहीं है। तो पहले तीन प्रकार के लिए मूक भाग्य या अंधा भाग्य होता है, यह पहली तरह का सौभाग्य है। दूसरे प्रकार का भाग्य, वहां क्लिच है कि भाग्य बोल्ड का पक्ष लेता है। वही व्यक्ति केवल घड़ा हिलाने और अभिनय करने से ही भाग्यशाली हो जाता है। तीसरे प्रकार का भाग्य, लोग कहते हैं कि मौका तैयार दिमाग का पक्ष लेता है। लेकिन चौथे प्रकार के भाग्य के लिए वहां वास्तव में कोई सामान्य मुहावरा नहीं है जो आपके कार्य के अद्वितीय चरित्र से मेल खाता हो, जो मुझे लगता है कि दिलचस्प है और शायद एक अवसर है। और यह भी दिखाता है कि लोग उस तरह के भाग्य का लाभ नहीं उठा रहे हैं जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। मुझे लगता है कि उस बिंदु पर भी यह इतना नियतात्मक होने लगता है कि यह भाग्य होना बंद हो जाता है, तो परिभाषा भाग्य से अधिक भाग्य की ओर फीकी पड़ने लगती है। तो मैं उस चौथे का चरित्र चित्रण करूंगा, जब आप एक निश्चित तरीके से अपने चरित्र का निर्माण करते हैं और फिर आपका चरित्र आपकी नीति बन जाता है। मुझे लगता है कि पैसा बनाने के लिए महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि आप उस तरह की प्रतिष्ठा चाहते हैं जो लोगों को आपके माध्यम से सौदा करने के लिए मजबूर करे। मैं उदाहरण का उपयोग करता हूं, जैसे कि यदि आप एक महान गोताखोर हैं तो खजाने के शिकारी आएंगे और आपको अपने गोताखोरी कौशल के लिए खजाने का एक टुकड़ा देंगे। यदि आप एक विश्वसनीय उच्च सत्यनिष्ठा दीर्घकालिक सोच वाले सौदे निर्माता हैं, तो जब अन्य लोग सौदे करना चाहते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें अजनबियों के साथ भरोसेमंद तरीके से कैसे करना है, तो वे सचमुच आपसे संपर्क करेंगे और केवल आपके द्वारा बनाई गई सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के कारण आपको सौदे का एक हिस्सा देता है या आपको एक अद्वितीय सौदे की पेशकश करता है। वॉरेन बफेट, उन्हें सौदों की पेशकश की जाती है और उन्हें कंपनियों को खरीदने के लिए मिलता है, और उन्हें वारंट खरीदने और बैंकों को जमानत देने और ऐसे काम करने को मिलते हैं जो अन्य लोग उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से यह नाजुक है, इसकी लाइन पर जवाबदेही है, लाइन पर इसका एक मजबूत ब्रांड है, और जैसा कि हम बाद में बात करेंगे यह जवाबदेही के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपका चरित्र, आपकी प्रतिष्ठा, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बना सकते हैं और फिर आपको उन अवसरों का लाभ उठाने देंगे जिन्हें अन्य लोग भाग्यशाली मान सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह भाग्यशाली नहीं था। कि यह चौथे प्रकार का भाग्य कमोबेश नीति है, उस मूल पुस्तक का एक उदाहरण है जो मार्क के ब्लॉग पोस्ट में बेंजामिन डिसराइली से था, जो मुझे लगता है कि पूर्व प्रधान थे, ब्रिटेन के मंत्री। इस तरह के भाग्य का वर्णन करने के लिए उदाहरण था, हम अपना भाग्य बनाते हैं और हम उन्हें भाग्य कहते हैं। श्रोताओं के बारे में सुनने के लिए यह है कि यह चौथा प्रकार का भाग्य लगभग संकी तरीकों से बाहर आ सकता है कि आप अपना काम करते हैं, और इस मामले में संकीपन एक बुरी बात नहीं है, वास्तव में यह एक अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया एक बहुत ही कुशल जगह है, इसलिए हर किसी ने खुदाई करने के लिए सभी स्पष्ट जगहों को खोद डाला है, और इसलिए कुछ ऐसा खोजने के लिए जो नया और खुला हो, ये एक सीमा पर काम करने में मदद करता है, जहां आपको अपने आप से सीमा पर बाहर निकलने के लिए थोड़ा संकी होना पड़ता है, और फिर आपको बस अन्य लोगों की तुलना में गहरी खुदाई करने के लिए तैयार रहना होगा, केवल इसलिए कि आप रुचि रखते हैं, तर्कहीन लगता है। हाँ, मैंने जो दो उदाहरण देखे हैं वे उस बेंजामिन के अलावा इस तरह के भाग्य को व्यक्त करते हैं। डिसराइली वाला, क्या यह सैम ऑल्टमैन का है जहां उन्होंने कहा चरम लोगों को चरम परिणाम मिलते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। और फिर जेफरी पेपर से यह दूसरा है जो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं, आप सामान्य नहीं हो सकते हैं और असामान्य रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने हमेशा उसका भी आनंद लिया है।
हाँ, और एक उदाहरण जो मुझे पसंद है जो इसके बिल्कुल विपरीत है, मूर्ख खेल खेलो बेवकूफ पुरस्कार जीतो। बहुत से लोग अपना बहुत समय सोशल गेम खेलने में बिताते हैं, जैसे ट्विटर पर, जहां आप बस अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मूल रूप से मूर्खतापूर्ण सामाजिक पुरस्कार जीतते हैं जो बेकार है। मुझे लगता है कि इस ब्लॉग पोस्ट से मेरे पास जो आखिरी चीज है वह सिर्फ ये विचार है कि इस तरह के भाग्य का पीछा करके, विशेष रूप से आखिरी वाला, मूल रूप से सब कुछ लेकिन बेवकूफ भाग्य का पीछा करते हुए आप। तो अगर आप सिर्फ मटके को हिलाते रहेंगे और मटके को हिलाते रहेंगे तो आप अनलॉक से बाहर हो जाएंगे। हाँ, या यह सिर्फ मतलब का उल्टा हो सकता है ना? तो फिर आप कम से कम भाग्य को बेअसर कर दें ताकि यह आपकी अपनी प्रतिभा हो जो खेल में आए। इसके बाद आप अधिक विशिष्ट विवरणों में जाते हैं कि आप वास्तव में कैसे अमीर हो सकते हैं और आप कैसे अमीर नहीं बन सकते। पहला बिंदु इस बारे में था कि आप कैसे अमीर नहीं बनने जा रहे हैं। आप अपना समय किराए पर देकर अमीर नहीं बनने जा रहे हैं। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपके पास इक्विटी होनी चाहिए जो व्यवसाय का एक हिस्सा है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप धन का सृजन कर सकते हैं और काम के माध्यम से धन कमा सकते हैं, और यह शायद काम नहीं करेगा। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आपके इनपुट आपके आउटपुट से बहुत निकटता से जुड़े हैं। लगभग किसी भी वेतन वाली नौकरी में, यहां तक कि वह भी जो प्रति घंटे बहुत अधिक भुगतान कर रही है, जैसे वकील या डॉक्टर, आप अभी भी घंटे लगा रहे हैं और हर घंटे आपको भुगतान मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब आप सो रहे हैं तो आप कमा नहीं रहे हैं, जो आप स्वयं हैं तो आप कमाई कर रहे हुए, जब आप छुट्टी पर हैं तो आप कमाई नहीं कर रहे हुए हैं, और आप नन्हे नीली नहीं कमा सकते। अगर आप उन डॉक्टरों को भी देखें जो अमीर हो जाते हैं, जैसे वास्तव में अमीर ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक व्यवसाय खोलते हैं, वे एक निजी अभ्यास की तरह खुलते हैं और वह निजी अभ्यास एक ब्रांड बनाता है और वह ब्रांड लोगों को आकर्षित करता है, या वे किसी प्रकार का चिकित्सा उपकरण या एक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं जहां उनके पास बौद्धिक संपदा होती है। तो अनिवार्य रूप से आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वह व्यक्ति जोखिम उठा रहा है और उसके पास जवाबदेही और बौद्धिक संपदा और ब्रांड है, इसलिए वे आपको पर्याप्त भुगतान नहीं करने जा रहे हैं। वे आपको न्यूनतम भुगतान करने जा रहे हैं जो उन्हें आपको काम करने के लिए प्राप्त करना होगा, और यह कुछ न्यूनतम हो सकता है, लेकिन यह अभी भी वास्तविक धन नहीं होने जा रहा है जहां आप सेवानिवृत्त हैं। और फिर अंत में, आप वास्तव में समाज के लिए इतना मौलिक भी नहीं बना रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस ट्वीट का नाम हाउ टू क्रिएट वेल्थ होना चाहिए था। अमीर कैसे बने, यह एक अधिक आकर्षक शीर्षक था। लेकिन आप समाज के लिए नई चीजें नहीं बना रहे हैं, आप बस चीजों को बार बार कर रहे हैं, और आप अनिवार्य रूप से बदले जा सकते हैं क्योंकि अब आप एक निर्धारित भूमिका निभा रहे हैं। अधिकांश निर्धारित भूमिकाएं सिखाई जा सकती हैं यदि उन्हें एक स्कूल की तरह पढ़ाया जा सकता है, तो अंततः आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे जिसके पास हाल ही का ज्ञान है, जिसे सिखाया गया है, और वह आपकी जगह लेने के लिए आ रहा है। आप एक ऐसा काम करने की अधिक संभावना रखते हैं जिसे अंततः रोबोट या एआई द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और इसे रातों रात थोक में बदलने की जरूरत नहीं है। इसे थोड़े समय के लिए बदला जा सकता है और यह आपके धन सृजन और इसलिए आपकी कमाई करने की क्षमता को खा जाता है। तो मौलिक रूप से आपके इनपुट आपके आउटपुट से मेल खाते हैं। आप बदले जा सकते हैं और आप रचनात्मक नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह वह तरीका है जिससे आप वास्तव में पैसा कमा सकते हैं। तो हर कोई जो वास्तव में पैसा बनाता है, किसी उत्पाद या व्यवसाय या किसी प्रकार के आईपी का मालिक होता है जो स्टॉक विकल्पों के माध्यम से हो सकता है। इसलिए यदि आप एक टेक कंपनी में काम कर सकते हैं तो यह शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन आमतौर पर असली दौलत आपकी खुद की कंपनियां शुरू करके या आप जानते हैं यहां तक कि निवेशकों द्वारा बनाई जाती है। वे एक निवेश फर्म में हैं और वे इक्विटी खरीद रहे हैं, तो ये बहुत अधिक धन के मार्ग हैं। ये घंटों के माध्यम से नहीं आता है। आप वास्तव में केवल एक नौकरी या एक कैरियर या एक पेशा चाहते हैं जहां आपके इनपुट आपके आउटपुट से मेल नहीं खाते। इसलिए यदि आप आधुनिक समाज को देखें तो फिर से यह बाद में ट्वीट तूफान में है, उच्च रचनात्मकता और उच्च उत्तोलन वाले व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां आप एक घंटे का काम कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, या आप कुछ कर सकते हैं हजार घंटे काम और इसका कोई असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें। एक महान इंजीनियर उदाहरण के लिए बिटकॉइन बना सकता है और अरबों डॉलर का मूल्य बना सकता है। एक इंजीनियर जो गलत काम पर काम कर रहा है या उतना अच्छा नहीं है या रचनात्मक या विचारशील नहीं है या जो भी पूरे साल काम कर सकता है और कोड का हर टुकड़ा जो वे भेजते हैं उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ग्राहक ये नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसे पेशे का उदाहरण है जहां इनपुट और आउटपुट अत्यधिक डिस्कनेक्ट है। ये आपके द्वारा लगाए गए घंटों की संख्या पर आधारित नहीं है। जबकि चरम दूसरे छोर पर, यदि आप एक लंबरजैक हैं, यहां तक कि दुनिया में सबसे अच्छा लंबरजैक, यह मानते हुए कि वे उपकरण के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनपुट और आउटपुट काफी जुड़े हुए हैं, वे सिर्फ एक कुल्हाड़ी या आरी का उपयोग कर रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा लंबरजैक सबसे खराब लंबरजैक से तीन गुना बेहतर हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होने जा रहा है। तो आप उन व्यवसायों और करियर की तलाश करना चाहते हैं जहां इनपुट और आउटपुट अत्यधिक डिस्कनेक्ट हो जाए। ये कहने का एक और तरीका है कि आप लिवरेज चीजों की तलाश करना चाहते हैं। और उत्तोलन से मेरा मतलब अकेले वित्तीय उत्तोलन नहीं है जैसे वॉल स्ट्रीट उपयोग करता है और इसका नाम खराब है। मैं सिर्फ टूल्स की बात कर रहा हूं। हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। अगर मैं बुलडोजर और स्वचालित रोबोट कुल्हाड़ियों और आरी के साथ लगा रहा हूं
तो मैं औजारों का उपयोग करने जा रहा हूं और किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में अधिक लाभ उठाऊंगा जो सिर्फ अपने नंगे हाथों का उपयोग कर रहा है और पेड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। उपकरण और उत्तोलन वे हैं जो इनपुट और आउटपुट के बीच इस वियोग को पैदा करते हैं। तो किसी पेशे का रचनात्मकता घटक जितना अधिक होता है उतने ही अधिक डिस्कनेक्ट होने वाले इनपुट और आउटपुट होने की संभावना होती है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप ऐसे व्यवसायों को देख रहे हैं जहां आपके इनपुट और आपके आउटपुट अत्यधिक जुड़े हुए हैं तो उस प्रक्रिया में धन बनाना और अपने लिए धन बनाना बहुत 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 कठिन होगा। अपना समय किराए पर लेने के अलावा कोई और बड़ी चीज जिससे आपको बचना चाहिए? हाँ, मैंने जो दो ट्वीट किए हैं वे संबंधित हैं। तो पहला बात कर रहा है कि आपकी जीवनशैली को कैसे अपग्रेड करना है। बहुत तेजी से अपग्रेड नहीं करना चाहिए। और उसे एक ने कहा, जो लोग अपने साधनों से बहुत नीचे रह रहे हैं वे एक ऐसी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी जीवन शैली को उन्नत करने में लगे हुए हैं इसकी थाह नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हर समय अपनी जीवन शैली को अपग्रेड करना। और यह आपको सिर्फ संचालन की स्वतंत्रता देता है। एक बार जब आप थोड़ा पैसा कमा लेते हैं तब भी आप अपने पुराने सुख की तरह रहना चाहते हैं तो बस चिंता दूर हो जाती है। तो उस घर और जीवन शैली और उन सभी चीजों को अपग्रेड करने के लिए बाहर न भागे। मान लीजिए कि आपको प्रति घंटे द्वारा 1000 का भुगतान किया जा रहा है। समस्या यह है कि जब आप इस तरह की कामकाजी जीवनशैली में जाते हैं तो आप अचानक $20 प्रति घंटे से $1000 प्रति घंटे तक नहीं पहुंच जाते हैं। यह एक लंबे करियर की प्रगति है। और जैसा कि होता है, एक सूक्ष्म समस्या यह है कि आप अपनी जीवन शैली को उन्नत करते हैं क्योंकि आप अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। और वह जीवन शैली का उन्नयन जिसे आप धन मानते हैं और आप इस मजदूरी दास जाल में रहते हैं। तो मैं भूल गया कि यह किसने कहा था, शायद यह नसीम तालिब था, लेकिन उसने कहा, तुम्हें पता है सबसे खतरनाक चीजें हेरोइन और मासिक वेतन है ना, क्योंकि वे अत्यधिक नशे की लत है। जिस तरह से आप अमीर बनना चाहते हैं, क्या आप गरीब होना चाहते हैं और काम करना और काम करना और काम करना चाहते हैं? और यह है उदाहरण के लिए तकनीक उद्योग कैसे काम करता है, जहां आप 10 साल तक कोई पैसा नहीं कमाते हैं और फिर अचानक 11 साल में आपके पास एक विशाल वेतन दिवस हो सकता है, जो कि एक कारण है कि तथाकथित अमीरों के लिए ये बहुत ही उच्च सीमांत कर दरें त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि अधिकांश रचनात्मक व्यवसायों को लेने वाला उच्चतम जोखिम शाब्दिक रूप से हार जाता है अपने जीवन के एक दशक के लिए पैसा, जबकि आप बड़े पैमाने पर जोखिम उठाते हैं और आप खून बहाते हैं और खून बहाते हैं और फिर अचानक 11वें या 15वें साल में आपके पास एक बड़ा वेतन दिवस हो सकता है, लेकिन फिर निश्चित रूप से अंकल सैम दिखाई देते हैं और कहते हैं, हे तुम्हें पता है क्या, आपने इस साल अभी बहुत पैसा कमाया है, इसलिए तुम अमीर हो, इसलिए तुम बुरे हो और तुम्हें यह सब हमें सौंप देना होगा। तो यह उन प्रकार के रचनात्मक जोखिम लेने वाले व्यवसायों को नष्ट कर देता है। लेकिन आदर्श रूप से आप अपना पैसा अलग अलग गांठों में बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक अलग हो जाते हैं, ताकि आपकी खुद की जीवनशैली को जल्दी से अनुकूल होने का मौका न मिले। और फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, अब मेरा काम हो गया, अब मैं सेवानिवृत्त हो गया, अब मैं मुक्त हूं, मैं अभी भी काम करने जा रहा हूं क्योंकि आपको अपने जीवन के साथ कुछ करना है, लेकिन मैं केवल उन चीजों पर काम करने जा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। और यह बहुत अधिक रचनात्मक अभिव्यक्ति होने जा रहा है और पैसे के बारे में बहुत कम। आप अपना समय किराए पर देकर अमीर नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि समाज जो चाहता है उसे देकर आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि बड़े पैमाने पर कैसे प्राप्त किया जाए। यह सही है। तो अनिवार्य रूप से, जैसा कि हमने पहले बात की थी, पैसा समाज से आयु है जो कह रहा है कि आपने अतीत में कुछ अच्छा किया है, अब यहां कुछ ऐसा है जो हम भविष्य के लिए आपके ऋणी हैं, और इसलिए समाज आपको वह चीजें बनाने के लिए भुगतान करेगा जो वह चाहता है। लेकिन समाज अभी तक नहीं जानता है कि उन चीजों को कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे आपकी जरूरत होगी, उन्हें पहले ही बड़े समय के लिए बाहर कर दिया जाएगा। आपके घर में, आपके कार्यस्थल में और सड़क पर लगभग हर चीज एक समय में तकनीक हुआ करती थी। एक समय था जब तेल तकनीक थी जिसने जेबी रॉकफेलर को अमीर बना दिया था। एक समय था जब कारें ऐसी तकनीक थी जिसने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया था। तो तकनीक सिर्फ चीजों का सेट है, जैसा कि एलन के ने कहा, जो अभी तक काफी काम नहीं करते हैं। एक बार कुछ काम करता है यह अब तकनीक नहीं है। इसलिए समाज हमेशा नई चीजें चाहता है। और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आप समाज के लिए कौन सी ऐसी चीजें प्रदान कर सकते हैं जो अभी तक नहीं जानते कि कैसे प्राप्त करें, लेकिन यह चाहता है। यह आपके लिए और आपके कौशल सेट के भीतर, आपकी क्षमताओं के भीतर स्वाभाविक है। और फिर आपको यह पता लगाना होगा कि इसे कैसे मापना है, क्योंकि यदि आप इसमें से केवल एक का निर्माण करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। आपको हजारों या सैकड़ों हजारों या लाखों या अरबों का निर्माण करना होगा ताकि हर किसी के पास एक हो सके। बेशक स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने यह पता लगा लिया था कि समाज स्मार्टफोन कंप्यूटर को अपनी जेब में रखना चाहेगा जिसकी सभी फोन क्षमता 100 गुना हो और उपयोग में आसान हो। इसलिए उन्होंने यह पता लगाया कि इसे कैसे बनाया जाए, और फिर उन्होंने यह पता लगाया कि इसे कैसे बढ़ाया जाए, और उन्होंने यह पता लगाया कि दुनिया के प्रत्येक नागरिक की जेब में और अंततः हर तीसरी दुनिया के नागरिक को भी कैसे प्राप्त किया जाए, और इसलिए उसकी वजह से उन्हें अच्छा इनाम मिलता है। और एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। जिस तरह से मैंने इसे रखने की कोशिश की थी वह यह था कि उद्यमी का काम उच्च अंत को बड़े पैमाने पर बाजार में लाने की कोशिश करना है। यह उच्च अंत के रूप में शुरू होता है। सबसे पहले यह रचनात्मकता के कार्य के रूप में शुरू होता है। पहले आप इसे सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप इसे चाहते हैं। आप इसे चाहते हैं और आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है और आपको इसकी आवश्यकता है, और इसलिए आप इसे अपने लिए बनाते हैं। तब आप यह पता लगा सकते हैं कि इसे अन्य लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, और फिर थोड़ी देर के लिए अमीर लोगों के पास होता है।
उदाहरण के लिए अमीर लोगों के पास ड्राइवर थे और फिर उनके पास ब्लैक टाउन कारें थीं और फिर उबेर साथ आया और सभी का निजी ड्राइवर सबके लिए उपलब्ध था। और अब आप उबेर पूल भी देख सकते हैं जो शटल बसों की जगह ले रहे हैं क्योंकि ये अधिक सुविधाजनक है। और फिर आपको स्कूटर मिलते हैं जो उसके नीचे के बाजार के लिए भी हैं। तो तुम सही हो, यह उन चीजों को बांटने के बारे में है जो अमीर लोग हर किसी के पास रखते थे। लेकिन उद्यमी का काम उससे पहले ही शुरू हो जाता है जो कि सृजन है। उद्यमिता अनिवार्य रूप से खरों से कुछ नया बनाने का एक कार्य है, यह भविष्यवाणी करना कि समाज इसे चाहेगा और फिर ये पता लगाएगा कि इसे कैसे बढ़ाया जाए और इसे लाभदायक तरीके से और आत्मनिर्भर तरीके से हर किसी तक पहुंचाया जाए। आइए देखते हैं यह अगला ट्वीट जो मैंने सोचा था कि गुप्त था और आपके पास जिस तरह की नौकरी या करियर हो सकता है उसके बारे में भी बहुत दिलचस्प है। आपने कहा कि इंटरनेट ने करियर के संभावित स्थान को व्यापक रूप से विस्तृत कर दिया है। ज्यादातर लोग अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। इंटरनेट की मौलिक संपत्ति किसी भी अन्य एक चीज से अधिक यह है कि यह ग्रह पर हर इंसान को एक दूसरे इंसान से जोड़ता है। अब आप हर किसी तक पहुंच सकते हैं, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से ईमेल करके, चाहे उन्हें ट्विटर पर प्रसारित करके, चाहे वह फेसबुक पर कुछ पोस्ट करके जो वे पाते हैं, चाहे वह एक वेबसाइट डालकर हो जिसमें वे आते हैं और एक्सेस करते हैं। यह सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो इंटरनेट एक इंटरनेटवर्किंग टूल है, यह सबको जोड़ता है, यही इसकी महाशक्ति है। तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि इंटरनेट का मतलब है कि आप अपने उत्पाद या अपनी प्रतिभा और कौशल के लिए अपने दर्शकों को ढूंढ सकते हैं चाहे वे कितनी भी दूर हों। उदाहरण के लिए निनाद जो चित्रकार हैं, यदि वे इंटरनेट से पहले के इन वीडियो में होते तो उन्हें वहां संदेश कैसे मिलता? ये बस होगा, वह क्या करेगा? वह कंप्यूटर या स्क्रीन पर लोगों को दिखाते हुए अपने पड़ोस में जहां रहता था इधर उधर दौड़ता था या वह अपने स्थानीय मूवी थिएटर में इसे चलाने की कोशिश करता था। यह असंभव था। यह केवल इसलिए काम करता है क्योंकि वह इसे इंटरनेट पर डाल सकता है। और फिर दुनिया में कितने लोग वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं या यहां तक कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें रुचि रखते हैं, वास्तव में इसे अवशोषित करने जा रहे हैं, है ना? यह मानवता का एक बहुत छोटा उपसमुच्चय होने जा रहा है। कुंडी उन तक पहुंचने में सक्षम हो रही है। तो इंटरनेट क्या करता है? किसी भी आला जुनून की अनुमति देता है जो कि सबसे अजीब चीज हो सकती है। यह वे लोग हो सकते हैं जो सांपों को इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोग जो गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो खुद से दुनिया भर में यात्रा करना पसंद करते हैं, एक शिल्प पर सिर्फ एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो लघु खाना पकाने का जुनून रखता है, जैसे कि यह पूरा जापानी है लघु खाना पकाने की घटना, या एक महिला के बारे में एक शो है जो लोगों के घरों में जाती है और इसे साफ कर। इस ग्रह पर मानव डीएनए के कॉम्बिनेट्रिक्स अविश्वसनीय है। हर कोई बिल्कुल अलग होता है। आप कभी भी किन्हीं दो लोगों से नहीं मिलेंगे जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे के समान हो, जो एक दूसरे का स्थानापन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं ठीक है नवी ने अभी अभी मेरा जीवन छोड़ा है इसलिए मैं इस दूसरे व्यक्ति को अंदर आने के लिए कह सकता हूं और वो बिल्कुल नवी की तरह है और मुझे वही भावनाएं वही प्रतिक्रियाएं और वही विचार मिलते हैं। नहीं, लोगों का कोई विकल्प नहीं है। लोग पूरी तरह से अनोखे हैं। तो यह देखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग कौशल, अलग अलग रुचियां, अलग अलग जुनून है और यह वह विविधता है जो एक रचनात्मक महाशक्ति बन जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनूठी चीज में रचनात्मक रूप से उत्कृष्ट हो सकता है। लेकिन पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अगर आप इटली के एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में रह रहे थे तो आपके मछली पकड़ने के गांव की तरह आपके पूरी तरह से अद्वितीय कौशल की आवश्यकता नहीं थी और आपको केवल कुछ नौकरियों के अनुरूप होना था जो उपलब्ध थी। लेकिन अब आज आप पूरी तरह से अद्वितीय हो सकते हैं। आप इंटरनेट पर जा सकते हैं और आप अपने दर्शकों को ढूंढ सकते हैं और आप एक व्यवसाय बना सकते हैं और उत्पाद बना सकते हैं और धन का निर्माण कर सकते हैं और लोगों को खुश कर सकते हैं। बस इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त करना। करियर का स्पेस इतना विस्तृत हो गया है। स्पोर्ट्स खिलाड़ी, फोर्टनाइट खेलकर करोड़ों डॉलर कमाने वाले लोग, वीडियो बनाने और उन्हें अपलोड करने वाले लोग, यूट्यूब ब्रॉडकास्टर, ब्लॉगर, आप जानते हैं पॉडकास्टर्स। जो रोगन, मैंने पढ़ा, सही या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा कि वह अपने पॉडकास्ट पर प्रति वर्ष लगभग डॉलर 100 मिलियन बनाने जा रहा है और उसके पास 2 बिलियन डाउनलोड है। यहां तक कि प्यूडीपाई, ये एक प्रफुल्लित करने वाला ट्वीट है जिसे मैंने दूसरे दिन रिट्वीट किया था। प्यूडीपाई समाचारों में नंबर एक विश्वसनीय नाम है। ये एक बच्चा है, मुझे लगता है स्वीडन में है और उसे शीर्ष केबल समाचार नेटवर्कों का 3 गुना वितरण मिला है। सिर्फ उनके न्यूज चैनल पर ही नहीं, उनके एंटरटेनमेंट चैनल पर भी नहीं। इंटरनेट किसी भी आला रुचि को सक्षम बनाता है जब तक कि आप इसमें सबसे अच्छे हैं इसे स्केल करने के लिए। और अच्छी खबर यह है क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर कोई किसी न किसी चीज में सबसे अच्छा होता है। मेरे पास एक और ट्वीट है जो देखने लायक है, लेकिन इस ट्वीट तूफान में नहीं गया, एक बहुत ही सरल था। मुझे चीजें पसंद है जब मैं उन्हें कम कर सकता हूं क्योंकि उन्हें याद रखना आसान होता है और उन्हें हो करना आसान होता है। लेकिन वह था प्रामाणिकता के माध्यम से प्रतियोगिता से बचना। तो जब आप लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनकी नकल कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान अलग होता है। नकल मत करो, मुझे पता है कि हम नकल करने वाले जीव हैं और इन्हें गिराट के पास नकल करने का एक पूरा सिद्धांत है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा आसान है। नकल मत करो, नकल मत करो, बस अपना काम करो। आप होने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यह इतना आसान है। और इसलिए आप जो हैं और जो करना पसंद करते हैं उसके प्रति आप जितने अधिक प्रामाणिक होंगे आपके पास उतनी ही कम प्रतिस्पर्धा होगी। तो आप प्रामाणिकता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा से बच सकते हैं जब आप महसूस करते हैं कि आपके होने पर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। और आमतौर पर यह बेकार सलाह पूर्व इंटरनेट पोस्ट इंटरनेट होती। आप इसे करियर में बदल सकते हैं।
इस बारे में थोड़ी बात करें कि आपको किन उद्योगों में काम करने के बारे में सोचना चाहिए, आपके पास किस तरह की नौकरी होनी चाहिए और आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि एक ऐसा उद्योग चुनना चाहिए जहां आप दीर्घकालिक लोगों के साथ दीर्घकालिक खेल खेल सकें। क्यों? हाँ, यह एक अंतर्दृष्टि है कि सिलिकॉन वैली क्या काम करती है और उच्च भरोसेमंद समाज क्या काम करते हैं। अनिवार्य रूप से जीवन में सभी लाभ चक्रवृद्धि हितों से आते हैं, चाहे वह रिश्तों में हो या पैसे कमाने में या सीखने में। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक अद्भुत शक्ति है जहां यह है, आप जानते हैं, आप एक एक्स के साथ शुरू करते हैं जो आपके पास है और फिर यदि आप 30 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 30 वर्षों का 20% जोड़ा गया है, यह था कंपाउंडिंग। तो यह बस बढ़ता गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि आपको अचानक बड़ी मात्रा में कुछ भी नहीं मिल गया, चाहे वह सद्भावना हो या प्यार या रिश्ते या पैसा। इसलिए मुझे लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। आपको लंबी अवधि का खेल खेलने में सक्षम होना चाहिए और लंबी अवधि के खेल अच्छे हैं न केवल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, वे भरोसे के लिए भी अच्छे हैं। यदि आप कैदी की दुविधा प्रकार के खेलों को देखते हैं तो कैदी की दुविधा का समाधान जैसे को तैसा है, जो कि मैं आपके साथ वही करने जा रहा हूं जो आपने मेरे साथ पिछली बार किया था, अगर कोई गलती हुई हो तो कुछ क्षमा के साथ। लेकिन यह केवल पुनरावृत्त कैदी की दुविधा में काम करता है। दूसरे शब्दों में, हम खेल को कई बार खेलते हैं। तो अगर आप किसी स्थिति में हैं, उदाहरण के लिए आप सिलिकॉन वैली में हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं और वे एक दूसरे को जानते हैं, वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ सही करते हैं क्योंकि वे इस व्यक्ति को जानते हैं अगले गेम के लिए आसपास होगा। अब बेशक यह हमेशा काम नहीं करता है क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में एक चाल में इतना पैसा कमा सकते हैं। कभी कभी लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं क्योंकि वे ऐसे ही होते हैं। मैं इसे काफी अमीर होने जा रहा हूं जिसकी मुझे परवाह नहीं है। अतः इन सभी परिस्थितियों के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों के साथ काम करना होगा और आपको यह पता लगाना होगा कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और आप किस पर लंबे समय तक भरोसा कर सकते हैं कि आप उनके साथ खेल खेलते रहें ताकि चक्रवृद्धि ब्याज और उच्च भरोसे से खेल खेलना आसान हो जाए और आप प्रमुख पुरस्कार एकत्र कर सकें जो आमतौर पर चक्र के अंत में होते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने अमेरिकी शेयर बाजार में एक निवेशक के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह ऐसा कर सके इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अमेरिकी शेयर बाजार सिर और आसपास था और उदाहरण के लिए अमेरिकी शेयर बाजार द्वारा जब्त नहीं किया गया था। एक खराब प्रशासन के दौरान सरकार या अमेरिका किसी युद्ध में नहीं उतरा, अंतर्निहित मंच नष्ट नहीं हुआ। इसलिए उनके मामले में वो एक लंबी अवधि का खेल खेल रहे थे और विश्वास अमेरिकी शेयर बाजार की स्थिरता से आया था। सिलिकॉन वैली में विश्वास छोटे भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के नेटवर्क से आता है जिसे आप समय के साथ समझ जाते हैं कि आप किसके साथ काम कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। यदि आप स्थान बदलते रहते हैं, आप समूह बदलते रहते हैं, मान लीजिए कि आपने वुडवर्किंग उद्योग में शुरुआत की है और आपने वहां एक नेटवर्क बनाया है और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप वुडवर्किंग उद्योग में एक उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अचानक एक अन्य उद्योग साथ आता है जो निकट है लेकिन अलग है, लेकिन आप वास्तव में इसमें किसी को नहीं जानते हैं और आप इसमें गोता लगाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। यदि आप उद्योग से कूदते रहते हैं, नहीं, वास्तव में मुझे इलेक्ट्रिक कार ईंधन भरने के लिए इलेक्ट्रिक कार स्टेशनों की एक पंक्ति खोलने की आवश्यकता है, यह समझ में आ सकता है, यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन हर बार जब आप रीसेट करते हैं, हर बार जब आप अपने नेटवर्क से बाहर निकलते हैं तो आप खरोंच से शुरू करने वाले हैं, आपको नहीं पता होगा कि किस पर भरोसा करना है, वे आप पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे उद्योग भी हैं जिनमें परिभाषा के अनुसार लोग क्षणिक हैं, वे हमेशा आते और जाते रहते हैं। राजनीति इसका एक उदाहरण है ना? राजनीति में नए लोग चुने जा रहे हैं। आप राजनीति में देखते हैं कि जब आपके पास बहुत से पुराने समय के लोग होते हैं, जैसे कि सीनेट, लोग लंबे समय से आसपास रहे हैं और वे पेशेवर राजनेता रहे हैं। हाँ, कैरियर राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन एक उल्टा यह है कि वे वास्तव में एक दूसरे के साथ सौदे करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति अब से 10 साल बाद उसी स्थिति में रहने वाला है और उन्हें रखना होगा उनके साथ व्यवहार करना ताकि वे यह भी सीख सकें कि कैसे सहयोग करना है। जबकि हर बार आपको प्रतिनिधि सभा में एक नए आने वाले नए वर्ग की तरह मिलता है जो हर 2 साल में बदल जाता है, बड़ी लहर चुनाव, कुछ भी नहीं होता है क्योंकि बहुत लड़ाई होती है। क्योंकि मैं अभी यहां आया हूं, मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि अगर आप आसपास रहने वाले हैं मुझे आपके साथ काम क्यों कराएंगे, मुझे जो सही लगता है उसे करने की कोशिश करने के बजाय। इसलिए ऐसा उद्योग चुनना महत्वपूर्ण है जहां आप दीर्घकालिक खेल और दीर्घकालिक लोगों के साथ खेल सकें। इसलिए उन लोगों को यह संकेत देना होगा कि वे लंबे समय तक आसपास रहने वाले हैं, कि वे नैतिक हैं और उनकी नैतिकता उनके कार्यों से दिखाई देती है। लंबे समय के खेल में ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे को अमीर बना रहा है और एक छोटी अवधि के खेल में ऐसा लगता है कि हर कोई खुद को अमीर बना रहा है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार फॉर्मुलेशन है। हाँ, एक लंबी अवधि के खेल में यह सकारात्मक योग है। हम सब मिलकर एक पाई पका रहे हैं, हम इसे जितना संभव हो उतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी अवधि के खेल में हम पाई काट रहे हैं। अब यह समाजवादियों को बहाना नहीं है, है ना? समाजवादी वे लोग हैं जो पाई सेंकने में शामिल नहीं है, जो अंत में दिखाते हैं और कहते हैं मुझे एक टुकड़ा चाहिए या मुझे पूरी पाई चाहिए। वे लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा नेता श्रेय नहीं लेता। एक अच्छा नेता लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता है ताकि टीम काम कर सके और फिर चीजों को निष्पक्षता के अनुसार विभाजित किया जाता है और जिसने जितना संभव हो उतना या जितना संभव हो उतना योगदान दिया और सबसे लंबा चाकू अंत में सबसे तेज चाकू रखने वाले के विपरीत जोखिम लिया। तो ये अगले 2 ट्वीट पुनरावृत्त खेल हैं। जीवन में सभी रिटर्न, चाहे धन, रिश्ते या ज्ञान, चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं।
हाँ, जब आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो आप किसी के साथ 10 साल, 20 साल, 30 साल से दोस्त हैं, यह बेहतर और बेहतर होता जाता है क्योंकि आप उन पर बहुत आसानी से भरोसा करते हैं। अगर घर्षण कम हो जाए तो आप बड़े से बड़े काम एक साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे आसान है किसी से शादी करना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज है ना। उन रिश्तों में निवेश अधिक आकस्मिक संबंधों की तुलना में वे संबंध अमूल्य होते हैं। यह स्वास्थ्य और फिटनेस में सच है। आप जितने फिटर हैं, फिट रहना उतना ही आसान है, जबकि जितना अधिक आप अपने शरीर को खराब करते हैं उतना ही कठिन होता है वापस आना और अपना रास्ता आधार रेखा पर वापस लाना। इसके लिए वीरतापूर्ण रिश्तों की आवश्यकता है। चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ समय पहले कुछ रिट्वीट करते दिखा था, शायद ये एड लतीमोर से था। यह कुछ कर्षण प्राप्त करने, खरीदारी प्राप्त करने और इसे खोना नहीं की तर्ज पर चला गया। तो विचार यह था कि कुछ प्रारंभिक कर्षण हासिल किया जाए और कभी पीछे न हटें, बस ऊपर और ऊपर बढ़ते रहें। मुझे ये चीज़ याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसी था। हाँ, ये ऐसा था जैसे कर्षण प्राप्त करें और जाने दें। यह एक अच्छा था। हाँ, काम करने के लिए उन लोगों को चुनने के मामले में जिनके पास उच्च बुद्धि, उच्च ऊर्जा और उच्च सत्यनिष्ठा है। मुझे लगता है कि यह 3 भाग वाली चेकलिस्ट है जिस पर आप समझौता नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्मार्ट हो या वे गलत दिशा में जा रहे हों और आप सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे। आपको किसी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है क्योंकि दुनिया स्मार्ट आलसी लोगों से भरी हुई है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों को जानते हैं जो वास्तव में स्मार्ट हैं, लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं या उंगली नहीं उठा सकते हैं। और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बहुत ऊर्जावान तो हैं, लेकिन उतने चतुर नहीं है। इसलिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। और स्मार्ट यह अपमानजनक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी का स्मार्ट कोई और बेवकूफ है, लेकिन यह और भी है कि हर कोई अलग अलग चीजों में स्मार्ट होता है। तो आप जो अच्छा करना चाहते हैं उसके आधार पर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उस चीज में चतुर हो। और फिर ऊर्जा, कई बार लोग किसी खास चीज के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, लेकिन वे अन्य चीजों के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। तो उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई वास्तव में नौकरी पर जाने और कार्यालय में बैठने के लिए प्रेरित न हो, लेकिन वे पेंट करने के लिए वास्तव में प्रेरित हो सकते हैं, है ना। ऐसे में उन्हें पेंटर होना चाहिए, उन्हें कला को इंटरनेट पर डालना चाहिए, यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके गले में एक कॉलर पहनने और एक नीरस नौकरी पर जाने के बजाय उसमें से करियर कैसे बनाया जाए। और फिर उच्च अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा यदि आपके पास अन्य दो हैं तो आपके पास एक चतुर और मेहनती बदमाश है जो अंततः आपको धोखा देगा। इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि क्या व्यक्ति की उच्च सत्यनिष्ठा है। और जैसा कि हमने बात की, जिस तरह से आप ऐसा करते हैं बस संकेतों के माध्यम से होता है, और संकेत वह है जो वे करते हैं, न कि वे जो कहते हैं। ये सभी अशाब्दिक चीजें हैं जो लोग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। ऊर्जा के संबंध में यह दिलचस्प बात थी जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, और यह कुछ समय पहले सैम अल्टमैन द्वारा लिखी गई एक किताब थी जहां वह प्रतिनिधिमंडल के बारे में बात कर रहे थे। और वह कह रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल के लिए महत्वपूर्ण चीजों में से एक उन लोगों को सौंपना है जो वास्तव में उस चीज में अच्छे हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। यह सबसे स्पष्ट बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ साझेदारी करना चाहते हैं जो स्वाभाविक रूप से उन चीजों को करने जा रहे हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। हाँ, मैं लगभग कोई कंपनी शुरू नहीं करूंगा या किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखूंगा या किसी के साथ काम नहीं करूंगा अगर मुझे नहीं लगता कि वे उस चीज में हैं जो मैं उन्हें करना चाहता हूं। जब मैं छोटा था तो लोगों से बातें करने की कोशिश करता था। मेरा यह विचार था कि आप किसी को कुछ करने के लिए बेच सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप उन्हें प्रेरित नहीं रख सकते। आप उन्हें शुरुआत में प्रेरित कर सकते हैं। यदि आप हेनरी जैसे राजा हैं तो यह काम कर सकता है, और आप उन्हें युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वे इसका बदला लगा लेंगे। लेकिन अगर आप किसी को लंबे समय तक प्रेरित रखने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रेरणा आंतरिक रूप से आनी चाहिए। आप इसे न तो बना सकते हैं और न ही आप उनके लिए बैसाखी बन सकते हैं यदि उनके पास वो आंतरिक प्रेरणा नहीं है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग वास्तव में उस ऊर्जा वाले हैं और वो करना चाहते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं या आप उनके साथ किया काम करना चाहते हैं। संकेतों का इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत वे हैं जो लोग कहने के बावजूद करते हैं, इसलिए सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। समझ रूप से हम सभी जानते हैं, यदि कोई किसी रिश्ता में वेटर या वेटर्स के साथ वास्तव में बुरा व्यवहार करता है तो यह केवल कुछ समय की बात है जब तक कि वे आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। यदि कोई शत्रु पर शिकंजा कसता है और उनके प्रति प्रतिशोधी है तो यह केवल समय की बात है इससे पहले कि वे आपको मित्र से शत्रु तक फिर से परिभाषित करें और आप उनके क्रोध को महसूस करें। इतने गुस्सैल, क्रोधित, प्रतिशोधी, अल्पकालिक सोच वाले लोग अनिवार्य रूप से अपने जीवन में कई अंतःक्रियाओं में इसी तरह के होते हैं। ये उन चीजों में से एक है जो आप उनके बारे में जानेंगे। इसलिए आप दीर्घकालिक लोगों को खोजना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो तर्कहीन रूप से नैतिक प्रतीत हों। उदाहरण के लिए, मेरा एक मित्र था जिसकी कंपनी में मैंने निवेश किया और कंपनी विफल हो गई और वह सभी निवेशकों को मिटा सकता था, लेकिन वह अधिक से अधिक व्यक्तिगत धन डालता रहा। 3 अलग अलग पिवोट्स के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत पैसा तब तक लगाया जब तक कि कंपनी अंतत सफल नहीं हो गई, और इस प्रक्रिया में उन्होंने कभी भी निवेशकों का सफाया नहीं किया, और इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी था। मैंने कहा, जैसे वाह, यह आश्चर्यजनक है कि आप अपने निवेशकों के लिए इतने अच्छे हैं, आपने उन्हें मिला नहीं। इससे वह आहत हो गया। उसने कहा, मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने आपके लिए किया है। यह मेरा अपना स्वाभिमान है, मुझे इसकी परवाह है। इसी तरह मैं अपना जीवन जीता हूं। आप जिस तरह के व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं, एक और उदाहरण जो मुझे पसंद है, इस पर मेरा एक ट्वीट है। मुझे लगता है कि मैंने इसमें ही और है, इसलिए मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, जो यह है कि आत्मसम्मान एक प्रतिष्ठा है जो आपके पास है, आपको हमेशा पता चलेगा। इसलिए अच्छे लोग, नैतिक लोग, लोगों के साथ काम करना आसान, विश्वसनीय लोग बहुत उच्च आत्मसम्मान रखते हैं क्योंकि उनकी खुद के साथ बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है, और वे समझते हैं कि यह अहंकार नहीं है।
आत्मसम्मान और अहंकार अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि अहंकार अयोग्य हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान कम से कम आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आंतरिक नैतिक आचार संहिता तक जीवित रहे। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत कठिन है जिनकी सत्यनिष्ठा कम है, और ये पता लगाना कठिन है कि उच्च सत्यनिष्ठा और निम्न सत्यनिष्ठा कितनी है। आमतौर पर जितना अधिक कोई कह रहा है कि वे नैतिक और उच्च सत्यनिष्ठा है, उनके इस तरह होने की संभावना उतनी ही कम है। ये बहुत हद तक स्टेटस सिग्नलिंग जैसा है। यदि आप खुले तौर पर स्थिति के लिए बोली लगाते हैं, यदि आप खुले तौर पर उच्च स्थिति होने की बात करते हैं, तो यह एक निम्न स्थिति चाल है। यदि आप खुले तौर पर बात करते हैं कि आप कितने ईमानदार और विश्वसनीय हैं, तो आप शायद इतने ईमानदार और भरोसेमंद नहीं हैं। यह ठग पुरुषों की विशेषता है। तो हाँ, एक ऐसा उद्योग चुनें जिसमें आप दीर्घकालिक लोगों के साथ दीर्घकालिक खेल खेल सकें। ये आखिरी ट्वीट करते हैं। आपने कहा संकियों और निराशावादियों के साथ साझेदारी न करें, उनकी मान्यताएं स्वयंसिद्ध हैं। अनिवार्य रूप से चीजों को बनाने के लिए आपको एक तर्कसंगत आशावादी होना होगा, इस अर्थ में तर्कसंगत कि आपको दुनिया को वास्तव में जैसा है वैसा ही देखना होगा, और फिर भी आपको अपनी क्षमताओं और काम पूरा करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी होना होगा। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो निरंतर निराशावादी होते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर देंगे। अपने जीवन में हर किसी को मददगार आलोचनात्मक व्यक्ति पसंद है ना? वह सोचता है कि वह मददगार हो रहा है, लेकिन वह वास्तव में आलोचनात्मक है और वह हर चीज में नीचा है। वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन में कभी कुछ महान नहीं करेगा, बल्कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों को भी कुछ महान करने से रोकेगा। उन्हें लगता है कि उनका काम चीजों में छेद करना है, और जब तक आप एक समाधान के साथ आते हैं तब तक चीजों में छेद करना ठीक है। सैन्य लाइन की तरह क्लासिक भी है, या तो नेतृत्व करें, अनुसरण करें, या रास्ते से हट जाएं। और ये लोग चौथा विकल्प चाहते हैं, जहां वे नेतृत्व नहीं करना चाहते, वे पालन नहीं करना चाहते, लेकिन वे रास्ते से हटना नहीं चाहते। वे आपको बताना चाहते हैं कि बात काम क्यों नहीं कर रही है। और वास्तव में जितने भी सफल लोग मुझे जानते हैं, उनके पास बहुत मजबूत कार्रवाई पूर्वाग्रह है, वे सिर्फ बातें करते हैं। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ व्यवहार्य है या नहीं, कम से कम पहला चरण और दूसरा चरण और तीसरा करें और फिर निर्णय लें। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, धन का निर्माण करना चाहते हैं, या अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, या फिर रहना चाहते हैं, या यहां तक कि खुश रहना चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए आपको एक क्रियात्मक पूर्वाग्रह रखने की आवश्यकता है, और आपको इसके प्रति आशावादी होना होगा। तर्कहीन नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से बुरा कुछ नहीं है जो मूक और पीछा करने जैसा है। इसलिए मैं तर्कसंगत आशावादी कहता हूं, लेकिन आपको तर्कसंगत होना होगा। सभी नुकसानों को जाने, नकारात्मकताओं को जाने, लेकिन फिर भी अपनी ठुड्डी ऊपर रखें। मेरा मतलब है, आपके पास इस ग्रह पर एक जीवन है, कुछ बड़ा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये एलन मस्क की सुंदरता है, और मुझे क्यों लगता है कि वह इतने सारे लोगों को प्रेरित करते हैं? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह वास्तव में बड़े दुस्साहसिक कार्य करता है, और वह लोगों को बड़ा सोचने के लिए एक उदाहरण प्रदान करता है। और छोटी छोटी चीजों को बनाने में भी काफी मेहनत लगती है। मुझे नहीं लगता कि कोने के किराने की दुकान का मालिक एलन से कम मेहनत कर रहा है। कस्तूरी या कम पसीना डालना और उसमें मेहनत करना शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन किसी भी कारण से आप जानते हैं, शिक्षा के मामले में उन्हें इतना बड़ा सोचने का मौका नहीं मिला, तो परिणाम उतना बड़ा नहीं है। तो बड़ा सोचना बेहतर है, स्पष्ट रूप से तर्कसंगत रूप से आशावादी बने रहने के आपके साधनों के भीतर। सनक और निराशावादी जो वे वास्तव में कह रहे हैं और भाग्यशाली हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि मैंने हार मान ली है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूं, और इसलिए मुझे दुनिया बस एक ऐसी दुनिया लगती है जहां कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए आप कुछ करने क्यों जाएं, क्योंकि अगर आप असफल होते हैं तो मैं सही हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सफल होते हैं तो आप मुझे सिर्फ बुरा दिखाते हैं। एक तर्कसंगत निंदक होने की तुलना में एक तर्कहीन आशावादी होना शायद बेहतर है। आपको आशावादी क्यों होना चाहिए, इस पर पूरी तरह से तर्कसंगत ढांचा है। ऐतिहासिक रूप से यदि आप 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 10000 वर्ष पीछे जाते हैं, दो लोग जंगल में भटक रहे हैं, वे एक बाघ को सुनते हैं, एक आशावादी है और कहता है, ओ ये हमारे रास्ते नहीं चल रहा है। दूसरा कहता है, मैं निराशावादी हूं, मैं यहां से बाहर हूं, और निराशावादी भागता है और बच जाता है और आशावादी खा जाता है। तो हम निराशावादियों के वंशज हैं। हम निराशावादी होने के लिए आनुवंशिक रूप से कठोर हैं, लेकिन आधुनिक समाज कहीं अधिक सुरक्षित है। सड़कों पर कोई बाघ विचरण नहीं कर रहा है। यह बहुत कम संभावना है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, हालांकि आपको कुल बर्बादी से बचना चाहिए। बहुत अधिक संभावना है कि उल्टा असीमित है और नकारात्मक पक्ष सीमित है। तो आधुनिक समाज के लिए अनुकूल होने का अर्थ है अपने निराशावाद पर काबू पाना और थोड़ा तर्कहीन आशावादी दांव लगाना, क्योंकि उल्टा असीमित है। यदि आप अगला स्पेसएक्स या टेस्ला या उबेर शुरू करते हैं, तो आप समाज के लिए और अपने लिए अरबों डॉलर का मूल्य बना सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। और अगर आप सफल होते हैं तो बहुत बड़ी है। आपने निवेशकों के कुछ मिलियन डॉलर को दिए हैं और उन्हें बहुत अधिक मिला है, और यही शर्त है कि वे आपके सफल होने का चांस लेते हैं। अतीत में निराशावादी होना समझ में आता था, आज आशावादी होना समझ में आता है, खासकर यदि आप शिक्षित हैं और प्रथम विश्व के देश में रह रहे हैं। यहां तक कि तीसरी दुनिया के देश भी वास्तव में सोचते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक अवसर बहुत बड़े हैं। आपको जिस एक चीज से बचना है वह है बर्बादी का खतरा। बर्बादी का मतलब है जेल से बाहर रहना। इसलिए ऐसा कुछ भी करें जो गैरकानूनी हो। नारंगी रंग का जंपसूट पहनना और कुल विनाशकारी नुकसान से बाहर रहना कभी भी इसके लायक नहीं है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि आप उन चीजों से दूर रहें जो शारीरिक रूप से खतरनाक हो सकती हैं, आपके शरीर को चोट पहुंचा सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और उन चीजों से दूर रहना होगा जो आपकी सारी पूंजी, आपकी सारी बचत खो सकती है। यह सब कुछ एक बार में जुआ होगा, लेकिन आप बड़े उलटफेर के साथ तर्कसंगत रूप से आशावादी दांव लगाते हैं।
मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो आपके विचारों को बनाने और बनाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों पर निर्माण करेंगे, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न दिखें। और फिर ऐसे लोग हैं जो सभी स्पष्ट अपवादों को सूचीबद्ध करेंगे, चाहे वे कितने भी स्पष्ट क्यों न हों। और सौभाग्य से स्टार्टअप की दुनिया में मैं वास्तव में उन लोगों के संपर्क में नहीं आता जो आपको स्पष्ट अपवाद दे रहे हैं और सभी कारण ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं मुश्किल से अब इसका खुलासा करता हूँ। स्कॉट एडम्स के लिए ट्विटर इस बच्चे से इतना नाराज हो गया। वह वाक्यांश और परिवर्णी शब्द के साथ आया जो है लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट अपवाद है, BOCTAOE। और वह कुछ समय के लिए अपने लेखों के अंत में उस संक्षिप्त नाम को पिन करना पसंद करते थे, लेकिन ट्विटर नाइट पिकर्स के साथ हो गया है। और जहां बिल्कुल जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली ने सीखा है कि उल्टा इतना बड़ा है कि आप कभी भी उस आलसी बच्चे को नहीं देखते हैं जिसने हुडी पहन रखी है और उसके जूते पर कॉफी पसंद है और बस एक स्लॉप की तरह दिखता है, लेकिन वह जा रहा है अगले मार्क जुकरबर्ग या अगले रीड हॉफमैन बनने के लिए। इसलिए आपको सभी के साथ सम्मान से पेश आना होगा। आपको हर संभावना और अवसर को देखना होगा, क्योंकि आधुनिक दुनिया में बढ़त बहुत असीमित है और गिरावट बहुत सीमित है, खासकर वित्तीय संपत्तियों और उपकरणों के मामले में। क्या आप उन कौशलों के बारे में थोड़ी बात करना चाहते हैं जिनकी आपको विशेष रूप से आवश्यकता है? विशिष्ट ज्ञान, जवाबदेही, उत्तोलन और निर्णय। तो ट्विटर फीड में पहला ट्वीट, मुझे लगता है कि ये एक ट्वीट था, इसलिए इस क्षेत्र में पहला ट्वीट अपने आप को विशिष्ट ज्ञान, उत्तरदायित्व और उत्तोलन से लैस है और मैं निर्णय भी लूंगा। मुझे नहीं लगा कि आपने उस विशेष ट्वीट में इसे शामिल किया है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पैमाने पर भुगतान करना होगा। और आप क्यों ये जवाबदेही है? बड़े पैमाने पर यह उत्तोलन है और केवल आपको भुगतान मिल रहा है जबकि किसी और को भुगतान नहीं मिल रहा है। यह विशिष्ट ज्ञान है। इस पूरे ट्वीट तूफान में इतना विशिष्ट ज्ञान शायद सबसे कठिन काम है और शायद यही वह चीज है जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। बात यह है कि हमारे पास ये विचार है कि सब कुछ सिखाया जा सकता है, स्कूल में सब कुछ सिखाया जा सकता है, और यह सच नहीं है कि सब कुछ सिखाया जा सकता है। वास्तव में सबसे दिलचस्प चीजें सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ सीखा जा सकता है। और अक्सर वह सीख या तो आपके अंदर कुछ जन्मजात विशेषताओं से आती है, DNA, या आपके बचपन के माध्यम से हो सकता है जहां आपने सॉफ्ट स्किल्स सीखी हैं जो जीवन में बाद में सिखाना बहुत कठिन है, या यह कुछ ऐसा है जो एकदम नया है तो कोई और यह भी नहीं जानता कि इसे कैसे करना है, या यह नौकरी प्रशिक्षण पर सच है क्योंकि आप अत्यधिक जटिल वातावरण में पैटर्न से मेल खाते हैं। एक विशिष्ट डोमेन में निर्णय लेना क्लासिक उदाहरण निवेश कर रहा है, लेकिन यह कुछ भी हो सकता है। ट्रकों का बेड़ा चलाने में यह निर्णय में हो सकता है, यह मौसम की भविष्यवाणी में निर्णय हो सकता है। तो विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जिसकी आप परवाह करते हैं, खासकर यदि आप जीवन में बाद में हैं। मान लीजिए कि आप 2021-22 के बाद के हैं, आपको लगभग यह चुनने का मौका नहीं मिलता है कि आपके पास कौन सा विशिष्ट ज्ञान है, बल्कि आपको यह देखने को मिलता है कि आपने उस समय तक पहले से क्या बना लिया है और फिर आप इसके शीर्ष पर निर्माण कर सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान के बारे में नोटिस करने वाली पहली बात यह है कि आपको इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। यदि आप इसके लिए प्रशिक्षित हो सकते हैं, यदि आप किसी कक्षा में जा सकते हैं और विशिष्ट ज्ञान सीख सकते हैं, तो किसी और को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। और हम वर्तमान पर अटक सकते हैं और लोगों वर्तमान पर रजिस्टर सकते हैं। एक हम इसे करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम भी कर सकते हैं और अंततः हम रोबोट को ऐसा करने के लिए चलने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप बेहद बदले जा सकते हैं और हमें आपको केवल वह न्यूनतम वेतन देना है जो हमें आपसे इसे करवाने के लिए आपको देना होगा। वैसे कई अन्य लोग हैं जिन्हें इस करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो वास्तव में आपका रिटर्न सिर्फ आपके प्रशिक्षण की लागत और उस प्रशिक्षण पर निवेश पर रिटर्न में विकसित होता है। तो आप वास्तव में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सर्वोत्तम विशिष्ट ज्ञान को भुनाने में सक्षम होने के लिए आपको अपने प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इसके जिस हिस्से के लिए आपको भुगतान किया जा रहा है वह विशिष्ट ज्ञान है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त करता है और फिर एक विक्रेता बन जाता है, ठीक है, अगर वे पहले से ही एक दुर्जेय विक्रेता थे के साथ शुरू करने के लिए महान बिक्री कौशल था तो मनोविज्ञान की डिग्री का लाभ उठाया जाता है, यह उन्हें हथियार देता है और वे बिक्री में बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन अगर वे हमेशा एक अंतर्मुखी थे, बिक्री में बहुत अच्छे नहीं थे और वे बिक्री सीखने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे इसमें उतना अच्छा नहीं होने जा रहे हैं। विशिष्ट ज्ञान आपकी जन्मजात प्रतिभाओं, आपकी वास्तविक जिज्ञासा और आपके जुनून को आगे बढ़ाने से कहीं अधिक पाया जाता है। यह किसी भी सबसे गर्म काम के लिए स्कूल जाने से नहीं है, यह किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए नहीं है जिसे निवेशक सबसे गर्म कहते हैं। बहुत बार विशिष्ट ज्ञान ज्ञान के किनारे पर होता है। फुल कोन्स किताब से बात करते हुए, बोर्ड के ऊपर दो उड़ गए शायद 20 में मेरी पसंदीदा किताबों में से एक थी। सामान जो अभी पता लगाया जा रहा है या वास्तव में पता लगाना कठिन है, इसलिए यदि आप इसमें 100% नहीं हैं, तो कोई और जो इसमें 100% है आपसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। और वे न केवल आपसे थोड़ा सा ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि वे आपसे बहुत अधिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब हम विचारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में लागू होता है और उत्तोलन वास्तव में लागू होता है। तो अगर आप 1000 गुना उत्तोलन के साथ काम कर रहे हैं और कोई 80% सही है
और कोई और 90% समय सही है। जो व्यक्ति 90% समय सही है वास्तव में सैकड़ों गुना अधिक भुगतान किया जाएगा बाजार उत्तोलन के कारण और चक्रवृद्धि कारकों के कारण और सही होने के कारण। वे सब बहुत अच्छे हैं पढ़ने से बहुत पहले। तो आप वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसमें अच्छे हैं, इसलिए आपकी वास्तविक जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बार ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप बैठते हैं और आप इसके बारे में तर्क करते हैं, यह अवलोकन द्वारा अधिक पाया जाता है। आपको लगभग अपने स्वयं के जीवन को देखना होगा और देखना होगा कि आप वास्तव में क्या अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता था और यहीं से मेरा बहुत सारा नैतिक पदानुक्रम आता है। मैं वैज्ञानिकों को मानवता के लिए उत्पादन श्रृंखला के शीर्ष पर देखता हूँ और वैज्ञानिकों का समूह जिन्होंने वास्तविक सफलताएं और योगदान किए हैं उन्होंने शायद मानव समाज में और अधिक जोड़ा है। मुझे लगता है कि मनुष्य के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में कला या राजनीति या इंजीनियरिंग या व्यवसाय से कुछ भी नहीं छीनना चाहिए। लेकिन विज्ञान के बिना, आप जानते हैं, हम अभी भी मिट्टी में खुरच रहे होंगे, लाठियों से लड़ रहे होंगे और आग लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरी पूरी मूल्य प्रणाली वैज्ञानिकों के इर्द गिर्द बनी थी और मैं एक महान कठिन होगा। वे कहते हैं, ठीक है, मैं सारगर्भित होने और विचारों को बेचने में कैसे अच्छा हो सकता हूँ। ठीक है, यदि आप पहले से ही इसमें अच्छे नहीं हैं या यदि आप वास्तव में इसमें नहीं हैं तो शायद यह आपकी बात नहीं है। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें आप वास्तव में हैं। यह विडंबना है, लेकिन वास्तव में मेरे वास्तविक विशिष्ट ज्ञान को इंगित करने वाला पहला व्यक्ति मेरी माँ थी और उसने रसोई से बात करते हुए इसे एक तरफ कर दिया। और उसने यह तब कहा जब मैं 15 या 16 साल की थी। मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि मैं एक खगोल वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और उसने कहा, नहीं, तुम व्यापार करने जा रहे हो। और मैं ऐसा था क्या? मेरी मम्मी बता रही है कि मैं व्यवसाय में जा रहा हूं, मैं खगोल वैज्ञानिक बन रहा हूं। मां नहीं जानती कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मां को ठीक ठीक पता था कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसने पहले ही देख लिया था कि हर बार जब हम सड़क पर चलते हैं मैं स्थानीय पिज्जा पार्लर की आलोचना करूंगा कि वे अपने स्लाइस को कुछ टॉपिंग के साथ एक निश्चित तरीके से क्यों बेच रहे थे और उनके ऑर्डर देने की प्रक्रिया इस तरह क्यों थी जब इसे उस तरह से होना चाहिए था। इसलिए वह जानती थी कि मैं सिर्फ न्यायप्रिय था, मेरे पास एक व्यापारिक जिज्ञासु दिमाग था, लेकिन फिर विज्ञान के साथ मेरा जुनून प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी व्यवसायों को बनाने के लिए मिला जहां मैंने खुद को पाया। तो बहुत बार आपका विशिष्ट ज्ञान देखा जाता है और अक्सर अन्य लोगों द्वारा देखा जाता है जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और परिस्थितियों में प्रकट होते हैं, न कि आप जो कुछ लेकर आते हैं। जिस हद तक विशिष्ट ज्ञान सिखाया जाता है वह काम पर है, यह शिक्षुता के माध्यम से है। और यही कारण है कि सबसे अच्छा व्यवसाय, सबसे अच्छा करियर शिक्षुता करियर है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो समाज अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि कैसे प्रशिक्षित और स्वचालित किया जाए। यहाँ क्लासिक लाइन यह है कि जब वॉरेन बफेट स्कूल से बाहर निकले तो वे बेंजामिन ग्राहम के पास गए और बेंजामिन ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक थे और एक अनुशासन के रूप में आधुनिक या निर्मित मूल्य निवेश। और वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम के पास गए और उनके लिए मुफ्त में काम करने की पेशकश की और ग्राहम ने कहा, वास्तव में आपकी कीमत बहुत अधिक है, मुफ्त महंगा है। और ग्राहम बिल्कुल सही थे कि जब एक बहुत ही मूल्यवान शिक्षुता की बात आती है जैसे कि ग्राहम बफेट को देने जा रहे थे, बफेट को उन्हें काफी पैसा देना चाहिए था और वही आपको बताता है कि वे कौशल जानने योग्य हैं। विशिष्ट ज्ञान भी तकनीकी और रचनात्मक होता है, इसलिए प्रौद्योगिकी के चमोत्कर्ष पर, कला के चमोत्कर्ष पर, संचार के चमोत्कर्ष पर आज भी, उदाहरण के लिए, इंटरनेट पर संभवतः मीमे लॉर्ड्स हैं जो अविश्वसनीय मीम्स बना सकते हैं जो इस विचार को लाखों लोगों तक फैलाएंगे। लोगों की यह बहुत प्रेरक है। उदाहरण के लिए स्कॉट एडम्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। वह अनिवार्य रूप से वीडियो में प्रेरक तर्कों के माध्यम से सटीक भविष्यवाणियां करके दुनिया के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक बन रहा है और वह विशिष्ट ज्ञान है जो उसने वर्षों में बनाया है, क्योंकि जब वह छोटा था तब वह सम्मोहन से ग्रस्त हो गया था। उन्होंने कार्टूनिंग के माध्यम से संवाद करना सीखा, उसने पेरिस्कोप को जल्दी ही अपना लिया था, इसलिए वह बातचीत का बहुत अभ्यास कर रहा है। उन्होंने इस विषय पर सभी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने इसे अपने रोजगार के जीवन में काम लिया है। अगर आप उसकी प्रेमिका को देखें तो वह इस खूबसूरत युवा इंस्टाग्राम मॉडल की तरह है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपने करियर के दौरान एक विशिष्ट ज्ञान का निर्माण किया है। यह बेहद रचनात्मक है, इसमें तकनीकी होने के तत्व हैं और यह कुछ ऐसा है जो कभी स्वचालित नहीं होने वाला है। कोई भी उसे उससे दूर नहीं ले जा रहा है, क्योंकि वह स्कॉट एडम्स के रूप में एक ब्रांड के तहत भी जवाबदेह है और वह पेरिस्कोप के साथ मीडिया के उत्तोलन के साथ काम कर रहा है और डिल्बर्ट कार्टून बना रहा है और किताबें लिख रहा है। उसके पास उस ब्रांड के शीर्ष पर बड़े पैमाने पर उत्तोलन है और यदि वह पहले से ही अतिरिक्त धन का निर्माण करना चाहता है तो वह इससे धन का निर्माण कर सकता है। क्या हमें इसे अनोखा ज्ञान कहना चाहिए या विशिष्ट ज्ञान किसी तरह इसके लिए अधिक मायने रखता है? तुम्हें पता है, मैं इस ढांचे के साथ आया था जब मैं वास्तव में छोटा था और हम दशकों और दशकों की बात कर रहे हैं। यह अब शायद 30 साल से अधिक पुराना है और इसलिए उस समय केवल विशिष्ट ज्ञान मेरे साथ अटका रहा, इसलिए मैं इसके बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। मैंने कोशिश नहीं की और इसे बदलने का कारण यह है कि मुझे इसके लिए मिले हर दूसरे शब्द को एक अलग तरीके से अधिभारित किया गया था। कम से कम विशिष्ट ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता है, मैं इसे रिमांड कर सकता हूँ। अद्वितीय ज्ञान के साथ समस्या यह है, हाँ शायद यह अद्वितीय है, लेकिन अगर मैं इसे किसी और से सीखता हूँ तो यह अद्वितीय नहीं रह जाता है, तब हम दोनों इसे जानते हैं, तो यह इतना नहीं है कि यह अद्वितीय है, यह है कि यह स्थिति के लिए अत्यधिक विशिष्ट है, यह व्यक्ति के लिए विशिष्ट है, यह समस्या के लिए विशिष्ट है और इसे केवल एक बड़े जुनून, रुचि और उस डोमेन में बिताए गए समय के हिस्से के रूप में बनाया जा सकता है।
इसे सिर्फ एक किताब से सीधे नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं इसे एक ही कोर्स में पढ़ाया जा सकता है और नहीं इसे एक ही एल्गोरिथम में प्रोग्राम किया जा सकता है। स्कॉट एडम्स के बारे में बात करते हुए उन्हें एक ब्लॉग पोस्ट मिला है कि तीन या अधिक चीजों में शीर्ष 25% में शामिल होकर अपना करियर कैसे बनाया जाए और ऐसा करने से आप दुनिया में एकमात्र व्यक्ति बन जाते हैं जो उन तीनों को कर सकते हैं 25% में चीजें। इसलिए एक चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करने के बजाय आप बस तीन या अधिक चीजों में बहुत बहुत अच्छा बनने की कोशिश करें। क्या यह विशिष्ट ज्ञान के निर्माण का एक तरीका है? मुझे वास्तव में लगता है कि सबसे अच्छा तरीका सिर्फ अपने जुनून का पालन करना है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप महसूस कर सकते हैं कि हे वास्तव में ये जुनून। मैं इसके व्यावसायिक पहलुओं पर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा जानबूझकर बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप पैसे पर बहुत अधिक लक्ष्य उन्मुख हो जाते हैं तो आप सही चीज नहीं चुनेंगे। आप वास्तव में उस चीज को नहीं चुनेंगे जिसे आप करना पसंद करते हैं, इसलिए आप इसमें गहराई तक नहीं जाएंगे। स्कॉट एडम्स का अवलोकन अच्छा है, ये आंकड़ों पर आधारित है। मान लीजिए कि 10,000 ऐसे क्षेत्र हैं जो ज्ञान के मामले में आज मानव जाति के लिए मूल्यवान हैं और उन 10,000 स्लॉट में नंबर एक को लिया गया है। उन 10,000 में से प्रत्येक में किसी और के नंबर एक होने की संभावना है जब तक कि आप किसी दिए गए चीज पर दुनिया के 10,000 सबसे जुनूनी लोगों में से एक नहीं होते। लेकिन जब आप संयोजन के कॉम्बिनेट्रिक्स पर जाना शुरू करते हैं तो नंबर 3728 शीर्ष बिक्री कौशल और वास्तव में अच्छे लेखन कौशल के साथ और कोई व्यक्ति जो लेखांकन और वित्त को वास्तव में अच्छी तरह से समझता है, जब उस चौराहे की आवश्यकता आती है तो आपने अब 10,000 से विस्तार किया है कॉम्बिनेट्रिक्स के माध्यम से लाखों या करोड़ों में, तो यह बहुत कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। इसके अलावा घटता हुआ प्रतिफल भी है, इसलिए तीन या चार चीजों में शीर्ष 75% होना कहीं अधिक आसान है बजाय इसके कि किसी चीज में वास्तव में नंबर एक होना है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई जानबूझकर चीजों को इकट्ठा करना शुरू न करे, क्योंकि आप उन चीजों को चुनना चाहते हैं जहां आप स्वाभाविक हैं। इस व्यक्ति का पुरुषों या महिलाओं से मिलना स्वाभाविक है। ये व्यक्ति एक प्राकृतिक सोशायट है, ये व्यक्ति एक प्राकृतिक प्रोग्रामर है, ये व्यक्ति एक स्वाभाविक पाठक है। तो आप जो कुछ भी स्वाभाविक है आप उस पर दोगुना करना चाहते हैं। और फिर शायद ऐसी कई चीजें हैं जिनमें आप स्वाभाविक हैं, क्योंकि मनुष्यों में व्यक्तित्व बहुत जटिल होते हैं, इसलिए हम उन चीजों को लेने में सक्षम होना चाहते हैं जिनमें आप स्वाभाविक हैं और उन्हें संयोजित करते हैं ताकि आप स्वचालित रूप से मात्र रुचि और आनंद के माध्यम से कई चीजों में शीर्ष 25 या शीर्ष 10 या शीर्ष 5% पर पहुंचें। कॉम्बिनेशन स्किल्स की बात करते हुए आपने कहा था कि आपको बेचना सीखना चाहिए, बनाना सीखना चाहिए। यदि आप दोनों कर सकते हैं तो आप अजेय रहेंगे। आप जानते हैं यह अब एक बहुत व्यापक श्रेणी है, लेकिन ये दो व्यापक श्रेणियां हैं। एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है जो कठिन है और यह बहुभिन्न रूपी है। इसमें डिजाइन शामिल हो सकता है, जिसमें विकास शामिल हो सकता है, जिसमें विनिर्माण, रसद, खरीद शामिल हो सकते हैं। यह किसी सेवा का डिजाइन और संचालन भी हो सकता है। इसकी कई कई परिभाषाएं हैं, लेकिन हर उद्योग में निर्माता की एक परिभाषा होती है। हमारे टेक उद्योग में वह CTO है, वह प्रोग्रामर है, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है। लेकिन लॉन्ड्री व्यवसाय में भी यह वह व्यक्ति हो सकता है जो लॉन्ड्री सेवा का निर्माण कर रहा है, जो ट्रेनों को समय पर चला रहा है, जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी कपड़े सही समय पर सही जगह पर पहुंचे, इत्यादि। फिर इसका दूसरा पक्ष बिक्री पक्ष है। दोबारा बिक्री की एक बहुत व्यापक परिभाषा है। बेचने का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत ग्राहकों को बेचना नहीं है, लेकिन इसका मतलब मार्केटिंग हो सकता है, इसका मतलब संवाद करना हो सकता है, इसका मतलब भर्ती करना हो सकता है, इसका मतलब पैसे जुटाना हो सकता है, इसका मतलब लोगों को प्रेरित करना हो सकता है, इसका मतलब PR करना हो सकता है। तो ये एक विस्तृत छाता श्रेणी है। तो आमतौर पर सिलिकॉन वैली स्टार्टअप मॉडल सबसे अच्छा काम करता है। यह एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन यह शायद सबसे आम तरीका है। जब आपके पास दो संस्थापक हों जिनमें से एक बिक्री में विश्व स्तरीय है और जिनमें से एक निर्माण में विश्व स्तरीय है। एक उदाहरण निश्चित रूप से एप्पल के साथ स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक हैं। गेट्स और एलन के पास माइक्रोसॉफ्ट के साथ शुरुआत में समान जिम्मेदारी थी। लैरी और सर्गेई शायद उन पंक्तियों के साथ टूट गए, हालांकि यह वहां थोड़ा अलग है क्योंकि यह एक बहुत ही तकनीकी उत्पाद था जो एक साधारण इंटरफेस के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिया गया था। लेकिन आमतौर पर आप इस पैटर्न को बार बार दोहराते हुए देखेंगे। एक निर्माता है और एक विक्रेता है, एक CEO और CTO कॉम्बो है। और जब भी संभव हो इस कॉम्बो को देखने के लिए उद्यम और प्रौद्योगिकी निवेशकों को लगभग प्रशिक्षित किया जाता है। ये जादू का संयोजन है। परम तब है जब एक व्यक्ति दोनों कर सकता है, तभी आपको असली महाशक्तियां मिलती हैं, तभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो पूरे उद्योग बना सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण एलोन मस्क है। हो सकता है कि वह खुद रॉकेट का निर्माण नहीं कर रहा हो, लेकिन वह इतना समझता है कि वह वास्तव में तकनीकी योगदान देता है। वह तकनीक को इतनी अच्छी तरह से समझता है कि कोई भी उसे उस पर हावी नहीं होने देगा, और वह दावा करने के लिए इधर उधर नहीं दौड़ रहा है कि उसे नहीं लगता कि वह अंतर वितरित कर सकता है। वह समय सीमा में आशावादी हो सकता है, लेकिन वह सोचता है कि यह डिलीवरी की तर्कसंगतता के भीतर है।
यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स ने भी पर्याप्त उत्पाद कौशल विकसित कर लिया था और वह उस उत्पाद में पर्याप्त रूप से शामिल थे जिसे उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में भी संचालित किया था। लैरी एलिसन ने एक प्रोग्रामर के रूप में शुरुआत की और मुझे लगता है कि ओरेकल का पहला संस्करण लिखा था या वास्तव में इसमें भारी रूप से शामिल था। मार्क एंडरसन भी इसी डोमेन में थे। हो सकता है कि उसे अपने बिक्री कौशल पर पर्याप्त विश्वास न हो, लेकिन वह प्रोग्रामर था जिसने नेटस्केप नेविगेटर लिखा था, इसका एक बड़ा हिस्सा। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में असली दिग्गज वे लोग हैं जो निर्माण और बिक्री दोनों कर सकते हैं। और आमतौर पर इमारत एक ऐसी चीज है जो एक विक्रेता की तरह जीवन में बाद में इमारत नहीं उठा सकता है। इसके लिए बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बिल्डर थोड़ी देर बाद बिक्री शुरू कर सकता है, खासकर अगर वे पहले से ही एक अच्छा संचारक बनने के लिए तार तार हो गए हों। बिल गेट्स ने प्रसिद्ध रूप से इसकी व्याख्या की, मैं एक मार्केटर इंजीनियरिंग के बजाय एक इंजीनियर मार्केटिंग सिखाऊंगा। मुझे लगता है कि यदि आप एक निर्माण मानसिकता के साथ शुरुआत करते हैं और आपके पास निर्माण कौशल है और यह अभी भी आपके जीवन में काफी जल्दी है या आपके पास पर्याप्त समय केंद्रित है कि आपको लगता है कि आप बेचना सीख सकते हैं और आपके पास कुछ प्राकृतिक विशेषताएं हैं जहां आप इसमें अच्छे हैं, अच्छा विक्रेता, तो आप उन पर दोगुना कर सकते हैं। अब आपका बिक्री कौशल पारंपरिक डोमेन से भिन्न हो सकता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप वास्तव में एक अच्छे इंजीनियर हैं और फिर लोग कह रहे हैं अब आपको बिक्री में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आप हाथों हाथ बिक्री में अच्छे न हो, लेकिन आप वास्तव में एक अच्छे लेखक हो सकते हैं। और लिखना एक ऐसा कौशल है जिसे आमने सामने बेचने की तुलना में कहीं अधिक आसानी से सीखा जा सकता है। और इसलिए जब तक आप एक अच्छे ऑनलाइन कम्युनिकेटर नहीं बन जाते, तब तक आप केवल लेखन कौशल विकसित कर सकते हैं और फिर अपनी बिक्री के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर यह हो सकता है कि आप एक अच्छे निर्माता हैं और आप लिखने में बुरे हैं और आप बड़े पैमाने पर दर्शकों से संवाद करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप आमने सामने अच्छे हैं। तो फिर आप भर्ती करने या धन उगाहने के लिए अपने बिक्री कौशल का उपयोग कर सकते हैं, जो एक से एक प्रकार के प्रयास हैं। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि यदि आप इन दोनों के चौराहे पर हैं तो निराश न हो, क्योंकि आप सबसे अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होंगे और आप सबसे अच्छे विक्रेता नहीं होंगे। लेकिन एक अजीब तरीके से वह संयोजन स्कॉट एडम्स कौशल स्टैक पर वापस आ गया। दो का संयोजन अजय है। लंबी अवधि के लोग जो अंतर्निहित उत्पाद को समझते हैं और इसे कैसे बनाते हैं और इसे बेच सकते हैं, ये निवेशकों के लिए कटनीप है। ये लोग दीवारों को तोड़ सकते हैं यदि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा है और वे लगभग कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप केवल एक को ही अच्छा होने के लिए चुन सकते हैं तो आप किसे चुनेंगे? जब आप शोर से अलग दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बिल्डिंग वास्तव में बेहतर होती है, क्योंकि बहुत सारे हसलर्स और सेल्स पर्सन होते हैं जिनके पास उनका समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, जब आप पहचाने जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब बिल्डिंग बेहतर होती है। लेकिन बहुत बाद में इमारत थक जाती है, क्योंकि ये एक केंद्रित काम है और वर्तमान में बने रहना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा नए लोग, नए उत्पाद आ रहे हैं जिनके पास नए उपकरण हैं और स्पष्ट रूप से अधिक समय है, क्योंकि ये बहुत गहन है, ये एक बहुत ही केंद्रित कार्य है। इसलिए बिक्री कौशल वास्तव में समय के साथ बेहतर होता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक अच्छा उत्पाद बनाने की प्रतिष्ठा है तो ये अच्छा है, लेकिन जब आप नया उत्पाद भेजते हैं, मैं उत्पाद के आधार पर इसका मूल्यांकन करने वाला हूं। लेकिन अगर आपके पास व्यवसाय करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा है और आप प्रेरक और संचारी हैं, तो वह प्रतिष्ठा लगभग स्वयं बन जाती है। पूरा करना, तो मुझे लगता है कि अगर आपको केवल एक चुनना है तो आप निर्माण के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर बिक्री के लिए संक्रमण कर सकते हैं। ये एक कॉपआउट उत्तर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में सही उत्तर है। इससे पहले कि हम उत्तरदायित्व और उत्तोलन और निर्णय के बारे में बात करें, आपके पास कुछ और ट्वीट हैं जो कि मैं निरंतर सीखने की श्रेणी में रखूंगा। वे अनिवार्य रूप से व्यवसाय नामक कोई कौशल नहीं है, व्यापार पत्रिकाओं और व्यावसायिक वर्ग से बचें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, खेल सिद्धांत, मनोविज्ञान, अनुनय, नैतिकता, गणित और कंप्यूटर का अध्ययन करें। एक और टिप्पणी है जो आपने पेरिस्कोप में की थी, वह यह थी कि आपको पुस्तकालय में कोई भी पुस्तक लेने और उसे पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। और इस श्रेणी में आखिरी ट्वीट था, पढ़ना सुनने से तेज है, करने से तेज है देखने से। हाँ, इस पर सबसे महत्वपूर्ण ट्वीट मेरे पास यहाँ तक नहीं है, दुर्भाग्य से जो सीखने की नींव है वह पढ़ रहा है। मैं एक ऐसे स्मार्ट व्यक्ति को नहीं जानता जो हर समय पढ़ता और पढ़ता नहीं है। और समस्या यह है कि मैं क्या पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए यह एक संघर्ष है, यह एक काम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ यह सीखना है कि खुद को कैसे शिक्षित किया जाए, और खुद को शिक्षित करने का तरीका है पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित करना। तो जो ट्वीट छोड़ दिया गया है, मैं जिस पर इशारा कर रहा था, वह तब तक पढ़ा जाता है जब तक आप पढ़ना पसंद नहीं करते। यह इतना आसान है। हर कोई जानता है कि जो बहुत पढ़ता है उसे पढ़ना अच्छा लगता है और वे पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वे उन किताबों को पढ़ते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। यह थोड़ा मुश्किल बाइस है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जहां भी हों बस पढ़ना शुरू करें और फिर वहां से आगे बढ़ते रहें जब तक कि पढ़ने की आदत न बन जाए, और फिर अंततः आप साधारण चीजों से उब जाएंगे। तो आप कथा पढ़ना शुरू कर सकते हैं, फिर आप विज्ञान कथा में स्नातक हो सकते हैं, फिर आप गैर कथा में स्नातक हो सकते हैं, फिर आप विज्ञान या दर्शन या गणित या जो भी हो में स्नातक हो सकते हैं। लेकिन अपना स्वाभाविक रास्ता अपनाएं और केवल उन चीजों को पढ़ें जिनमें आपकी रुचि है, जब तक कि आप उन्हें समझ न लें, और फिर आप स्वाभाविक रूप से अगली चीज और अगली चीज और अगली चीज पर चले जाएंगे।
अब इसका एक अपवाद है जहां मैं संकेत कर रहा था कि आप वास्तव में क्या सीखना चाहते हैं, जो कि कुछ बिंदु पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और पढ़ना भी कबाड़ से भरा है। वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से शुरुआत में यह आपके मस्तिष्क को एक निश्चित तरीके से प्रोग्राम करेगा और फिर बाद में आप जो बातें पढ़ते हैं आप पहले की बातों के आधार पर तय करेंगे कि वे बातें सही हैं या गलत। इसलिए जरूरी है कि आप मूलभूत बातों को पढ़ें और मूलभूत बातें मैं कहूंगा कि किसी दिए गए क्षेत्र में मूल पुस्तकें हैं जो अपने स्वभाव में बहुत वैज्ञानिक हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापार पुस्तक पढ़ने के बजाय एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस को चुनें। जीव विज्ञान या विकासवाद पर आज लिखी गई किताब पढ़ने के बजाय मैं डार्विन की ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज को चुनूंगा। अभी बायोटेक पर एक किताब पढ़ने के बजाय जो बहुत उन्नत हो सकती है, मैं अभी वाटसन और क्रिक द्वारा रचित आठवें दिन की रचना को चुनूंगा। ब्रह्मांड विज्ञान और नील डेग्रेसे टायसन और स्टीफन हॉकिंग क्या कह रहे हैं इस पर उन्नत पुस्तकें पढ़ने के बजाय आप रिचर्ड फ्रेमैन के 6 इजी पीसेस को चुन सकते हैं और बुनियादी भौतिकी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप बुनियादी बातों को समझ लेते हैं, खासकर गणित और भौतिकी और विज्ञान में, तो आप किसी भी किताब से नहीं डरेंगे। हम सभी के पास वह स्मृति होती है जब हम कक्षा में बैठे होते हैं और हम गणित सीख रहे होते हैं और यह सब तार्किक था और सभी समझ में आता था, जब तक कि एक बिंदु पर कक्षा बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ी और हम पिछड़ गए और फिर उसके बाद हम समीकरणों को याद करते रह गए, अवधारणाओं को याद करते हुए उन्हें पहले सिद्धांतों से प्राप्त करने में सक्षम हुए बिना। उस पल में हम खो गए हैं, क्योंकि जब तक आप एक पेशेवर गणितज्ञ नहीं हैं, आप उन चीजों को याद नहीं रखेंगे। आप सभी को याद रखने जा रहे हैं, तकनीकें न्यू हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप समझ के स्टील फ्रेम पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गगनचुंबी इमारत के लिए नींव डाल रहे हैं और आप केवल चीजों को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप चीजों को याद कर रहे हैं तो आप खो गए हैं। इसलिए नींव अति महत्वपूर्ण है और परम तब होता है जब आप एक पुस्तकालय में जाते हैं और आप इसे ऊपर और नीचे देखते हैं और आप किसी भी किताब से नहीं डरते हैं। आप जानते हैं कि आप शेल्फ से कोई भी किताब ले सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं, आप जो सत्य है उसे आत्मसात कर सकते हैं, आप असत्य को अस्वीकार कर सकते हैं और आपके पास तर्क और वैज्ञानिकता पर काम करने का आधार है और विशुद्ध रूप से सिर्फ विचारों पर आधारित नहीं है। इंटरनेट की सुंदरता अलेक्जेंड्रिया टाइम्स 10 की पूरी लाइब्रेरी हर समय आपकी उंगलियों पर है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के साधन या सीखने के साधन दुर्लभ हैं, विद्या के साधन प्रचुर हैं, ये सीखने की इच्छा दुर्लभ है। तो आपको वास्तव में उस इच्छा को विकसित करना होगा और इसकी खेती भी नहीं की जाती है, आपको इसे खोना नहीं है। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यदि आप एक छोटे बच्चे के पास जाते हैं जो पहली बार भाषा सीखता है, तो वे लगभग हमेशा पूछते हैं, यह क्या है, वह क्या है, ऐसा क्यों है, वो कौन है, वे हमेशा सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन समस्याओं में से एक यह है कि स्कूल और हमारी शिक्षा प्रणाली और यहां तक कि बच्चों को पालने का हमारा तरीका भी जिज्ञासा को अनुपालन से बदल देता है। और एक बार जब आप जिज्ञासा को अनुपालन से बदल देते हैं तो आपको एक आज्ञाकारी कारखाना कर्मचारी मिल जाता है, लेकिन आपको एक रचनात्मक विचारक नहीं मिलता है। और आपको रचनात्मकता चाहिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे सीखने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खिलाने की क्षमता की आवश्यकता है। और मेरे लिए मूलभूत चीजें सिद्धांत हैं, वे एल्गोरिदम हैं, वे गहरी बैठी हुई तार्किक समझ रखते हैं जहां आप इसका बचाव कर सकते हैं या किसी भी कोण से हमला कर सकते हैं। और यही कारण है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापक अर्थशास्त्र बहुत सारा संस्मरण, बहुत सारा मैक्रो बकवास, जैसा कि नसीम तालेब कहते हैं, सूक्ष्म बकवास की तुलना में स्थूल बकवास करना आसान है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जादू है, जटिल विज्ञान राजनीति से मिलता है। आप इन दिनों किसी भी बात पर सहमत होने के लिए 2 मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं ढूंढ सकते, और अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिस्ट अलग अलग राजनेताओं द्वारा अपने अलग अलग पालतू सिद्धांतों को बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट भी हैं जो अब आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत कहलाने वाली किसी चीज को बेच रहे हैं, जो कहते हैं, अरे मुद्रास्फीति नामक इस पेस की चीज को छोड़कर हम केवल वह सारा पैसा प्रिंट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हाँ, महंगाई नाम की इस परेशान करने वाली चीज को छोड़कर, यह कहने जैसा है, सीमित ऊर्जा के बजाय हम पूरे दिन अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ सकते हैं, यह सिर्फ बकवास है। लेकिन तथ्य यह है कि ऐसे लोग हैं जिनके शीर्षक में मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं और आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको बताता है कि एक तथाकथित विज्ञान के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स भ्रष्ट हो गया है, यह राजनीति का कलंक है। तो आप वास्तव में नींव पर ध्यान देना चाहते हैं। अंतिम आधार गणित और तर्क है। यदि आप तर्क और गणित को समझते हैं तो आपके पास वैज्ञानिक पद्धति को समझने का आधार है। एक बार जब आप वैज्ञानिक पद्धति को समझ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में और अन्य चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, सत्य को असत्य से कैसे अलग किया जाए। इसलिए दूसरे लोगों की राय पढ़ने में बहुत सावधानी बरतें और यहां तक कि तथ्यों को पढ़ने में भी सावधानी बरतें, क्योंकि तथाकथित तथ्य अक्सर सिर्फ राय होते हैं, लेकिन आप जानते हैं, उनके चारों ओर एक लिबास के साथ। आप वास्तव में जो खोज रहे हैं वह एल्गोरिदम है, जो आप वास्तव में खोज रहे हैं वह समझ है। किसी पुस्तक को वास्तव में धीरे धीरे पढ़ना और संघर्ष करना और ठोकर खाना और पीछे की ओर मुड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि इसे जल्दी से पढ़कर कहें, ठीक है, अब मैंने 20 पुस्तकें पढ़ ली हैं, मैंने क्षेत्र में 50 किताबें पढ़ी हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 1000 लात और 1000 घूंसे जानता है।
मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मुक्का 10,000 बार और एक किक 10,000 बार अभ्यास किया हो। यह समझ है जो पुनरावृत्ति के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से और तर्क और नींव के माध्यम से आती है, जो वास्तव में आपको एक स्मार्ट विचारक बनाती है। अपने शेष जीवन के लिए सीखने की नींव रखने के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करने जा रहा हूं और इसे पूरा करने जा रहा हूं, तो आपको दो चीजों की जरूरत है। एक, व्यवहारिक अनुभव, और दो, आपको कुछ तकनीकी श्रेणी में गहराई तक जाने की आवश्यकता है, चाहे वह अमूर्त गणित हो या आप डोनाल्ड को पढ़ना चाहते हो, नथ की एल्गोरिदम पर किताबें, या आप भौतिकी पर फेनमैन के व्याख्यान पढ़ना चाहते हैं। यदि आपके पास व्यावहारिक कानूने हैं और किसी जटिल विषय की गहरी समझ है, तो मुझे लगता है कि आपके पास अपने शेष जीवन के लिए सीखने का एक बड़ा आधार होगा। हाँ, अगर मैं इसे थोड़ा विस्तार कर सकता तो मैं कहूंगा कि 5 सबसे महत्वपूर्ण कौशल हैं बेशक पढ़ना, लिखना, अंकगणित, और फिर जैसा कि आप अनुने में जोड़ रहे हैं जो बात कर रहा है, और फिर अंत में मैं कंप्यूटर जोड़ूंगा प्रोग्रामिंग, सिर्फ इसलिए कि ये अंकगणित का एक अनुप्रयुक्त रूप है जो आपको किसी भी डोमेन में मुफ्त में इतना अधिक लाभ देता है जिसमें आप काम करते हैं। यदि आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, यदि आप बुनियादी गणित में अच्छे हैं, यदि आप लिखने में अच्छे हैं, यदि आप बोलने में अच्छे हैं, और यदि आप पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप जीवन के लिए तैयार हैं। तो उस अर्थ में मेरे लिए व्यवसाय प्रति बैरल के नीचे है। व्यवसाय कोई मसल कौशल नहीं है, ये बहुत सामान्य बात है। ये एक कौशल की तरह है जिसे संबंधित कहा जाता है, जैसे कि मनुष्यों से संबंधित। ये कौशल नहीं है, यह बहुत व्यापक है। इसलिए बिजनेस स्कूलों में बहुत कुछ होता है और बिजनेस स्कूलों में कुछ बहुत ही बुद्धिमान चीजें सिखाई जाती हैं। मेरा मतलब उनसे पूरी तरह से ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले कुछ सामान अनिवार्य रूप से सिर्फ उपाख्यान हैं। वे इसे केस स्टडीज कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ किस्सा है। और वे आप पर बहुत सारे डेटा बिंदु फेंककर पैटर्न मिलान में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप उन्हें तब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप वास्तव में स्वयं उस स्थिति में नहीं है। फिर भी आप पाएंगे कि गेम थ्योरी और मनोविज्ञान और नैतिकता और गणित और कंप्यूटर और तर्क से बुनियादी अवधारणाएं आपकी बहुत बेहतर सेवा करेंगी। इसलिए मैं नींव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं एक विज्ञान तुला के साथ ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं पढ़ने के लिए एक प्यार विकसित करूंगा जिसमें तथाकथित जंक फूड पढ़ना भी शामिल है, जिसे आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आपको क्लासिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह आपकी आत्मशिक्षा का आधार है। जब आपने कहा कि करने से देखने की तुलना में तेज है, तो आपका क्या मतलब था? जब आपके सीखने की अवस्था की बात आती है, यदि आप अपने सीखने की अवस्था को अनुकूलित करना चाहते हैं, तो मुझे पॉडकास्ट पसंद नहीं है, भले ही मैं पॉडकास्ट का जनरेटर हूं। इसका एक कारण यह है कि मुझे अपनी जानकारी बहुत जल्दी से उपभोग करना पसंद है, और मैं एक अच्छा पाठक हूं, एक तेज पाठक हूं, और मैं बहुत तेज पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं केवल एक निश्चित गति से सुन सकता हूं। मुझे पता है कि लोग 2x, 3x सुनते हैं, लेकिन हर कोई चिपकने की तरह लगता है, और वापस जाना मुश्किल है, हाईलाइट करना मुश्किल है, स्निपेट्स को इंगित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में सहेजना आदि कठिन है। इसी तरह बहुत से लोग सोचते हैं कि वे दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर या दूसरों के बारे में पढ़कर भी वास्तव में कुशल बन सकते हैं, और बिजनेस स्कूल के स्टडीज पर वापस जाना ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप जानते हैं वे अन्य लोगों के व्यवसायों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने स्वयं के लिमिटेड स्ट्रेंथ या समकक्ष या जो कुछ भी संचालित करके व्यवसाय चलाने के बारे में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, या यहां तक कि सड़क के नीचे एक छोटा खुदरा स्टोर खोलना। इस तरह आप काम पर सीखने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप वास्तव में व्यवसाय नहीं चला रहे हैं, तब तक बहुत सारी सूक्ष्मताएं खुद को अभिव्यक्त नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए, आजकल हर कोई मानसिक मॉडल में है। आप फर्नम स्ट्रीट जाते हैं, आप पोर्ट चार्लिस पंजाम जाते हैं, और आप सभी विभिन्न मानसिक मॉडलों को सीख सकते हैं, लेकिन कौन से ज्यादा मायने रखते हैं? आप कौन सा अधिक बार लागू करते हैं? किन परिस्थितियों में कौन मायने रखता है? वह वास्तव में कठिन हिस्सा है। उदाहरण के लिए, मेरी व्यक्तिगत सीख यह रही है कि प्रमुख एजेंट समस्या इस दुनिया में बहुत कुछ चलाती है। यह एक प्रोत्साहन समस्या है। तुम्हें पता है, मैंने सीखा है कि जैसे को तैसा, पुनरावृत्त कैरी की दुविधा गेम थ्योरी का टुकड़ा है जो सबसे अधिक जानने लायक है। आप सचमुच उसके बाद गेम थ्योरी बुक को लगभग नीचे रख सकते हैं। वैसे गेम थ्योरी सीखने का सबसे अच्छा तरीका बहुत सारे गेम खेलना है। मैंने कभी गेम थ्योरी की किताबें भी नहीं पढ़ी। मैं खुद को गेम थ्योरी में बहुत अच्छा मानता हूं। मैंने गेम थ्योरी की किताब कभी नहीं खोली है और वहां एक परिणाम पाया है जहां मैं जैसा था। ओ हां, यह मेरे लिए सामान्य ज्ञान है, क्योंकि इसका कारण यह है कि मैं अभी सभी प्रकार के खेल खेलते हुए बड़ा हुआ हूं और मुझे हर तरह के दोस्तों के साथ हर तरह के कोने कोने के मामले मिले हैं, और इसलिए यह मेरे लिए सिर्फ दूसरी प्रवृत्ति है। इसलिए आप काम करते हुए हमेशा बेहतर सीख सकते हैं, लेकिन करना एक सूक्ष्म चीज है जिसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं व्यवसाय चलाना सीखना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं एक व्यवसाय शुरू करता हूं जहां मैं हर दिन जाता हूं और मैं वही काम कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं सड़क के नीचे खुदरा स्टोर चला रहा हूं जहां मैं हर दिन भोजन और शराब के साथ अलमारियों का स्टॉक कर रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं सीखने वाला, क्योंकि मैं चीजों को बहुत बार दोहरा रहा हूं, तो मैं हजारों घंटे लगा रहा हूं, लेकिन एक ही काम करने के लिए हजारों घंटे हैं। जबकि अगर मैं हजारों पुनरावृत्तियों में डाल रहा होता तो वह अलग होता। तो सीखने की अवस्था पुनरावृत्तियों में है। तो अगर मैं हर समय स्टोर पर नए मार्केटिंग प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था, मैं लगातार इन्वेंट्री बदल रहा था, मैं लगातार ब्रांडिंग और मैसेजिंग बदल रहा था, मैं बार बार संकेत बदल रहा था, मैं लगातार उन ऑनलाइन चैनलों को बदल रहा था जिनका उपयोग पैदल यातायात चलाने के लिए किया जाता था,
मैं अलग अलग घंटों में खुले रहने का प्रयोग कर रहा था। अगर मेरे पास घूमने और अन्य स्टोर मालिकों से बात करने और उनके बॉक्स में जाने और इसका पता लगाने की क्षमता भी होती पूरा करना, तो मुझे लगता है कि अगर आपको केवल एक चुनना है तो आप निर्माण के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर बिक्री के लिए संक्रमण कर सकते हैं। ये एक कॉप आउट उत्तर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में सही उत्तर है। इससे पहले कि हम उत्तरदायित्व और उत्तोलन और निर्णय के बारे में बात करें, आपके पास कुछ और ट्वीट हैं जो कि मैं निरंतर सीखने की श्रेणी में रखूंगा। वे अनिवार्य रूप से व्यवसाय नामक कोई कौशल नहीं है। व्यापार पत्रिकाओं और व्यावसायिक वर्ग से बचें। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, खेल सिद्धांत, मनोविज्ञान, अनुनय, नैतिकता, गणित और कंप्यूटर का अध्ययन करें। एक और टिप्पणी है जो आपने पेरिस्कोप में की थी, वह यह थी कि आपको पुस्तकालय में कोई भी पुस्तक लेने और उसे पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। और इस श्रेणी में आखिरी ट्वीट था, पढ़ना सुनने से तेज है, करने से तेज है, देखने से। हाँ, इस पर सबसे महत्वपूर्ण ट्वीट मेरे पास यहाँ तक नहीं है। दुर्भाग्य से जो सीखने की नींव है वह पढ़ रहा है। मैं एक ऐसे स्मार्ट व्यक्ति को नहीं जानता जो हर समय पढ़ता और पढ़ता नहीं है। और समस्या यह है कि मैं क्या पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए यह एक संघर्ष है, यह एक काम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ यह सीखना है कि खुद को कैसे शिक्षित किया जाए, और खुद को शिक्षित करने का तरीका है पढ़ने के प्रति प्रेम विकसित करना। तो जो ट्वीट छोड़ दिया गया है, मैं जिस पर इशारा कर रहा था, वह तब तक पढ़ा जाता है जब तक आप पढ़ना पसंद नहीं करते। यह इतना आसान है। हर कोई जानता है कि जो बहुत पढ़ता है उसे पढ़ना अच्छा लगता है, और वे पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वे उन किताबों को पढ़ते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। यह थोड़ा मुश्किल बाइस है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जहां भी हों बस पढ़ना शुरू करें और फिर वहां से आगे बढ़ते रहें जब तक कि पढ़ने की आदत न बन जाए, और फिर अंततः आप साधारण चीजों से उब जाएंगे। तो आप कथा पढ़ना शुरू कर सकते हैं, फिर आप विज्ञान कथा में स्नातक हो सकते हैं, फिर आप गैर कथा में स्नातक हो सकते हैं, फिर आप विज्ञान या दर्शन या गणित या जो भी हो में स्नातक हो सकते हैं। लेकिन अपना स्वाभाविक रास्ता अपनाएं और केवल उन चीजों को पढ़ें जिनमें आपकी रुचि है, जब तक कि आप उन्हें समझ न लें, और फिर आप स्वाभाविक रूप से अगली चीज और अगली चीज और अगली चीज पर चले जाएंगे। अब इसका एक अपवाद है, जहां मैं संकेत कर रहा था कि आप वास्तव में क्या सीखना चाहते हैं, जो कि कुछ बिंदु पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और पढ़ना भी कबाड़ से भरा है। वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से शुरुआत में, यह आपके मस्तिष्क को एक निश्चित तरीके से प्रोग्राम करेगा, और फिर बाद में आप जो बातें पढ़ते हैं आप पहले की बातों के आधार पर तय करेंगे कि वे बातें सही हैं या गलत। इसलिए जरूरी है कि आप मूलभूत बातों को पढ़ें, और मूलभूत बातें मैं कहूंगा कि किसी दिए गए क्षेत्र में मूल पुस्तकें हैं जो अपने स्वभाव में बहुत वैज्ञानिक हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापार पुस्तक पढ़ने के बजाय एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस को चुनें। जीव विज्ञान या विकासवाद पर आज लिखी गई किताब पढ़ने के बजाय मैं डार्विन की ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज को चुनूंगा। अभी बायोटेक पर एक किताब पढ़ने के बजाय जो बहुत उन्नत हो सकती है, मैं अभी वाटसन और क्रिक द्वारा रचित आठवें दिन की रचना को चुनूंगा। ब्रह्मांड विज्ञान और नील डेग्रेसे टायसन और स्टीफन हॉकिंग क्या कह रहे हैं, इस पर उन्नत पुस्तकें पढ़ने के बजाय आप रिचर्ड फेनमैन के 6 Easy Pieces को चुन सकते हैं और बुनियादी भौतिकी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप बुनियादी बातों को समझ लेते हैं, खासकर गणित और भौतिकी और विज्ञान में, तो आप किसी भी किताब से नहीं डरेंगे। हम सभी के पास वह स्मृति होती है जब हम कक्षा में बैठे होते हैं और हम गणित सीख रहे होते हैं, और यह सब तार्किक था और सभी समझ में आता था, जब तक कि एक बिंदु पर कक्षा बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ी और हम पिछड़ गए, और फिर उसके बाद हम समीकरणों को याद करते रह गए, अवधारणाओं को याद करते हुए उन्हें पहले सिद्धांतों से प्राप्त करने में सक्षम हुए बिना। उस पल में हम खो गए हैं, क्योंकि जब तक आप एक पेशेवर गणितज्ञ नहीं हैं, आप उन चीजों को याद नहीं रखेंगे। आप सभी को याद रखने जा रहे हैं तकनीकें न्यू हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप समझ के स्टील फ्रेम पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गगनचुंबी इमारत के लिए नींव डाल रहे हैं, और आप केवल चीजों को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप चीजों को याद कर रहे हैं तो आप खो गए हैं। इसलिए नींव अति महत्वपूर्ण है, और परम तब होता है जब आप एक पुस्तकालय में जाते हैं और आप इसे ऊपर और नीचे देखते हैं, और आप किसी भी किताब से नहीं डरते हैं। आप जानते हैं कि आप शेल्फ से कोई भी किताब ले सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं, आप जो सत्य है उसे आत्मसात कर सकते हैं, आप असत्य को अस्वीकार कर सकते हैं, और आपके पास तर्क और वैज्ञानिकता पर काम करने का आधार है और विशुद्ध रूप से सिर्फ विचारों पर आधारित नहीं है। इंटरनेट की सुंदरता, अलेक्जेंड्रिया टाइम्स 10 की पूरी लाइब्रेरी हर समय आपकी उंगलियों पर है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के साधन या सीखने के साधन दुर्लभ हैं, विद्या के साधन प्रचुर हैं, यह सीखने की इच्छा दुर्लभ है। तो आपको वास्तव में उस इच्छा को विकसित करना होगा, और इसकी खेती भी नहीं की जाती है, आपको इसे खोना नहीं है। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यदि आप एक छोटे बच्चे के पास जाते हैं जो पहली बार भाषा सीखता है, तो वे लगभग हमेशा पूछते हैं, यह क्या है, वह क्या है, ऐसा क्यों है, वो कौन है, वे हमेशा सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन समस्याओं में से एक यह है कि स्कूल और हमारी शिक्षा प्रणाली, और यहां तक कि बच्चों को पालने का हमारा तरीका भी जिज्ञासा को अनुपालन से बदल देता है। और एक बार जब आप जिज्ञासा को अनुपालन से बदल देते हैं, तो आपको एक आज्ञाकारी कारखाना कर्मचारी मिल जाता है, लेकिन आपको एक रचनात्मक विचारक नहीं मिलता है।
और आपको रचनात्मकता चाहिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे सीखने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खिलाने की क्षमता की आवश्यकता है, और मेरे लिए मूलभूत चीजें सिद्धांत हैं। वे एल्गोरिदम हैं, वे गहरी बैठी हुई तार्किक समझ रखते हैं जहां आप इसका बचाव कर सकते हैं या किसी भी कोण से हमला कर सकते हैं। और यही कारण है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापक अर्थशास्त्र बहुत सारा संस्मरण, बहुत सारा मैक्रो बकवास, जैसा कि नसीम तालेब कहते हैं, सूक्ष्म बकवास की तुलना में स्थूल बकवास करना आसान है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जादू है, जटिल विज्ञान राजनीति से मिलता है। आप इन दिनों किसी भी बात पर सहमत होने के लिए दो मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं ढूंढ सकते, और अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिस्ट अलग अलग राजनेताओं द्वारा अपने अलग अलग पालतू सिद्धांतों को बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट भी हैं जो अब आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत कहलाने वाली किसी चीज को बेच रहे हैं, जो कहते हैं, अरे मुद्रास्फीति नामक इस पेस्की चीज को छोड़कर हम केवल वह सारा पैसा प्रिंट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, हाँ महंगाई नाम की इस परेशान करने वाली चीज को छोड़कर। यह कहने जैसा है, सीमित ऊर्जा के बजाय हम पूरे दिन अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ सकते हैं, यह सिर्फ बकवास है। लेकिन तथ्य यह है कि ऐसे लोग हैं जिनके शीर्षक में मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं और आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको बताता है कि एक तथाकथित विज्ञान के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स भ्रष्ट हो गया है, यह राजनीति का कलंक है। तो आप वास्तव में नींव पर ध्यान देना चाहते हैं। अंतिम आधार गणित और तर्क है। यदि आप तर्क और गणित को समझते हैं तो आपके पास वैज्ञानिक पद्धति को समझने का आधार है। एक बार जब आप वैज्ञानिक पद्धति को समझ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में और अन्य चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, सत्य को असत्य से कैसे अलग किया जाए। इसलिए दूसरे लोगों की राय पढ़ने में बहुत सावधानी बरतें, और यहां तक कि तथ्यों को पढ़ने में भी सावधानी बरतें, क्योंकि तथाकथित तथ्य अक्सर सिर्फ राय होते हैं, लेकिन आप जानते हैं, उनके चारों ओर एक लिबास के साथ। आप वास्तव में जो खोज रहे हैं वह एल्गोरिदम है, जो आप वास्तव में खोज रहे हैं वह समझ है। किसी पुस्तक को वास्तव में धीरे धीरे पढ़ना और संघर्ष करना और ठोकर खाना और पीछे की ओर मुड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि इसे जल्दी से पढ़कर कहें, ठीक है अब मैंने 20 पुस्तकें पढ़ ली हैं, मैंने क्षेत्र में 50 किताबें पढ़ी हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 1,000 लात और 1,000 घूंसे जानता है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मुक्का 10,000 बार और एक किक 10,000 बार अभ्यास किया हो। यह समझ है जो पुनरावृत्ति के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से और तर्क और नींव के माध्यम से आती है, जो वास्तव में आपको एक स्मार्ट विचारक बनाती है। अपने शेष जीवन के लिए सीखने की नींव रखने के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करने जा रहा हूं और इसे पूरा करने जा रहा हूं, तो आपको दो चीजों की जरूरत है, एक व्यवहारिक अनुभव, और दो आपको कुछ तकनीकी श्रेणी में गहराई तक जाने की आवश्यकता है, चाहे वह अमूर्त गणित हो या आप डोनाल्ड को पढ़ना चाहते हो, नथ की एल्गोरिदम पर किताबें या आप भौतिकी पर फेनमैन के व्याख्यान पढ़ना चाहते हैं। यदि आपके पास व्यावहारिक अनुने हैं और किसी जटिल विषय की गहरी समझ है, तो मुझे लगता है कि आपके पास अपने शेष जीवन के लिए सीखने का एक बड़ा आधार होगा। हाँ, अगर मैं इसे थोड़ा विस्तार कर सकता तो मैं कहूंगा कि 5 सबसे महत्वपूर्ण कौशल है बेशक पढ़ना, लिखना, अंकगणित, और फिर जैसा कि आप अनुने में जोड़ रहे हैं जो बात कर रहा है, और फिर अंत में मैं कंप्यूटर जोड़ूंगा प्रोग्रामिंग, सिर्फ इसलिए कि ये अंकगणित का एक अनुप्रयुक्त रूप है जो आपको किसी भी डोमेन में मुफ्त में इतना अधिक लाभ देता है जिसमें आप काम करते हैं। यदि आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, यदि आप बुनियादी गणित में अच्छे हैं, यदि आप लिखने में अच्छे हैं, यदि आप बोलने में अच्छे हैं, और यदि आप पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप जीवन के लिए तैयार हैं। तो उस अर्थ में मेरे लिए व्यवसाय प्रति बैरल के नीचे है। व्यवसाय कोई असल कौशल नहीं है, यह बहुत सामान्य बात है, यह एक कौशल की तरह है जिसे संबंधित कहा जाता है, जैसे कि मनुष्यों से संबंधित। ये कौशल नहीं है, यह बहुत व्यापक है। इसलिए बिजनेस स्कूलों में बहुत कुछ होता है और बिजनेस स्कूलों में कुछ बहुत ही बुद्धिमान चीजें सिखाई जाती हैं। मेरा मतलब उनसे पूरी तरह से ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले कुछ सामान अनिवार्य रूप से सिर्फ उपाख्यान है। वे इसे केस स्टडीज कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ किस्सा है, और वे आप पर बहुत सारे डेटा बिंदु फेंककर पैटर्न मिलान में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप उन्हें तब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप वास्तव में स्वयं उस स्थिति में नहीं है। फिर भी आप पाएंगे कि गेम थ्योरी और मनोविज्ञान और नैतिकता और गणित और कंप्यूटर और तर्क से बुनियादी अवधारणाएं आपकी बहुत बेहतर सेवा करेंगी। इसलिए मैं नींव पर ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं एक विज्ञान तुला के साथ ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं पढ़ने के लिए एक प्यार विकसित करूंगा जिसमें तथाकथित जंक फूड पढ़ना भी शामिल है जिसे आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आपको क्लासिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह आपकी आत्म शिक्षा का आधार है। जब आपने कहा कि करने से देखने की तुलना में तेज है, तो आपका क्या मतलब था? जब आपके सीखने की अवस्था की बात आती है, यदि आप अपने सीखने की अवस्था को अनुकूलित करना चाहते हैं, तो मुझे पॉडकास्ट पसंद नहीं है, भले ही मैं पॉडकास्ट का जनरेटर हूं। इसका एक कारण यह है कि मुझे अपनी जानकारी बहुत जल्दी से उपभोग करना पसंद है, और अब मैं एक अच्छा पाठक हूं, एक तेज पाठक हूं, और मैं बहुत तेज पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं केवल एक निश्चित गति से सुन सकता हूं। मुझे पता है कि लोग 2x, 3x सुनते हैं, लेकिन हर कोई चिपक की तरह लगता है, और वापस जाना मुश्किल है, हाईलाइट करना मुश्किल है, स्निपेट्स को इंगित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में सहेजना आदि कठिन है। इसी तरह बहुत से लोग सोचते हैं कि वे दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर या दूसरों के बारे में पढ़कर भी वास्तव में कुशल बन सकते हैं, और बिजनेस स्कूल केस स्टडीज पर वापस जाना ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
आप जानते हैं वे अन्य लोगों के व्यवसायों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने स्वयं के लिमिटेड स्ट्रेंथ या समकक्ष या जो कुछ भी संचालित करके व्यवसाय चलाने के बारे में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, या यहां तक कि सड़क के नीचे एक छोटा खुदरा स्टोर खोलना। इस तरह आप काम पर सीखने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप वास्तव में व्यवसाय नहीं चला रहे हैं तब तक बहुत सारी सूक्ष्मताएं खुद को अभिव्यक्त नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए आजकल हर कोई मानसिक मॉडल में है। आप फर्नम स्ट्रीट जाते हैं, आप पोर्ट चार्लिस पंजाम जाते हैं और आप सभी विभिन्न मानसिक मॉडलों को सीख सकते हैं, लेकिन कौन से ज्यादा मायने रखते हैं? आप कौन सा अधिक बार लागू करते हैं? किन परिस्थितियों में कौन मायने रखता है? वह वास्तव में कठिन हिस्सा है। उदाहरण के लिए मेरी व्यक्तिगत सीख यह रही है कि प्रमुख एजेंट समस्या इस दुनिया में बहुत कुछ चलाती है। यह एक प्रोत्साहन समस्या है। तुम्हें पता है, मैंने सीखा है कि जैसे को तैसा पुनरावृत्त कैरी की दुविधा गेम थ्योरी का टुकड़ा है जो सबसे अधिक जानने लायक है। आप सचमुच उसके बाद गेम थ्योरी बुक को लगभग नीचे रख सकते हैं। वैसे गेम थ्योरी सीखने का सबसे अच्छा तरीका बहुत सारे गेम खेलना है। मैंने कभी गेम थ्योरी की किताबें भी नहीं पढ़ी। मैं खुद को गेम थ्योरी में बहुत अच्छा मानता हूं। मैंने गेम थ्योरी की किताब कभी नहीं खोली है और वहां एक परिणाम पाया है जहां मैं जैसा था, ओह हां, यह मेरे लिए सामान्य ज्ञान है। क्योंकि इसका कारण यह है कि मैं अभी सभी प्रकार के खेल खेलते हुए बड़ा हुआ हूं और मुझे हर तरह के दोस्तों के साथ हर तरह के कोने कोने के मामले मिले हैं, और इसलिए ये मेरे लिए सिर्फ दूसरी प्रकृति है। इसलिए आप काम करते हुए हमेशा बेहतर सीख सकते हैं, लेकिन करना एक सूक्ष्म चीज है जिसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं व्यवसाय चलाना सीखना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं एक व्यवसाय शुरू करता हूं जहां मैं हर दिन जाता हूं और मैं वही काम कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं सड़क के नीचे खुदरा स्टोर चला रहा हूं जहां मैं हर दिन भोजन और शराब के साथ अलमारियों का स्टॉक कर रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं सीखने वाला क्योंकि मैं चीजों को बहुत बार दोहरा रहा हूं, तो मैं हजारों घंटे लगा रहा हूं, लेकिन एक ही काम करने के लिए हजारों घंटे हैं। जबकि अगर मैं हजारों पुनरावृत्तियों में डाल रहा होता तो वह अलग होता। तो सीखने की अवस्था पुनरावृत्तियों में है। तो अगर मैं हर समय स्टोर पर नए मार्केटिंग प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था, मैं लगातार इन्वेंट्री बदल रहा था, मैं लगातार ब्रांडिंग और मैसेजिंग बदल रहा था, मैं बार बार संकेत बदल रहा था, मैं लगातार उन ऑनलाइन चैनलों को बदल रहा था जिनका उपयोग पैदल यातायात चलाने के लिए किया जाता था, मैं अलग अलग घंटों में खुले रहने का प्रयोग कर रहा था। अगर मेरे पास घूमने और अन्य स्टोर मालिकों से बात करने और उनके बॉक्स में जाने और इसका पता लगाने की क्षमता भी होती, पता करें कि वे अपना व्यवसाय कैसे चला रहे हैं। यह पुनरावृत्तियों की संख्या है जो सीखने की अवस्था को चलाती है। तो आप जितने अधिक पुनरावृत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य पर जितने अधिक शोर आप लगा सकते हैं, उतनी ही तेजी से आप सीखेंगे। यह केवल लगाए गए घंटों के बारे में नहीं है, यह वास्तव में दोनों का संयोजन है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बने हैं और जिस तरह से दुनिया खुद को पेश करती है, दुनिया हमें बहुत आसानी से एक ही काम को बार बार करने का मौका देती है। लेकिन वास्तव में हम बेहतर सेवा करेंगे यदि हम दूर जाकर नई चीजों को शुरू से करने के तरीके ढूंढते हैं। और कुछ नया करना पहली बार दर्दनाक है, क्योंकि आप अनिश्चित क्षेत्र में भटक रहे हैं और उच्च संभावनाएं हैं कि आप असफल होंगे। तो आपको लगातार छोटी छोटी असफलताओं के साथ बहुत बहुत सहज होना होगा। आप जानते हैं, नसीम तालिब इस बारे में भी बात करते हैं। उसने काले हंसों पर भरोसा करने वाले एक व्यापारी के रूप में अपना भाग्य, अपना धन बनाया। नसीम तालिब ने अनिवार्य रूप से हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा गनवाकर पैसा कमाया, और फिर एक बार ब्लू मून में जब अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय हुआ तो वह बहुत पैसा कमाएगा। जबकि ज्यादातर लोग हर दिन थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, और बदले में वे विस्फोट के बहुत से जोखिम को सहन करेंगे। वे पूरी तरह से दिवालिया होना बर्दाश्त करेंगे। हम हर दिन थोड़ा सा खून बहने के लिए विकसित नहीं हुए हैं। यदि आप प्राकृतिक वातावरण में बाहर हैं और आपको कट लग गया है और आप सचमुच हर दिन थोड़ा सा खून बह रहा है, तो आप अंततः मर जाएंगे। आपको उस कटौती को रोकना होगा। आप हर समय छोटी जीत के लिए विकसित होते हैं, लेकिन यह बहुत महंगा हो जाता है। वही भीड़ है, वही झुंड है। इसलिए यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन बदले में आप बाद में बड़ी जीत हासिल करेंगे, तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यानी उद्यमशीलता, वे पैसे नहीं कमा रहे हैं, वे पैसे खो रहे हैं, वे लगातार तनाव में रहते हैं, सारी जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन जब वे जीते हैं तो बड़ी जीत हासिल करते हैं, औसतन वे और अधिक बना लेंगे। तो क्यों ना हम जवाबदेही में कूद पड़े, जो मुझे लगा कि काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इस पर आपका अपना अनूठा लेना है। इसलिए जवाबदेही पर पहला ट्वीट जवाबदेही को गले लगाने और अपने नाम के तहत व्यावसायिक जोखिम उठाने का था। समाज आपको जिम्मेदारी, इक्विटी और उत्तोलन से पुरस्कृत करेगा। हाँ, तो अमीर बनने के लिए आपको लीवरेज की आवश्यकता होगी, और उत्तोलन श्रम में आता है, यह पूंजी में आता है, या कोड या मीडिया के माध्यम से आ सकता है। लेकिन इनमें से अधिकांश श्रम और पूंजी की तरह लोगों को आपको देना होता है। श्रम के लिए किसी को आपका अनुसरण करना होगा, पूंजी के लिए किसी को आपको प्रबंधन या मशीनों के लिए धन या संपत्ति देनी होगी। तो इन चीजों को पाने के लिए आपको विश्वसनीयता बनानी होगी, और जितना संभव हो उतना आपको अपने नाम के तहत करना होगा, जो कि जोखिम भरा है। तो जवाबदेही एक दोधारी चीज है। यह आपको क्रेडिट लेने की अनुमति देता है जब चीजें अच्छी होती हैं, और जब चीजें खराब होती हैं तो असफलता का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस अर्थ में जो लोग चीजों पर अपने नाम की मोहर लगा रहे हैं वे मूर्ख नहीं है, वे सिर्फ आत्मविश्वासी हैं। उसका है कि मूर्खपूर्ण निकले। यदि आप कान्ये या ओपरा या ट्रंप या एलोन या उस जैसे किसी को देखते हैं, तो ये लोग अपने नाम से ही अमीर हो सकते हैं, क्योंकि उनका नाम इतनी शक्तिशाली ब्रांडिंग है।
आप जानते हैं, आप ट्रंप के बारे में जो भी सोचते हैं, आपको यह महसूस करना होगा कि वह आदमी दुनिया में सबसे अच्छा था, सिर्फ अपने नाम की ब्रांडिंग कर रहा था। आप ट्रंप किसने क्यों जाने? यह इसलिए हुआ करता था क्योंकि ट्रंप। आप ट्रंप टावर क्यों जाएंगे? ट्रंप की वजह से। जब वोट देने का समय आया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मतदाता अंदर गए और कहा कि ट्रंप, वे नाम को पहचानते हैं, तो नाम पहचान का भुगतान किया। ओपरा के साथ की बात, वह अपना ब्रांड किसी चीज पर, अपना नाम किसी चीज पर रखती है और यह अलमारियों से उड़ जाता है और यह तत्काल सत्यापनकर्ता की तरह है। लेकिन ये लोग अपना नाम सार्वजनिक करने का जोखिम भी उठाते हैं। जाहिर है कि ट्रंप अब शायद आधे या आधे से ज्यादा देश और दुनिया के एक बड़े हिस्से से नफरत करते हैं क्योंकि वह वहां अपना नाम रखता है। अपना नाम सार्वजनिक करने से आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं और प्रसिद्धि के कई नुकसान होते हैं। गरीब और प्रसिद्ध होने के बजाय गुमनाम और अमीर होना बेहतर है, लेकिन यहां तक कि प्रसिद्ध और अमीर के साथ बहुत सारी कमियां जुड़ी हुई हैं। आप हमेशा लोगों की नजर में रहते हैं। जब आप कोई उत्पाद बनाने के लिए काम कर रहे हों, या आप किसी टीम में काम कर रहे हों, या आप किसी व्यवसाय में काम कर रहे हों, तो जवाबदेही काफी महत्वपूर्ण है। हम लगातार अपने सिर पर ढोल पीटते हैं कि एक टीम का हिस्सा होना कितना महत्वपूर्ण है और इससे पूरी तरह सहमत हैं। सामाजिक रूप से हमारा बहुत सारा प्रशिक्षण हमें बता रहा है कि भीड़ से अपनी गर्दन बाहर न रखें। यह कह रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों से सुनता हूं कि जैसे लंबा अफीम कट जाता है ना, अपनी गर्दन बाहर मत करो। लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में अच्छी तरह से काम करने वाली टीम छोटी है और अलग अलग हिस्सों में से प्रत्येक के लिए स्पष्ट जवाबदेही है। इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है, यह व्यक्ति उत्पाद के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, यह व्यक्ति मैसेजिंग के लिए जिम्मेदार है, यह व्यक्ति धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है, यह व्यक्ति मूल्य निर्धारण रणनीति और शायद ऑनलाइन विज्ञापन के लिए जिम्मेदार है। तो अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप जानते हैं कि वास्तव में कौन जिम्मेदार है, जबकि उसी समय कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। आपको यह भी पता है कि वास्तव में कौन जिम्मेदार है। इसलिए यदि आपके पास एक छोटी सी टीम है और आपके पास स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियां हैं, तो आप अभी भी बहुत उच्च स्तर की जवाबदेही रख सकते हैं। और जवाबदेही वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई चीज सफल होती है या विफल होती है, यदि वह विफल होती है तो सभी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, और यदि सफल होती है तो सभी श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं। और हम सभी को वह अनुभव तब हुआ जब हम स्कूल में थे और हमें करने के लिए एक समूह असाइनमेंट की तरह मिला, और वहां शायद कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया, और फिर कुछ थे ऐसे लोग जिन्होंने काम करने के लिए अभी अभी बहुत सारी भव्यता या पोजिशनिंग की है। इसलिए हम सभी बचपन से ही इससे परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना असहज है। लेकिन स्पष्ट जवाबदेही महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व के बिना आपके पास प्रोत्साहन नहीं है। जवाबदेही के बिना आप विश्वसनीयता नहीं बना सकते, लेकिन आप जोखिम उठाते हैं तो आप विफलता का जोखिम उठाते हैं, आप अपमान का जोखिम उठाते हैं, आप अपने नाम के तहत विफलता का जोखिम उठाते हैं, जो कि आप जानते हैं, सौभाग्य से आधुनिक समाज में कोई और देनदार जेल नहीं है, और लोग जेल नहीं जाते हैं या मृत्युदंड नहीं देते हैं दूसरे लोगों का पैसा खोना। लेकिन हम अभी भी सामाजिक रूप से कठोर हैं ताकि सार्वजनिक रूप से अपने नाम के तहत विफल न हो। और जो लोग अपने नाम से सार्वजनिक रूप से विफल होने की क्षमता रखते हैं, वे वास्तव में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक व्यक्तिगत उपाख्यान दूंगा। लगभग 2013-2014 तक मेरा सार्वजनिक व्यक्तित्व पूरी तरह से स्टार्टअप और निवेश के आसपास था, और केवल 2014-2015 के आसपास मैंने दर्शन और मनोवैज्ञानिक चीजों और व्यापक चीजों के बारे में बात करना शुरू किया, और इससे मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि मैं इसे अपने नाम से कर रहा था। और निश्चित रूप से उद्योग में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बैक चैनल के माध्यम से संदेश भेजे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप अपना करियर थमा रहे हैं, यह बेवकूफी है, और मैं बस इसके साथ चला गया। मैंने जोखिम उठाया, क्रिप्टो के साथ भी शुरुआत में मैंने जोखिम उठाया। लेकिन जब आप अपना नाम वहां रखते हैं तो आप कुछ चीजों के साथ जोखिम उठाते हैं, आपको पुरस्कार भी मिलते हैं, आपको लाभ मिलता है। उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तरह आप उत्तोलन प्राप्त करने जा रहे हैं, इसी तरह आप विश्वसनीयता प्राप्त करने जा रहे हैं। यह भी है कि आप इक्विटी कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं, आपको व्यवसाय का एक टुकड़ा मिलने वाला है। जब आप अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अंत में अगर कोई और आपको मुआवजा देने के बारे में निर्णय ले रहा है, तो ये निर्णय इस बात पर आधारित होगा कि आप कितने बदले जा सकते हैं, और यदि आपकी उच्च जवाबदेही है तो ये आपको कम बदलने योग्य बनाता है, और फिर उन्हें आपको इक्विटी देनी होगी, जो कि उल्टा है। लेकिन इक्विटी अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इक्विटी भी एक जोखिम आधारित साधन है। इक्विटी का मतलब है कि जिन लोगों को गारंटीकृत धन की आवश्यकता है, उन्हें वापस भुगतान करने के बाद आपको सब कुछ भुगतान किया जाता है। इसलिए यदि आप किसी कंपनी में पूंजी के पदानुक्रम को देखते हैं, तो कर्मचारियों को पहले भुगतान मिलता है, उन्हें पहले वेतन दिया जाए। कानूनी कार्यवाही की तरह वेतन पवित्र होता है। यदि आप बोर्ड के सदस्य हैं और कंपनी बहुत अधिक पैसा खर्च करती है और वेतन का भुगतान करने के लिए बकाया है, तो सरकार व्यक्तिगत रूप से वेतन का भुगतान करने के लिए आपके पास जाएगी। इसलिए कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है, लेकिन उस सुरक्षा के बदले में उनके पास उतना उल्टा नहीं है। फिर अगली पंक्ति में ऋण धारक होंगे, जो शायद बैंकर हैं जिन्होंने संचालन के लिए कंपनी को पैसा उधार दिया था, और उन्हें हर महीने या हर साल अपना निश्चित कूपन बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे इससे अधिक उल्टा नहीं पाते हैं। अब वे एक वर्ष में 5-10-15-20-25% कमा रहे होंगे, लेकिन उनका लाभ यहीं तक सीमित है, और अंत में इक्विटी धारक हैं, और इन लोगों को वास्तव में अधिकांश लाभ मिलने वाला है। इसलिए एक बार ऋण धारकों का भुगतान कर दिया जाता है और वेतन का भुगतान कर दिया जाता है, जो कुछ भी बचता है वो उनके पास जाता है।
लेकिन अगर वेतन और ऋण धारकों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, या यदि वेतन और ऋण धारकों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा है जो ज्यादातर व्यवसायों के साथ होता है, तो इक्विटी धारकों को कुछ नहीं मिलता है। तो इक्विटी धारक अधिक जोखिम लेते हैं, लेकिन फिर वे बदले में लेते हैं उन्हें लगभग असीमित लाभ मिलता है। और ऐसा ही आप अपने सभी कामों के साथ कर सकते हैं। तो अनिवार्य रूप से अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व लेना आपके सभी कार्यों में इक्विटी स्थिति लेने जैसा ही है। आप अनिवार्य रूप से अधिक नकारात्मक जोखिम और अधिक उल्टा जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन यह जान लें कि आधुनिक समाज में नकारात्मक जोखिम इतना बड़ा नहीं है। आप जानते हैं, यहां तक कि व्यक्तिगत दिवालियापन भी अच्छे पारिस्थितिक तंत्र में कर्ज को साफ कर सकता है। मैं सिलिकॉन वैली से सबसे अधिक परिचित हूं, लेकिन आमतौर पर लोग असफलताओं को तब तक माफ कर देंगे जब तक आप ईमानदार हैं और उच्च अखंडता का प्रयास करते हैं। इसलिए वास्तव में असफलता के मामले में डरने की कोई बात नहीं है, और इसलिए लोगों को वास्तव में उनकी तुलना में बहुत अधिक जवाबदेही लेनी चाहिए। क्या जवाबदेही वास्तव में नाजुक है, या क्या आपका वास्तव में मतलब है कि हम सार्वजनिक रूप से विफल नहीं होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये एक नाजुक चीज है। मुझे लगता है ये वास्तव में नाजुक हो जाता है। उत्तरदायित्व के उदाहरण की तरह आप एक हवाई जहाज के पायलट हैं। एक कप्तान के रूप में आप पूरे विमान के लिए उत्तरदायित्व ले रहे हैं। मान लीजिए कि विमान के साथ कुछ गलत हो जाता है, आप बाद में इसे किसी और पर दोष नहीं दे सकते। आप कप्तान हैं, आप जहाज के लिए जिम्मेदार हैं, और यदि आप पेश करते हैं तो आप जहाज को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं और तत्काल परिणाम होते हैं। पुराने दिनों में आप जाते हैं, कप्तान से उम्मीद की जाती थी कि वह जहाज के साथ नीचे जाएगा। यदि जहाज डूब रहा था तो वास्तव में अंतिम व्यक्ति जो उतर गया था वह कप्तान था। तो हाँ, मुझे लगता है कि जवाबदेही वास्तविक जोखिमों के साथ आती है, लेकिन हम व्यावसायिक संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जोखिम यह होगा कि आप शायद अपनी पूंजी वापस पाने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। आप अपने समय के लिए भुगतान पाने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। तो आप जानते हैं, आप जो समय लगाते हैं, जो पूंजी आप कंपनी में लगाते हैं, ये वही है जो जोखिम में है। यहां तक कि अगर कोई व्यवसाय विफल हो जाता है और उस पर आपका नाम है, तो यह उतना बुरा नहीं है जितना कि यह एक अखंडता का मुद्दा बन जाता है। आपके बर्नी मैडोफ की तरह, उदाहरण के लिए मैडोफ इन्वेस्टमेंट्स, निवेश समुदाय में वह नाम फिर कभी अच्छा नहीं होने वाला है। आप बर्नी मैडोफ के महान 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 पोते हो सकते हैं। आप निवेश व्यवसाय में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने परिवार का नाम बर्बाद कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इन दिनों नाम के साथ जवाबदेही का जोखिम विशुद्ध रूप से आर्थिक विफलता के बजाय अखंडता के आसपास थोड़ा अधिक होता है। उत्तरदायित्व पर मेरे लिए बड़ी बात यह है कि आपको आपकी जवाबदेही के अनुपात में सीधे पुरस्कृत किया जाएगा। मुझे यह भी लगता है कि तालिब जैसे लोग बिना किसी जवाबदेही के पुरस्कार पाने वाले सीईओ के खिलाफ रेल करते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, तालिब की खेल की त्वचा को पढ़ना आवश्यक है। यदि आप आधुनिक जीवन में कहीं भी जाना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि आधुनिक प्रणालियां कैसे काम करती हैं, तो खेल की त्वचा मेरी पढ़ने की सूची में सबसे ऊपर होगी। लेकिन हाँ, जवाबदेही, खेल की त्वचा, ये अवधारणाएं बहुत बारीकी से साथ साथ चलती हैं। मैं जवाबदेही को खेल की प्रतिष्ठित त्वचा मानता हूँ। यह खेल में त्वचा के रूप में आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दाम पर लगा रहा है। जवाबदेही एक सरल अवधारणा है। उत्तरदायित्व का एकमात्र हिस्सा जो थोड़ा विरोधाभासी हो सकता है वह यह है कि हम वर्तमान में उत्तरदायित्व न लेने के लिए सामाजिक रूप से ब्रेनवॉश कर रहे हैं, दृश्य तरीके से नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तरदायित्व लेने के तरीके हैं जहां टीम के प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से के लिए उत्तरदायित्व ले सकते हैं, और इसी तरह आप सही कॉलम में क्रेडिट और नुकसान डालते हुए एक अच्छी तरह से काम करने वाली टीम प्राप्त करते हैं। तो हम उत्तोलन के बारे में थोड़ी बात क्यों नहीं करते। तूफान में पहला ट्वीट आर्किमिडीज का एक प्रसिद्ध उदाहरण था, जो मुझे काफी देर तक एक लीवर और खड़े होने की जगह देता था और मैं पृथ्वी को स्थानांतरित कर दूंगा। अगला ट्वीट था, फॉर्च्यून को उत्तोलन की आवश्यकता है, व्यापार उत्तोलन पूंजी लोगों और उत्पादों से आता है जिसमें प्रतिकृति की कोई मामूली लागत नहीं होती है। उत्तोलन महत्वपूर्ण है। आर्किमिडीज के उदाहरण में फंसने का कारण यह है कि आमतौर पर मैं अपने ट्विटर पर अन्य लोगों के उदाहरण डालना पसंद नहीं करता। इस तरह कोई मूल्य नहीं जोड़ा है। आप उन लोगों के उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन यह उदाहरण मुझे वहां रखना पड़ा क्योंकि यह बहुत ही मौलिक है। मैंने इसे तब पढ़ा था जब मैं बहुत छोटा था और इसका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और हम सभी जानते हैं कि लीवरेज क्या होता है। जब हम सीसोया लीवर का उपयोग करते हैं, हम समझते हैं कि यह शारीरिक रूप से कैसे काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दिमाग वास्तव में समझने के लिए अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए हैं कि कितना उत्तोलन है, आधुनिक समाज में संभव है और उत्तोलन के नवीनतम रूप क्या है। और इसलिए उत्तोलन का सबसे पुराना रूप श्रम है जो आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे बजाय चट्टाने उठाने के लिए मैं 10 लोगों को पत्थर उठाने के लिए कह सकता हूं। फिर केवल मेरे मार्गदर्शन से और चट्टानों को कहा जाना चाहिए, उससे कहीं अधिक चट्टाने चली जाती हैं जितना मैं स्वयं नहीं कर सकता था। हर कोई इसे समझता है क्योंकि हम उत्तोलन के श्रम रूप को समझने के लिए विकसित हुए हैं। और इसलिए क्या होता है कि समाज उत्तोलन के रूप में श्रम को अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आपके माता पिता प्रभावित होते हैं और आपके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। यही कारण है कि जब बहुत सारे भले भाई लोग जब आप उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं तो वे कहते हैं, कितने लोग वहां काम करते हैं। वे इसे विश्वसनीयता साबित करने के तरीके के रूप में उपयोग करेंगे। वे ये मापने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आपके पास कितना उत्तोलन और प्रभाव है। या जब कोई आंदोलन शुरू करता है तो वे कहेंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं या सेना कितनी बड़ी है। हम बस स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि अधिक लोग बेहतर हैं।
लेकिन मैं तर्क दूंगा कि यह उत्तोलन का सबसे खराब रूप है जिसका आप संभवतः उपयोग कर सकते हैं। अन्य लोगों को प्रबंधित करना अविश्वसनीय रूप से गंदा है। इसके लिए जबरदस्त नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है। आप एक बगावत या भीड़ द्वारा खाए जाने या फाड़े जाने से एक छोटी सी छलांग है। यह अविश्वसनीय रूप से प्रतिस्पर्धा है। इस लड़ाई में पूरी सभ्यता नष्ट हो गई है। उदाहरण के लिए साम्यवाद, मार्क्सवाद पूंजी और श्रम के बीच की लड़ाई के बारे में है। दास पूंजी और दास श्रम है ना, तो यह एक जाल है। तो आप वास्तव में श्रम आधारित उत्तोलन से बाहर रहना चाहते हैं। आप अपने साथ काम करने वाले लोगों की न्यूनतम राशि चाहते हैं जो आपको अन्य प्रकार के उत्तोलन का उपयोग करने की अनुमति देने जा रहे हैं, जो कि मैं तर्क दूंगा कि यह अधिक दिलचस्प है। दूसरे प्रकार का उत्तोलन पूंजी है और यह हमारे अंदर थोड़ा कम कठोर है क्योंकि बड़ी मात्रा में पैसा इधर उधर घूम रहा है और बचाया जा रहा है और मुद्रा बाजारों में निवेश किया जा रहा है। ये मनुष्य के पिछले कुछ सौ से कुछ हजार वर्षों के आविष्कार हैं। वे सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे साथ विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए हम उन्हें थोड़ा कम अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें सही ढंग से उपयोग करने के लिए शायद अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है और जिस तरह से हम उनका उपयोग करते हैं वे बदलते रहते हैं। 100 साल पहले के प्रबंधन कौशल आज भी लागू हो सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले के शेयर बाजार के कौशल में निवेश करना शायद आज उसी स्तर पर लागू नहीं होता है। इसलिए पूंजी उपयोग करने के लिए उत्तोलन का एक पेचीदा रूप है। यह वही है जिसका लोग पिछली शताब्दी में अत्यधिक धनवान होने के लिए उपयोग करते थे। यह शायद पिछली शताब्दी में उत्तोलन का प्रमुख रूप रहा है और आप इसे देख सकते हैं कि सबसे अमीर लोग कौन हैं। ये बैंकर हैं, भ्रष्ट देशों में राजनेता हैं जो पैसे छापते हैं, अनिवार्य रूप से वे लोग जो बड़ी मात्रा में पैसे इधर उधर करते हैं। और अगर आप कई बड़ी पुरानी कंपनियों में प्रौद्योगिकी कंपनियों के बाहर बहुत बड़ी कंपनियों के शीर्ष को देखें तो सीईओ का काम वास्तव में एक वित्तीय काम है। वे वास्तव में वित्तीय संपत्ति प्रबंधक हैं। अब कभी कभी एक एसेट मैनेजमेंट उत्तर एक चेहरा डाल सकता है तो आपको एक वॉरेन बफेट प्रकार मिलता है, लेकिन गहराई से मुझे लगता है कि हम सभी उत्तोलन के रूप में पूंजी को नापसंद करते हैं क्योंकि यह अनुचित लगता है, क्योंकि यह अदृश्य चीज है जिसे जमा किया जा सकता है और पीढ़ियों में पारित किया जा सकता है और अचानक ऐसा लगता है कि लोगों के पास भारी मात्रा में है, पैसे के पास उनके आसपास कोई और नहीं है या आवश्यक रूप से इसमें साझा कर रहा है। उसने कहा पूंजी उत्तोलन का एक शक्तिशाली रूप है। इसे श्रम में बदला जा सकता है, इसे अन्य चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बहुत सर्जिकल है, बहुत विश्लेषणात्मक है। यदि आप एक शानदार निवेशक हैं और आपके पास $1 बिलियन है और आप इसके साथ 30% रिटर्न कमा सकते हैं जबकि कोई और केवल 20% रिटर्न कमा सकता है, तो आपको सारा पैसा मिलने वाला है और आपको मिलने वाला है इसके लिए बहुत अच्छा भुगतान किया। यह बहुत बहुत अच्छी तरह से मापा है। यदि आप पूंजी प्रबंधन में निपुण हैं तो आप अधिक से अधिक पूंजी का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो यह उत्तोलन का एक अच्छा रूप है, लेकिन पूंजी के साथ कठिन हिस्सा यह है कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं, और इसलिए मैंने पहले विशिष्ट ज्ञान और उत्तरदायित्व के बारे में बात की। यदि आपके पास एक डोमेन में विशिष्ट ज्ञान है और यदि आप जवाबदेह हैं और उस डोमेन में आपका अच्छा नाम है तो लोग आपको उत्तोलन के रूप में पूंजी देने जा रहे हैं जिसका उपयोग आप अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो लेकिन पूंजी भी काफी अच्छी तरह से समझी जाती है और मुझे लगता है कि पूंजीवाद के खिलाफ बहुत सारी दस्तकें पूंजी के संचय के कारण आती हैं। उत्तोलन का सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण रूप उत्पादों का यह विचार है जिसकी प्रतिकृति की कोई सीमांत लागत नहीं है। यह उत्तोलन का नया रूप है। यह केवल पिछले कुछ सौ वर्षों में आविष्कार किया गया था। इसकी शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस से हुई, इसने प्रसारण मीडिया को गति दी और अब यह वास्तव में इंटरनेट और कोड के साथ उड़ा दिया गया है। तो अब आप अन्य मनुष्यों को शामिल किए बिना और अन्य मनुष्यों से धन की आवश्यकता के बिना अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। यह पॉडकास्ट उत्तोलन का एक रूप है। बहुत पहले मुझे एक व्याख्यान कक्ष में बैठना पड़ता और आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से व्याख्यान देना पड़ता और मैं शायद कुछ सौ लोगों तक पहुंचता और वह होता। 30 साल पहले मुझे टीवी पर आने के लिए भाग्यशाली होना पड़ेगा जो कि किसी और का उत्तोलन है। वे उस संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करते जो इसे अर्थशास्त्र को निकाल देता या इसके लिए मुझ पर आरोप लगाता। उन्होंने संदेश को गड़बड़ कर दिया होगा और मैं भाग्यशाली होता कि मुझे लीवरेज का वह रूप मिलता। लेकिन आज इंटरनेट के लिए धन्यवाद, मैं एक सस्ता माइक्रोफोन खरीद सकता हूं, इसे लैपटॉप या आईपैड से जोड़ सकता हूं और वहां आप सब सुन रहे हैं। तो उत्तोलन का यह नवीनतम रूप है जहां सभी नए भाग्य बनते हैं। तो सभी नए अरबपति, तो पिछली पीढ़ी का भाग्य पूंजी द्वारा बनाया गया था, वह था दुनिया के वॉरेन बफेट। लेकिन नई पीढ़ी की किस्मत सभी कोड या मीडिया के जरिए बनती है। जो रोगन अपने पॉडकास्ट से एक साल में 50 से 100 मिलियन रुपये कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वह कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन वह खबरों से बड़ा है ना? बेशक जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग और लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन और बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, वह सभी कोड आधारित उत्तोलन है। अब खूबसूरती तब है जब आप इन तीनों को मिला दें। यही से एक स्टार्टअप वास्तव में उत्कृष्ट होते हैं, जहां आप केवल न्यूनतम लेकिन उच्चतम उत्पादन श्रम लेते हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं जो इंजीनियर और डिजाइनर उत्पाद डेवलपर हैं, और फिर आप पूंजी जोड़ते हैं, उसका उपयोग मार्केटिंग, विज्ञापन, स्केलिंग के लिए करते हैं और आप बहुत सारे कोड और मीडिया और पॉडकास्ट और सामग्री को वहां से बाहर निकालने के लिए जोड़ते हैं। वो एक जादुई संयोजन है
और यही कारण है कि आप देखते हैं कि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कहीं से भी बाहर निकलते हैं, बड़े पैमाने पर उत्तोलन का उपयोग करते हैं और भारी मात्रा में रिटर्न बनाते हैं। क्या आप अनुमति प्राप्त बनाम अनुमति रहित के बारे में थोड़ी बात करना चाहते हैं? उत्तोलन के नए रूपों के बारे में ध्यान में रखने वाली संभवतः सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे अनुमति रहित हैं। आपको उनका उपयोग करने या सफल होने के लिए उन्हें किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। श्रम उत्तोलन के लिए किसी को आपका अनुसरण करने का निर्णय लेना होगा। पूंजी उत्तोलन के लिए किसी को आपको निवेश करने या उत्पाद में बदलने के लिए धन देना होगा। लेकिन कोडिंग, किताबें लिखना, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, ट्वीट करना, यूट्यूबिंग, इस तरह की चीजें, ये अनुमति रहित हैं। इन्हें करने के लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है और इसलिए वे बहुत समतावादी हैं। वे उत्तोलन के महान तुल्य कारक हैं और जितना लोग फेसबुक पर रेल कर सकते हैं और यूट्यूब, वे इसका उपयोग बंद नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये अनुमति रहित उत्तोलन जहां हर कोई प्रसारक हो सकता है बहुत अच्छा है। उसी तरह आप एप्पल पर आईफोन में थोड़ा बंद पारिस्थितिकी तंत्र होने के लिए रेल कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इसके लिए ऐप लिख रहा है। इसलिए जब तक आप इसके लिए ऐप लिख सकते हैं तब तक आप समृद्ध हो सकते हैं या ऐसा करने वाले उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं, मैं उत्तोलन के सभी रूपों के बारे में सोचता हूं। आधुनिक समाज में सबसे अच्छा और लोग जा रहे हैं, यह गड़बड़ है, यह थोड़ा अधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन और यही कारण है कि मैं लोगों को कोड करना सीखता हूं, है ना। बात यह है कि हमारे पास ये विचार है कि भविष्य में ये रोबोट होने वाले हैं और वे सब कुछ करने जा रहे हैं, और यह सच हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि अधिकांश रोबोट क्रांति पहले ही हो चुकी है। रोबोट पहले से ही यहां है और इंसानों से कहीं ज्यादा रोबोट हैं। ये बस इतना है कि हम उन्हें गर्मी और दक्षता कारणों से डेटा केंद्रों में पैक करते हैं, हम उन्हें सर्वर में रखते हैं, वे कंप्यूटर के अंदर हैं, सभी सर्किट, अंदर का रोबोट दिमाग सारा काम कर रहा है। और इसलिए प्रत्येक महान सॉफ्टवेयर डेवलपर, उदाहरण के लिए अब रात के समय उसके लिए रोबोटों की एक सेना काम कर रही है, जब वह कोड लिखने के बाद सोता है और यह बस क्रैंक हो रहा है, तो रोबोट सेना पहले से ही यहां है। रोबोट क्रांति पहले ही हो चुकी है, हम इसे लगभग आधा कर चुके हैं। हम इन दिनों बहुत अधिक हार्डवेयर घटक जोड़ रहे हैं। जैसे जैसे हम अधिक परिचित होते जाते हैं, हम स्वायत्त वाहनों और स्वायत्त हवाई जहाजों और स्वायत्त जहाजों और शायद स्वायत्त ट्रकों और उनके डिलीवरी बॉट्स और बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट और उन सभी के विचार से अधिक सहज हो जाते हैं। लेकिन रोबोट जो वेब पर आपकी खोज कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, पहले से ही यहां है। जो आपके वीडियो और ऑडियो को साफ करने और इसे दुनिया भर में प्रसारित करने की तरह है, वे पहले से ही यहां है। जो लोग कई ग्राहक सेवा प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिन चीजों के लिए आपको एक मानव को बुलाना पड़ता, वे पहले से ही यहां है। तो रोबोटों की एक सेना यहां पहले से ही मौजूद है। ये बहुत सस्ते में उपलब्ध है और अर्जन सिर्फ उनके साथ करने के लिए बुद्धिमान और दिलचस्प चीजों का पता लगा रही है। और अनिवार्य रूप से आप रोबोटों की इस सेना को आदेश दे सकते हैं। बस कमांड को कंप्यूटर की भाषा में जारी करना होता है, उस भाषा में जिसे वे समझते हैं। तो ये रोबोट बहुत स्मार्ट नहीं है, उन्हें बहुत सटीक रूप से बताना होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कोडिंग इतनी बड़ी महाशक्ति है क्योंकि अब आप रोबोट सेनाओं की भाषा बोल सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या करना है। और मुझे लगता है कि इस बिंदु पर वास्तव में लोग न केवल कोड के माध्यम से सर्वरों के भीतर रोबोटों की सेना को कमांड कर रहे हैं, वे वास्तव में ट्रकों, अन्य लोगों की आवाजाही में हेरफेर कर रहे हैं। केवल अमेज़न पर एक पैकेज का आदेश देने पर आप एक पैकेज वितरित करने के लिए कई लोगों और कई रोबोटों के आंदोलन में हेरफेर कर रहे हैं। लोग अब व्यवसाय बनाने के लिए वही काम कर रहे हैं। तो सर्वरों के भीतर रोबोटों की सेना है और फिर वास्तविक रोबोटों और लोगों की एक सेना भी है जिन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेरफेर किया जा रहा है। न केवल उनके इनपुट में बल्कि उनके आउटपुट में सर्वर और पूंजी बहुत कम समतावादी हैं। मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मनुष्य को प्रदान करना है, जैसे अगर मुझे मसाज चाहिए या अगर मुझे अपना खाना पकाने के लिए किसी की जरूरत है। उस सेवा को प्रदान करने में जितना अधिक मानवीय तत्व होता है वह उतना ही कम समतावादी होता है। जेफ बेजोस के पास शायद हमें से अधिकांश की तुलना में बेहतर छुट्टियां हैं, है ना, क्योंकि उसके पास बहुत से इंसान हैं जो उसे जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे करने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोड और मीडिया के आउटपुट को देखें तो जेफ बेजोस को हमसे बेहतर फिल्में और टीवी देखने को नहीं मिलता है। जेफ बेजोस के पास कंप्यूटिंग का बेहतर अनुभव भी नहीं है। जैसे गूगल उसे कुछ प्रीमियम विशेष गूगल खाता नहीं देता है जहां उसकी खोज बेहतर होती है। यह कोड और मीडिया आउटपुट की प्रकृति है कि एक ही उत्पाद हर किसी के लिए सुलभ है, और यह एक सकारात्मक राशि के खेल में बदल जाता है जहां अगर जेफ बेजोस एक ही उत्पाद को 1000 अन्य लोगों के रूप में उपभोग कर रहे हैं तो वह उत्पाद उस संस्करण से बेहतर होगा जो जेफ स्वयं उपभोग करेगा, जबकि अन्य उत्पादों के साथ यह सच नहीं है। यदि आप रोलेक्स खरीदने जैसी किसी चीज को देखते हैं जो अब समय बताने के बारे में नहीं है तो यह एक अच्छा संकेत है। सब दिखावा है, मेरे पास एक रोलेक्स है, वह एक शून्य युग खेल है। अगर दुनिया में हर कोई रोलेक्स पहन रहा है तो लोग अब रोलेक्स पहनना नहीं चाहेंगे क्योंकि वे अब संकेत नहीं देते। इसने प्रभाव को रद्द कर दिया है और इसलिए अमीर लोगों को उस उत्पाद का सेवन करने में फायदा होता है। वे इसकी कीमत तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि केवल उनके पास रोलेक्स नहीं हो, और फिर गरीब लोगों के पास रोलेक्स और रोलेक्स का संकेतन मूल्य फिर से शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स देखने या गूगल का उपयोग करने या फेसबुक या यूट्यूब का उपयोग करने या यहां तक कि स्पष्ट रूप से आधुनिक कारों की तरह कुछ, जैसे अमीर लोगों के पास बेहतर कार नहीं है, उनके पास केवल अजीब कारें हैं।
आप एक लेम्बोर्गिनी को सड़क पर किसी भी गति से नहीं चला सकते जो एक लेम्बोर्गिनी के लिए समझ में आता है। तो ये वास्तव में गली में एक बदतर कार है। ये उस बिंदु पर एक सिग्नलिंग गुड में बदल गया। आपका प्यारा स्थान जहां आप होना चाहते हैं वह कहीं ऐसा है। टेस्ला मॉडल 3 या टोयोटा कोरोला की तरह एक अद्भुत कार है। एक नई टोयोटा कोरोला वास्तव में एक अच्छी कार है, लेकिन क्योंकि यह मुख्यधारा है, प्रौद्योगिकी ने संभावित उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी संख्या से अधिक उत्पादन लागत का परिशोधन किया है और सबसे अच्छे उत्पाद उच्च वर्ग को लक्षित करने के बजाय केंद्र में मीठे स्थान पर मध्य वर्ग में होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आधुनिक समाज में जिन चीजों की हम सराहना नहीं करते हैं उनमें से एक यह है कि उत्तोलन के रूप मानव आधारित, श्रम आधारित और पूंजी आधारित होने से अधिक उत्पाद और कोड और मीडिया आधारित होने के कारण चले गए हैं, जो कि अधिकांश जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग करते हैं उनके उपभोग में कहीं अधिक समतावादी होते जा रहे हैं। यहां तक कि खाना भी ऐसा बन रहा है। जैसे भोजन सस्ता और प्रचुर मात्रा में होता जा रहा है, कम से कम पहली दुनिया में इतना अधिक हमारे लिए हानिकारक है। जेफ बेजोस आवश्यक रूप से बेहतर खाना नहीं खा रहे हैं, वह सिर्फ अलग खाना खा रहे हैं या वह ऐसे भोजन की तरह खा रहे हैं जो नाटकीय रूप से तैयार और परोसा जाता है। तो यह लगभग फिर से अधिक की तरह है मानव तत्व का प्रदर्शन। लेकिन खाद्य उत्पादन से श्रम तत्व में व्यापक गिरावट आई है, पूंजी तत्व में भारी गिरावट आई है और इसलिए स्वयं खाद्य उत्पादन भी अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख हो गया है। और इसलिए जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उत्तोलन के रूप में कोड और मीडिया का उपयोग करके अपना धन बनाएं, क्योंकि तब वे उत्पाद सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, श्रम या पूंजी के माध्यम से अपना धन बनाने की कोशिश करने के विपरीत, क्योंकि मैं यहां जो बात कर रहा हूं वह पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हैं। प्रौद्योगिकी उत्पादों और मीडिया उत्पादों में इतनी अद्भुत पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हैं कि आप हमेशा उस उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं जो सबसे अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। जो सबसे अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है उसका बजट सबसे बड़ा होता है, किसी अन्य उपयोगकर्ता को जोड़ने की कोई सीमांत लागत नहीं होती है और इसलिए सबसे बड़े बजट के साथ आपको उच्चतम गुणवत्ता मिलती है। तो सबसे अच्छा टीवी शो वास्तव में कुछ अमीर लोगों के लिए बनाए गए कुछ अस्पष्ट नहीं होने वाले हैं, वे गेम ऑफ थ्रोन्स या ब्रेकिंग बैड या बर्ड बॉक्स जैसे बड़े बजट वाले हैं, जहां वे बड़े पैमाने पर हैं। बजट वे केवल उन बसों का उपयोग एक निश्चित गुणवत्ता स्तर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं और फिर अमीर लोग अलग होने के लिए उन्हें संडास के लिए उड़ान भरनी होगी और एक विचित्र देखना होगा, क्योंकि आप और मैं संडास के लिए उड़ान भरने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो उबाऊ अमीर लोग दिखाने के लिए करते हैं और हम नहीं हैं एक डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर वास्तव में उतने अच्छे नहीं है। एक बार फिर, यदि आप आज धनवान हैं तो कई तरह की चीजों के लिए आप अपना पैसा दूसरे लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप धनी हैं वस्तुओं को संकेत देने पर खर्च करते हैं और आप कोशिश करते हैं और उन्हें स्थिति में परिवर्तित करते हैं वास्तव में उनके लिए वस्तुओं का उपभोग करने के विपरीत खुद की खातिर। उत्तोलन के रूप में लोगों और पूंजी में एक नकारात्मक बाह्यता होती है और कोड और उत्पाद में एक सकारात्मक बाह्यता जुड़ी होती है। अगर मैं आपकी बात को समेटने जा रहा था, मुझे लगता है कि इंटरनेट के कारण पूंजी और श्रम भी थोड़ा अधिक अनुमतिहीन होने लगे हैं या कम से कम अनुमति विस्तृत है। इसलिए श्रम के बजाय अब हमारे पास समुदाय है जो श्रम का एक फैला हुआ रूप है। उदाहरण के लिए मार्क जुकरबर्ग के पास 1 अरब लोग हैं जो फेसबुक का उपयोग करके उनके लिए काम कर रहे हैं और किसी अमीर व्यक्ति से पूंजी जुटाने के बजाय अब हमारे पास क्राउडफंडिंग है। तो आप दान के लिए, स्वास्थ्य समस्या के लिए या किसी व्यवसाय के लिए लाखों और करोड़ों डॉलर जुटा सकते हैं। आप ये सब ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पूंजी और श्रम भी अनुमतिहीन होते जा रहे हैं और जरूरी नहीं कि आप इसे पुराने तरीके से ही करें जहां आपको घूम घूम कर लोगों से अपने पैसे या अपने समय का उपयोग करने की अनुमति मांगनी है। लीवरेज के बारे में एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि व्यवसाय मॉडल का चुनाव या उत्पाद का चुनाव भी इसमें एक प्रकार का उत्तोलन ला सकता है? उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यवसाय का पीछा करना जिसमें नेटवर्क प्रभाव हो, एक ऐसे व्यवसाय का पीछा करना जिसमें ब्रांड प्रभाव हो या व्यवसाय मॉडल के अन्य विकल्प जिन्हें लोग जोड़ तोड़ कर सकते हैं जो आपको मुफ्त उत्तोलन देते हैं। हाँ, वास्तव में कुछ अच्छी सूक्ष्म आर्थिक अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। उनमें से एक पैमाने की अर्थव्यवस्था है जो कि जितना अधिक आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं उतना ही सस्ता इसे बनाने के लिए मिलता है। यह कुछ ऐसा है जो बहुत सारे व्यवसायों के पास है। बुनियादी अर्थशास्त्र 101 और आपको कोशिश करनी चाहिए और एक व्यवसाय में उतरना चाहिए जहां विजेट संख्या 12 बनाना विजेट संख्या 5 बनाने से सस्ता है और विजेट संख्या 10,000 बनाना पिछले वाले की तुलना में बहुत सस्ता है। और यह प्रतिस्पर्धा के खिलाफ प्रवेश के लिए एक स्वत बाधा का निर्माण करता है और कमोडिटीकृत हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। एक और यह उसी तर्ज पर है, लेकिन विशेष रूप से प्रौद्योगिकी उत्पादों और मीडिया उत्पादों में यह महान गुणवत्ता है जहां उनके पास प्रजनन की शून्य सीमांत लागत है। इसलिए आपने अभी जो बनाया है उसकी एक और कॉपी बनाना मुफ्त है। तो जब कोई इस पॉडकास्ट को सुनता है या इसके बारे में एक YouTube वीडियो देखता है तो अगले आने वाले व्यक्ति के लिए मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। उन शून्य सीमांत लागत वाली चीजों को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि आप प्रति उपयोगकर्ता बहुत कम पैसा कमाते हैं, लेकिन समय के साथ वे वास्तव में बढ़ सकते हैं। तो जो रोगन अपने वर्तमान पॉडकास्ट पर उतना कठिन काम नहीं कर रहा है जितना वह पॉडकास्ट नंबर 1 पर कर रहा था, लेकिन पॉडकास्ट नंबर 1100 पर वह पॉडकास्ट के लिए $1 मिलियन कमा रहा है जबकि पिछले वाले के लिए उसने शायद पहले वाले के लिए पैसे खो दिए।
यह शून्य सीमांत लागत का एक उदाहरण है, और फिर सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क प्रभावों का यह विचार है, और यह कंप्यूटर नेटवर्किंग से आता है। बॉब मेटकाफ, जिन्होंने इथरनेट का निर्माण किया, ने प्रसिद्ध रूप से मेटकाफ के नियम को गढ़ा, जो एक नेटवर्क का मूल्य है जो नेटवर्क में नोड्स की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए यदि आकार 10 के नेटवर्क का मूल्य 100 होगा, तो आकार 100 के नेटवर्क का मूल्य 10,000 होगा। यह केवल 10 गुना अधिक नहीं है, यह 100 गुना अधिक है, क्योंकि वर्ग इसलिए अंतर्वर्ग है। तो आप एक नेटवर्क प्रभाव व्यवसाय में रहना चाहते हैं, यह मानते हुए कि आप नंबर 2 नहीं हैं। यदि आप नेटवर्क प्रभाव व्यवसाय में नंबर 1 हैं, तो आप सब कुछ जीत जाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप फेसबुक को देखते हैं, है ना, आपके मित्र और परिवार सोशल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, उनका प्रतिस्पर्धी कौन है? कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क प्रभावों के माध्यम से सब कुछ जीत लिया। यही कारण है कि जब लोग कहते हैं ठीक है मैं बस फेसबुक से दूर जा सकता हूं, वे ये नहीं समझते कि नेटवर्क प्रभाव प्राकृतिक एकाधिकार पैदा करते हैं, वे बहुत बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। और सिलिकॉन वैली के गंदे रहस्यों में से एक यह है कि बहुत सारे जीतने वाले व्यवसाय प्राकृतिक एकाधिकार हैं, यहां तक कि राइड शेयरिंग का रुझान भी एक विनर टेक ऑल सिस्टम की तरफ होता है। उबेर की तरह हमेशा लिफ्ट की तुलना में बेहतर अर्थशास्त्र होगा, जब तक कि यह अधिक ड्राइवरों और अधिक सवारों को इधर उधर कर रहा है। गूगल जैसा कुछ केवल एक व्यवहार्य खोज इंजन है। मुझे डकडकगो पसंद है गोपनीयता कारणों से, लेकिन नेटवर्क प्रभाव के कारण वे हमेशा पीछे रहने वाले हैं। ट्विटर है ना, आप माइक्रोब्लॉगिंग के लिए और कहां जाएंगे? यहां तक कि यूट्यूब के कमजोर नेटवर्क प्रभाव हैं, लेकिन वे अभी भी काफी शक्तिशाली हैं। वास्तव में कोई नंबर 2 साइट नहीं है जहां आप अपने वीडियो देखने के लिए नियमित रूप से जाते हैं। यही टेल अमेज़न में भी निकलता है। प्राइम और सुविधा स्टोर क्रेडिट कार्ड और जानकारी एक शक्तिशाली नेटवर्क प्रभाव बनाती है। तो नेटवर्क प्रभाव क्या है, आइए इसे ठीक से परिभाषित करें। एक नेटवर्क प्रभाव तब होता है जब प्रत्येक अतिरिक्त उपयोगकर्ता मौजूदा उपयोगकर्ता आधार में मूल्य जोड़ता है। तो आपके उपयोगकर्ता स्वयं मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ मूल्य बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हर कोई समझ सकता है कि क्लासिक उदाहरण भाषा है। मान लीजिए कि समुदाय में 100 लोग रहते हैं और 10 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति उन 10 में से केवल एक बोलता है। खैर, आपको हर समय अनुवाद करना पड़ रहा है, यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक है। लेकिन अगर आप सभी 100 लोग एक ही भाषा बोलते हैं, तो यह बहुत अधिक मूल्य जोड़ देगा। और इसलिए जिस तरह से समुदाय काम करेगा वह यह है कि 10 लोग 10 भाषाएं बोलना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक अतिरिक्त व्यक्ति अंग्रेजी सीखता है। खैर, अब अचानक 11 लोग अंग्रेजी जानते हैं। ताकि अगला व्यक्ति एक नई भाषा सीखने आए, शायद अंग्रेजी चुनने वाला हो। किसी बिंदु पर मान लें कि अंग्रेजी 20 या 25 लोगों तक पहुंच जाती है, यह हो गया। यह बस पूरे भाषा बाजार का मालिक बनने वाला है और बाकी भाषाओं का मुकाबला होगा। यही वजह है कि लंबे समय तक पूरी दुनिया शायद अंग्रेजी और चीनी बोलने वाली है। इंटरनेट पर चीन बंद है, लेकिन इंटरनेट अपने आप में एक बड़ा स्तर है, और जो लोग इंटरनेट पर संवाद करना चाहते हैं उन्हें अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर लोगों का सबसे बड़ा समुदाय अंग्रेजी बोलता है। मुझे अपने उन साथियों के लिए हमेशा बुरा लगता है जो विदेशों में विदेशी भाषाएं बोलते हुए बड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी सारी किताबों तक आपकी पहुंच नहीं है, इतनी सारी पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया है। इसलिए यदि आप केवल फ्रेंच बोलते हैं, या आप केवल जर्मन बोलते हैं, या आप केवल हिंदी बोलते हैं, उदाहरण के लिए, आप तकनीकी शिक्षा में गंभीर नुकसान में होंगे। निर्बाध रूप से यदि आप जाते हैं और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आपको केवल इसलिए अंग्रेजी सीखनी होगी क्योंकि आपको उन पुस्तकों को पढ़ना है जिनमें यह डेटा है जिसका अनुवाद नहीं किया गया है। इसलिए भाषाएं शायद नेटवर्क प्रभाव का सबसे पुराना उदाहरण है। पैसा एक और उदाहरण है। हम सभी को संभवतः एक ही धन का उपयोग करना चाहिए, सिवाय इस तथ्य के कि भौगोलिक और नियामक सीमाओं ने धन के इन कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है। लेकिन फिर भी दुनिया ज्यादातर समय आरक्षित मुद्रा के रूप में एक ही मुद्रा का उपयोग करती है, वर्तमान में अमेरिकी डॉलर। इसलिए नेटवर्क प्रभाव एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। जब आप एक व्यवसाय मॉडल चुनते हैं, तो वास्तव में एक मॉडल चुनना अच्छा होता है जहां आप नेटवर्क प्रभाव, कम सीमांत लागत और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठा सकते हैं। और एक साथ चलते हैं, किसी भी चीज की तरह जिसकी उत्पादन की शून्य सीमांत लागत होती है, स्पष्ट रूप से पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, और जिन चीजों की प्रजनन की शून्य सीमांत लागत होती है, उनमें अक्सर नेटवर्क प्रभाव होता है, क्योंकि इससे आपको चीज पर मुहर लगाने के लिए कुछ और खर्च नहीं करना पड़ता है। तो फिर आप उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के लिए मूल्य जोड़ने के लिए बस छोटे हुक बना सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपके उपयोगकर्ता, आपके ग्राहक एक दूसरे के लिए कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह उत्तोलन का अंतिम रूप है। आप बहामास में समुद्र तट पर हैं, या आप रात में सो रहे हैं और आपके ग्राहक एक दूसरे के लिए मूल्य जोड़ रहे हैं। ट्वीट तूफान बहुत सागरभित है। ये जानबूझकर सभी प्रकार के विभिन्न डोमेन और विषयों और समय अवधि और स्थानों पर व्यापक रूप से लागू होता है, लेकिन कभी कभी ठोस उदाहरण के बिना काम करना कठिन होता है। तो चलिए एक मिनट के लिए ठोस हो जाते हैं। रियल एस्टेट कारोबार को देखें। आप नीचे से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप दिहाड़ी मजदूर हैं। तुम अंदर आओ, तुम लोगों के घर ठीक करते हो। कोई आपको आदेश देता है और कहता है कि चट्टान के उस टुकड़े को तोड़ दो, उस लकड़ी के टुकड़े को रेत दो, उस चीज को वहां रख दो। निर्माण स्थल पर बस ये सभी छोटे मोटे काम होते हैं। यदि आप उन नौकरियों में से एक काम कर रहे हैं, जब तक कि आप एक कुशल व्यापार नहीं है, जैसे एक बड़ी या इलेक्ट्रिशियन, आपको वास्तव में विशिष्ट ज्ञान नहीं है। और यहां तक कि बड़ी इलेक्ट्रिशियन भी उतना विशिष्ट नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है कि यह कैसे करना है। तो आपको बदला जा सकता है।
तो आपको अपने 15, 20, 25, 50 का भुगतान मिलता है यदि आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, $75 प्रति घंटा, लेकिन यह इसके बारे में है। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे टूल के अलावा आपके पास कोई लाभ नहीं है, इसलिए यदि आप बुलडोजर चला रहे हैं तो यह आपके हाथों से करने से बेहतर है। इसलिए भारत में दिहाड़ी श्रम बहुत कम होता है क्योंकि उनके पास कोई उपकरण उत्तोलन नहीं है, आपकी ज्यादा जवाबदेही नहीं है। आप निर्माण दल में एक फेसलेस कॉग है और घर के मालिक या घर के खरीदार को पता नहीं है या परवाह नहीं है कि आपने इस पर काम किया है। उसे एक कदम ऊपर आपके पास एक सामान्य ठेकेदार की तरह एक ठेकेदार हो सकता है जिसे कोई आने और ठीक करने और मरम्मत करने और अपना घर बनाने के लिए काम पर रखता है। वह सामान्य ठेकेदार जवाबदेही ले रहा है, वे जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो अब अगर माने कि उन्हें नौकरी के लिए $2,50,000 का भुगतान मिला है, क्षमा करें मैं बैरियर कीमतों का उपयोग कर रहा हूं, तो शायद मैं एक घर को ठीक करने के काम के लिए $1,00,000 की दुनिया की कीमत को गिरफ्तार कर लूंगा और यह वास्तव में सामान्य ठेकेदार को $70,000 का खर्चा देता है। खैर, वह ठेकेदार बाकी 30 को जेब में डालने वाला है। तो उन्हें उल्टा मिला, उन्हें इक्विटी मिली, लेकिन वे जवाबदेही और जोखिम भी ले रहे हैं। इसलिए यदि परियोजना खत्म हो जाती है और नुकसान होता है तो वे घाटे को खाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सिर्फ जवाबदेही ही उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त संभावित आय देती है, और फिर उनके पास लेबर लीवरेज भी है क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोगों का एक समूह है। लेकिन यह शायद वही सबसे ऊपर है। आप उससे एक स्तर ऊपर जा सकते हैं और आप एक संपत्ति डेवलपर को देख सकते हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक ठेकेदार हो जिसने घर का एक गुच्छा बनाया हो। इसने वास्तव में अच्छा काम किया, फिर अपने लिए व्यवसाय में जाने का फैसला किया, और वे पीटा गुणों की तलाश में घूमते हैं जिनमें क्षमता है। वे उन्हें खरीदते हैं, वे या तो निवेशकों से पैसा जुटाते हैं, वे खुद सामने आते हैं, वे जगह को ठीक करते हैं और फिर वे इसे दोबारा बेचते हैं जिसके लिए उन्होंने इसे खरीदा था। हो सकता है कि उन्होंने केवल 20% अधिक लगाया हो, तो ये एक स्वस्थ लाभ है। तो अब इस तरह का एक डेवलपर अधिक जवाबदेही लेता है, अधिक जोखिम होता है, उनके पास अधिक विशिष्ट ज्ञान होता है, क्योंकि अब आपको ये जानना होगा कि कौन से पड़ोस खरीदने लायक हैं, वास्तव में कौन से लॉट अच्छे हैं और कौन से लॉट खराब हैं, क्या बनाता है या तोड़ता है एक विशिष्ट संपत्ति। आपको उस तैयार घर की कल्पना करनी होगी जो वहां होने जा रहा है, तभी जब संपत्ति स्वयं वास्तव में खराब दिख रही हो। तो अधिक विशिष्ट ज्ञान है, अधिक जवाबदेही और जोखिम है, और अब आपके पास पूंजी उत्तोलन भी है क्योंकि आप परियोजना में पैसा भी लगा रहे हैं। लेकिन कल्पना की जा सकती है कि आप $2,00,000 में जमीन का एक टुकड़ा या टूटा हुआ घर खरीद सकते हैं और इसे $1,000,000 की हवेली में बदल सकते हैं और सभी अंतर को पॉकेट में डाल सकते हैं। इससे परे एक स्तर एक प्रसिद्ध वास्तुकार या एक डेवलपर हो सकता है जहां किसी संपत्ति पर सिर्फ आपका नाम होना, क्योंकि आपने बहुत सारी शानदार संपत्तियां बनाई हैं, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसे एक स्तर ऊपर आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, मैं अचल संपत्ति को समझता हूं और अब मैं अचल संपत्ति की गतिशीलता के बारे में काफी कुछ जानता हूं, बजाय इसके कि मैं अपनी संपत्तियों का निर्माण और फ्लिप करता हूं या अपनी खुद की संपत्तियों में सुधार करता हूं, मैं एक विशाल डेवलपर बनने जा रहा हूं। मैं पूरे समुदायों का निर्माण करने जा रहा हूं। कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है मुझे वह उत्तोलन पसंद है, लेकिन मैं इन सभी लोगों को प्रबंधित नहीं करना चाहता, मैं इसे पूंजी के माध्यम से और अधिक करना चाहता हूं, इसलिए मैं एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट शुरू करने जा रहा हूं। और इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, न केवल अचल संपत्ति में निवेश करने और अचल संपत्ति के निर्माण के बारे में, बल्कि वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजारों के बारे में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और रियल एस्टेट ट्रस्ट कैसे काम करते हैं। इससे परे एक स्तर कोई हो सकता है जो कहता है वास्तव में मैं इस बाजार में सहन करने के लिए अधिकतम उत्तोलन और अधिकतम विशिष्ट ज्ञान लाना चाहता हूं। और इसलिए वह व्यक्ति कहेगा ठीक है, मैं अचल संपत्ति को समझता हूं और मैं डेवलपर्स कोड कैसे लिखें और अच्छे उत्पाद कैसे बनाएं, और मैं समझता हूं कि उद्यम पूंजीतियों से पैसा कैसे जुटाया जाए और इसे कैसे लड़ाया जाए और ये सब कैसे काम करता है। और जाहिर तौर पर एक भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता है, आप इसे करने के लिए एक टीम को एक साथ खींचते हैं जहां प्रत्येक के पास अलग अलग कौशल से हो, लेकिन उस संयुक्त इकाई को प्रौद्योगिकी और रियल एस्टेट में विशिष्ट ज्ञान होगा। इसकी बड़े पैमाने पर जवाबदेही होगी क्योंकि उस कंपनी का नाम बहुत अधिक जोखिम वाला होगा, उच्च इनाम का प्रयास पूरी चीज से जुड़ा होगा और लोग अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर देंगे, महत्वपूर्ण जोखिम उठाएंगे और फिर यह बहुत सारे डेवलपर्स के साथ कोड में लाभ उठाएगा। इसमें निवेशकों के पास पैसा लगाने वाली पूंजी होगी और संस्थापकों की खुद की पूंजी होगी, और इसमें कुछ उच्चतम गुणवत्ता वाले श्रम होंगे जो आप पा सकते हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर और डिजाइनर और विपणक हैं जो कंपनी पर काम कर रहे हैं, और फिर आप ट्रुलिया या रेपिन या जिलो प्रकार की कंपनी के साथ समाप्त हो सकते हैं और फिर उल्टा संभावित रूप से $अरबों या $करोड़ों में हो सकता है। तो जैसा कि आप अधिक से अधिक प्रकार के ज्ञान में परत करते हैं जो केवल नौकरी पर प्राप्त किया जा सकता है और सामान्य ज्ञान नहीं है, और आप अधिक से अधिक उत्तरदायित्व और जोखिम लेने में परत करते हैं, और आप काम करने वाले अधिक से अधिक महान लोगों में परत करते हैं यह, और उस पर अधिक से अधिक पूंजी और उस पर अधिक से अधिक कोड और मीडिया, आप अवसर के दायरे को दिहाड़ी मजदूर से हर तरह से बढ़ाते रहते हैं जो शायद सचमुच अपने हाथों से जमीन पर गिर रहे हों, पूरे रास्ते ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने एक रियल एस्टेट टेक कंपनी शुरू की और फिर उसे सार्वजनिक कर दिया। हमने विशिष्ट ज्ञान के बारे में बात की, हमने जवाबदेही की बात की, हमने उत्तोलन के बारे में बात की। अपने ट्वीट स्टॉर्म में नेवल जिस आखिरी कौशल के बारे में बात करता है वह निर्णय है, जहां वह कहता है कि उत्तोलन आपके निर्णय के लिए एक बल गुणक है।
अब हम लगभग अनंत उत्तोलन के युग में जी रहे हैं और सभी बड़े भाग्य उत्तोलन के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो आपका पहला काम है जाना और उत्तोलन प्राप्त करना, और आप जोखिम लेकर और लोगों को आपके लिए काम करने या पूंजी जुटाकर अनुमति के माध्यम से उत्तोलन प्राप्त कर सकते हैं, या आप पॉडकास्टिंग, प्रसारण, वीडियो बनाने, लेखन वगैरह में कोड करना या अच्छा संचारक बनना सीखकर बिना अनुमति के उत्तोलन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपको उत्तोलन मिलता है। लेकिन जब आपके पास उत्तोलन जाए तो आप इसका क्या करें? ठीक है, आपके करियर का पहला भाग उत्तोलन प्राप्त करने के लिए ऊहा मचाने में व्यतीत होता है। एक बार आपके पास उत्तोलन है तो आप थोड़ा धीमा होना चाहते हैं, क्योंकि आपका निर्णय वास्तव में मायने रखता है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी सेलबोट को इधर उधर चलाने से चले गए हैं, अब आप एक महासागर लाइनर या टैंकर चला रहे हैं। आपके पास बहुत अधिक जोखिम है, लेकिन आपके पास हासिल करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आप बहुत अधिक पेलोड ले जा रहे हैं। तो अनंत उत्तोलन के युग में निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कौशल बन जाता है। वॉरेन बफेट अपने फैसले के कारण अब इतने अमीर हैं। यहां तक कि अगर आप वॉरेन का सारा पैसा ले भी लेते हैं, कल निवेशक लकड़ी के काम से बाहर आएंगे और उन्हें $100 बिलियन देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका निर्णय बहुत अच्छा है और वे उसे निवेश करने के लिए $100 बिलियन का एक बड़ा हिस्सा देंगे। तो आखिरकार आप जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में आपको अपना निर्णय लागू करने के लिए स्थापित कर रहा है। जिन बड़ी चीजों पर लोग रेल करते हैं उनमें से एक सीईओ वेतन है, और निश्चित रूप से वहां क्रोनिक कैपिटलिज्म है जो चलता रहता है, जहां ये सीईओ अपने बोर्ड को नियंत्रित करते हैं और बोर्ड उन्हें बहुत अधिक पैसा देते हैं। लेकिन कुछ सीईओ ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अपनी कमाई करते हैं, क्योंकि उनका निर्णय बेहतर होता है। यदि आप एक बड़े जहाज को चला रहे हैं, यदि आप गूगल या एप्पल को चला रहे हैं और आपका निर्णय अगले व्यक्ति की तुलना में 10 या 20% बेहतर है, तो समाज वास्तव में आपको $करोड़ों अधिक का भुगतान करेगा, क्योंकि आप 100 बिलियन स्टीयरिंग कर रहे हैं डॉलर जहाज। यदि आप निश्चित रूप से अन्य व्यक्ति की तुलना में 10 या 20% अधिक समय पर हैं, तो आपके द्वारा प्रबंधित किए जा रहे सैकड़ों अरबों डॉलर के चक्रवृद्धि परिणाम इतने बड़े होंगे कि आपके सीईओ का वेतन तुलना में बौना हो जाएगा। इसलिए प्रदर्शित निर्णय, निर्णय के इर्द गिर्द विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफेट यहां इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनकी व्यापक विश्वसनीयता है। वह अत्यधिक जवाबदेह रहा है। वह सार्वजनिक डोमेन में बार बार रहा है। उसने बहुत उच्च सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा बनाई है ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। तो इस तरह का व्यक्ति, लोग उसके निर्णय के कारण उसके पीछे असीम उत्तोलन फेंक देंगे। कोई उसे नहीं पूछता कि वह कितनी मेहनत करता है। कोई उसे यह नहीं पूछता कि वह कब उठता है और कब सोता है। वे कहते हैं, वॉरेन बस अपना काम करो। इसलिए उच्च जवाबदेही के साथ विशेष रूप से प्रदर्शित निर्णय, स्पष्ट ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। आइए निर्णय को परिभाषित करें। मैं इसे आपके निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभावों को जानने या आपके निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभावों की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने के रूप में परिभाषित करूंगा। यह हास्यास्पद है, मेरे ज्ञान की परिभाषा आपके कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को जानना है, तो वे बिल्कुल अलग नहीं है। बुद्धि केवल एक व्यक्तिगत डोमेन पर निर्णय है। मुझे लगता है कि बाहरी समस्याओं पर लागू होने वाली बुद्धि न्याय है, इसलिए वे अत्यधिक जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, यह आपके कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को जानना और फिर उस पर पूंजी लगाने का सही निर्णय लेना है। निर्णय का निर्माण करना बहुत कठिन है। यहीं पर बुद्धि और अनुभव दोनों काम आते हैं। आइवरी टावर में तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ कई समस्याएं हैं, लेकिन जब नसीम तालिब उनके खिलाफ हो जाते हैं तो इसका एक कारण यह है कि खेल में उनकी कोई त्वचा नहीं है। उनके पास कोई वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं है ना? तो केवल विशुद्ध रूप से बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और बिना किसी अनुभव के बुद्धि अक्सर बेकार से भी बदतर होती है, क्योंकि आपको वह आत्मविश्वास मिलता है जो बुद्धि आपको देती है, और आपको कुछ विश्वसनीयता भी मिलती है। लेकिन क्योंकि आपके पास खेल में कोई त्वचा नहीं थी और आपके पास कोई वास्तविक अनुभव नहीं था और कोई वास्तविक जवाबदेही नहीं थी, आप केवल डार्ट फेंक रहे हैं। वास्तविक दुनिया हमेशा उससे कहीं अधिक जटिल होती है जितना हम बौद्धिकता कर सकते हैं, और विशेष रूप से सभी दिलचस्प तेजी से चलने वाले इस डोमेन और समस्याएं, आप अनुभव के बिना वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए यदि आप स्मार्ट हैं और आप तेजी से पुनरावृत्ति करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज में 10,000 घंटे लगाते हैं, बल्कि आप किसी चीज में 10,000 प्रयास करते हैं। यदि आप स्मार्ट हैं और आपके पास बहुत जल्दी पुनरावृत्तियां हैं और आप अपनी भावनाओं को इससे बाहर रखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे अच्छे निर्णय वाले लोग वास्तव में सबसे कम भावुक होते हैं। बहुत सारे बेहतरीन निवेशक उस संबंध में लगभग रोबोटिक माने जाते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सबसे अच्छे उद्यमी भी अक्सर भावहीन लगते हैं। भावुक उद्यमी का यह मूल रूप है, और हाँ, उन्हें इस बात की परवाह करनी होगी कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से देखना होगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। और वह चीज जो आपको यह देखने से रोकती है कि वास्तव में क्या हो रहा है, वह आपकी भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं लगातार हमारे निर्णय को धूमिल कर रही हैं। और निवेश करने में या कंपनियों को चलाने में या उत्पादों के निर्माण में या एक उद्यमी होने के नाते भावनाएं वास्तव में रास्ते में आ जाती हैं। भावनाएं हैं जो आपको यह देखने से रोकती हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, जब तक कि आप जो हो रहा है उसकी सच्चाई का विरोध नहीं कर सकते हैं, जब तक कि यह बहुत अचानक न हो जाए और फिर आप पीड़ित होने के लिए मजबूर न हो, जो इस भावनात्मक फंतासी को तोड़ना है जिसे आप एक साथ रखेंगे। इनमें से कुछ अवधारणाओं को आजमाने और जोड़ने के लिए मैं कहूंगा कि पहले आप अपने फैसले के लिए जवाबदेह हैं। न्याय बुद्धि का प्रयोग है। बुद्धि अनुभव से आती है और उस अनुभव को छोटे पुनरावृत्तियों के माध्यम से तेज किया जा सकता है,
और यही कारण है कि बहुत सारे शीर्ष निवेशक, बहुत सारे मूल्य निवेशक, अगर आप जेरेमी ग्रैंथम को पढ़ते हैं या आप वॉरेन बफे को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं, आप माइकल बरी पर पढ़ते हैं, ये लोग दार्शनिक की तरह लगते हैं, या वे दार्शनिक हैं, या वे बहुत सारी इतिहास की किताबें या विज्ञान की किताबें पढ़ रहे हैं। तो क्या उन्हें निवेश पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, निवेश किताबें निवेश के बारे में जानने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि निवेश एक वास्तविक दुनिया की गतिविधि है जो अत्यधिक बहुभिन्न रूपी है। सभी फायदों की हमेशा प्रतिस्पर्धा की जा रही है, यह हमेशा अत्याधुनिक होता है। तो आपको वास्तव में जिस चीज की जरूरत है वो बहुत बहुत व्यापक आधारित निर्णय और सोच है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर चीज का अध्ययन किया जाए, जिसमें बहुत सारा दर्शन शास्त्र भी शामिल है। और दर्शन भी आपको अधिक स्थिर बनाता है, आपको कम भावुक बनाता है, और इसलिए आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आपके पास बेहतर निर्णय होता है। एक साधारण बात यह है कि मैं देखता हूं, मैं ट्विटर पर जाता हूं और ऐसा लगता है कि आधा ट्विटर हर समय अपमानजनक है। आप किसी के ट्विटर फीड के भीतर जा सकते हैं और कम से कम कुछ झलक पा सकते हैं कि हर समय उनके दिमाग में क्या होना चाहिए, और कोई जितना ज्यादा नाराज होता है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उनका फैसला जितना बुरा होगा। यदि कोई लगातार ट्वीट कर रहा है राजनीतिक नाराजगी और ऐसा लगता है कि एक क्रोधित व्यक्ति झगड़े में पड़ रहा है, तो आप इस व्यक्ति को अपनी कार की चाबी नहीं देना चाहते हैं, अकेले अपनी कंपनी की चाबी दें। इसलिए हमने उन कौशलों को शामिल किया है जिनकी आपको अमीर बनने के लिए आवश्यकता है। वह विशिष्ट ज्ञान, उत्तरदायित्व, उत्तोलन, निर्णय और आजीवन सीखने वाला था। कड़ी मेहनत करने और अपने समय को महत्व देने के महत्व के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसलिए कोई भी आपको उतना महत्व देने वाला नहीं है जितना आप स्वयं को महत्व देते हैं। तो आपको बस एक बहुत ही उच्च व्यक्तिगत प्रति घंटा दर निर्धारित करनी होगी और आपको उस पर टिके रहना होगा। इसलिए जब मैं छोटा था तब से मैंने अभी तय किया कि मैं बाजार की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था, लेकिन मैंने खुद को इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसलिए हर फैसले में हमेशा अपना समय दें। इसमें कितना समय लगता है? ओ, इस चीज को पाने के लिए मुझे पूरे शहर में आने में एक घंटा लगने वाला है। ठीक है, मैं अपने आपको $100 प्रति घंटे पर महत्व देता हूँ। यह मेरी जेब से $100 निकाल रहा है। क्या मैं ऐसा करने वाला हूँ? आप अमेज़न से कुछ खरीदते हैं, उन्होंने इसे खराब कर दिया है, आपको इसे वापस करना होगा। क्या इसे वापस करने के लिए आपका समय लायक है? क्या यह मानसिक परेशानी के लायक है? ध्यान रखें कि आपके पास काम के घंटे कम हैं, आपके पास मानसिक रूप से उच्च आउटपुट घंटे कम हैं। क्या आप उनका उपयोग कामों को चलाने और छोटी समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहते हैं, या क्या आप उन्हें बड़ी चीजों के लिए बचाना चाहते हैं? सभी महान वैज्ञानिक अपने गृहस्थ जीवन का प्रबंधन करने में भयानक थे। उनमें से किसी के पास साफ सुथरा व्यवस्थित कमरा नहीं था, या उन्होंने अपने सभी सामाजिक कार्यक्रम समय पर नहीं किए, या अपने धन्यवाद कार्ड नहीं भेजे। आप जैसे चाहें अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे किसी और चीज से पहले आना होगा, जिसका अर्थ है कि आप एक पैसा चुटकी नहीं ले सकते। यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही। आप एक बुनियादी जीविका के लिए अपना रास्ता चुरा सकते हैं। आप अपने खर्चों को कम रख सकते हैं, हो सकता है जल्दी सेवानिवृत्त हों और बहुत अधिक खर्च न करें, और यह पूरी तरह से मान्य है, लेकिन हम यहां धन सृजन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अपने अमीर स्वयं के लिए तेजी से आगे बढ़ें और कुछ मध्यवर्ती प्रति घंटा दर चुनें। मेरे लिए, मानो या न मानो, पहले जब आप मुझे काम पर रख सकते थे, जो अब स्पष्ट रूप से आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मुझे काम पर रख सकते थे, और यह एक दशक पहले सच था या दो दशक पहले मेरे पास कोई भी था असली पैसा, मेरी प्रति घंटा की दर, मैं खुद से बार बार कहता था $5,000 प्रति घंटा है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वास्तव में यह लगभग $1,000 प्रति घंटा था, और निश्चित रूप से मैं अभी भी इलेक्ट्रिशियन के साथ बहस करने या टूटे हुए स्पीकर को वापस करने जैसी बेवकूफी कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैंने इसे अपने किसी भी मित्र से बहुत कम किया। और मैं इसे वापस करने की कोशिश करने या इसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय लोगों को कुछ सौंपने के बजाय कचरे के ढेर में फेंकने या सालवेशन आर्मी को देने के लिए एक नाटकीय शो बनाऊंगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बहस करता था और आज भी अपनी पत्नी से, जैसे मैं ऐसा नहीं करता, यह कोई समस्या नहीं है जिसे मैं हल करता हूं। मैं अभी भी बहस करता हूं कि मेरी माँ के साथ जब वो मुझे छोटे छोटे कामों की तरह सौंपती है तो मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं आपको एक सहायक नियुक्त करता हूं। और यह तभी सच था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। किसी चीज के बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि यदि आप किसी चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं या अपनी प्रति घंटा दर से कम पर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसे आउटसोर्स करें या न करें। इसलिए यदि आप किसी को अपने प्रति घंटे की दर से कम पर काम पर रख सकते हैं तो उन्हें किराए पर लें। इसमें खाना पकाने जैसी चीजें भी शामिल हैं। अब आप अपना स्वस्थ का बना खाना खाना चाह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आउटसोर्स कर सकते हैं तो इसके बजाय ऐसा करें। और मुझे पता है कि कुछ लोग अच्छी तरह से कहेंगे कि जीवन के आनंद के बारे में क्या और इसे अपने तरीके से ठीक करने के बारे में क्या। निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अमीर नहीं बनने जा रहे हैं क्योंकि अब आपने कुछ और प्राथमिकता बना ली है। पॉल ग्राहम ने वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप्स के लिए इसे बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि आपको अपने उत्पाद पर काम करना चाहिए और उत्पाद को बाजार में फिट करना चाहिए, और आपको व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ भोजन करना चाहिए, जिसके बारे में जब आप इस मिशन पर होते हैं तो आपके पास बस इतना ही समय होता है। तो अपने लिए एक बहुत ही उच्च प्रति घंटा आकाशात्मक दर निर्धारित करें और उस पर टिके रहें, और यह विद्युत का उच्च प्रतीत और महसूस होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह पर्याप्त कुछ नहीं है, और आपने जो कुछ भी चुना है, मेरी सलाह है कि आप उसे उठाएं। जैसा कि मैंने आपने लिखा, इससे पहले कि मेरे पास सबसे लंबे समय तक पैसा था, मैं प्रति घंटे $5,000 का उपयोग करता था, और यदि आप उसका वार्षिक वेतन के रूप में अनुमान लगाते हैं तो यह प्रति वर्ष कई मिलियन डॉलर है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, क्योंकि मैं सबसे मेहनती व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं वास्तव में एक आलसी व्यक्ति हूं। इसलिए मैं ऊर्जा के विस्फोट के माध्यम से काम करता हूं, जहां मैं वास्तव में किसी चीज से प्रेरित होता हूं। इसलिए अगर मैं वास्तव में ये देखता हूं कि मैंने प्रति वास्तविक घंटे में कितना कमाया है, तो यह शायद उससे थोड़ा अधिक है। चलिए बात करते हैं मेहनती। यह लड़ाई है जो ट्विटर पर होती है कि क्या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए।
जैसे डेविड हाउसर का वहाँ पर यह कहना कि ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को गुलाम बना रहे हैं और कीथ रबोई हमेशा कह रहे हैं कि नहीं, सभी महान संस्थापक अपनी उंगलियों को हड्डी तक काम करते हैं और वे आपस में बातें कर रहे हैं। सबसे पहले वे दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। डेविड जीवनशैली व्यवसाय में कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो ठीक है। जीवन में आपकी नंबर एक चीज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो धनवान नहीं बनना है। आपके पास नौकरी है, आपके पास परिवार भी है, आपके पास जीवन भी है। लेकिन कीथ ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं। वो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो स्वर्ण पदक के लिए जा रहा है और एक बहुत अरब डॉलर की सार्वजनिक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति को सब कुछ ठीक करना होगा। उनके पास महान निर्णय होना चाहिए। उन्हें काम करने के लिए सही चीज चुननी होगी। उन्हें सही टीम की भर्ती करनी है और उन्हें कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि वे मूल रूप से प्रतिस्पर्धी स्प्रिंट में लगे हुए हैं। तो अगर अमीर बनना आपका लक्ष्य है तो आपको जितना हो सके उतनी मेहनत करनी होगी। लेकिन आप किसके साथ काम करते हैं और आप किस पर काम करते हैं, इसके लिए कड़ी मेहनत कोई विकल्प नहीं है। आप जिस पर काम करते हैं वह शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मार्क एंड्रेसेन की परिभाषा पर विस्तार करने के लिए, उत्पाद बाजार के संस्थापक की खोज करना। वह प्रोडक्ट मार्केट फिट के साथ आया, लेकिन मैं प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट जोड़ूंगा, जो कि आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यवसाय के अनुकूल हैं। उन तीनों का संयोजन वह आपका भारी लक्ष्य होना चाहिए। और अगर आप काम करने के लिए सही क्षेत्र चुनते हैं तो आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। काम करने के लिए सही लोगों को चुनना अगला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन वे स्टूल के तीन पैरों की तरह हैं। यदि आप उनमें से किसी एक में भी कमी करते हैं तो पूरा स्टूल नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक के ऊपर एक इतनी आसानी से चुन सकते हैं। तो जब आप एक व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं या यहां तक कि अपना करियर बना रहे हैं, तो संचालन का क्रम पहले ये पता लगाना है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जहां एक बाजार उभर रहा है, एक ऐसा उत्पाद है जिसे मैं बना सकता हूं, जिस पर काम करने के लिए मैं उत्साहित हूं, और कुछ ऐसा जहां मुझे विशिष्ट ज्ञान है और मैं वास्तव में इसमें हूं। और फिर दूसरा, अपने आप को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ घिरें और आपका बार कितना भी ऊंचा क्यों न हो अपना बार उठाएं, क्योंकि आप कभी भी अन्य लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जो काफी महान है। अगर वहां कोई बड़ा है जिसके साथ काम करना है तो आपको उनके साथ काम करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को सलाह देता हूं जो सिलिकॉन वैली में शामिल होने के लिए कौन सा स्टार्टअप देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि मूल रूप से वह चुने जो भविष्य में आपके लिए सबसे अच्छा पूर्व छात्रों का नेटवर्क होगा। पेपाल माफिया को देखें, वे प्रतिभाओं के झुंड के साथ काम करते हैं, इसलिए वे सभी अमीर हो गए। तो बस कोशिश करें और उच्चतम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और अखंडता के आधार पर लोगों को चुने जो आपको मिल सकते हैं। और फिर अंत में, एक बार जब आपने काम करने के लिए सही चीज और काम करने के लिए सही लोगों को चुन लिया, तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं। यहीं पर पौराणिक कथा थोड़ी पागल हो जाती है। लोग 80-120 घंटे सप्ताह काम करेंगे। इसमें से बहुत कुछ सिर्फ स्टेटस सिग्नलिंग है, यह दिखावा कर रहा है। कोई भी वास्तव में मानसिक स्पष्टता के साथ उच्च आउटपुट पर सप्ताह में 80-120 घंटे काम नहीं करता है। आपका दिमाग टूट जा रहा है, आपके पास अच्छे विचार नहीं होंगे। तो वास्तव में जिस तरह से लोग सबसे अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, विशेष रूप से ज्ञान के काम में, क्या वे उतनी ही मेहनत करते हैं जितना वे किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं? और वे प्रेरित होते हैं और वे भावुक होते हैं और फिर वे आराम करते हैं, वे लंबा ब्रेक लेते हैं। ये एक शेर के शिकार की तरह अधिक है और मैराथन धावक की तरह बहुत कम दौड़ रहा है। तो आप स्प्रिंट करते हैं, फिर आप आराम करते हैं, आप पुनर्मूल्यांकन करते हैं और फिर आप पुनः प्रयास करते हैं। और अंत में आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप स्प्रिंट के मैराथन का निर्माण कर रहे हैं। निमी ने मेरी ओर से सिर्फ ये बात कही कि प्रेरणा नाशवान होती है, जो बहुत अच्छी बात है। जब आपको अपनी प्रेरणा मिले तो इसे वहीं और वहीं करें। मेरे ट्वीट तूफानों के साथ मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मैं वास्तव में अतिरिक्त ट्वीट तूफानों के एक पूरे समूह के साथ आया हूं जो पहले से ही बाहर है, लेकिन कभी कभी मैं बस संकोच करता हूं या मैं बस रुक जाता हूं और फिर यह मर जाता है। और मैंने जो सीखा है वह यह है कि अगर मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखने या एक तूफानी ट्वीट प्रकाशित करने के लिए प्रेरित हूं, मुझे शायद इसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो यह वहां से नहीं निकलेगा, मैं इसमें वापस नहीं आऊंगा। इसलिए प्रेरणा एक सुंदर और शक्तिशाली चीज है, और जब आपके पास हो तो बस इसे जब्त करें। तो लोग अधीरता की बात करते हैं, आप अधीर होना जाते हैं, अब धैर्य रखना कब जाते हैं। इस पर मेरा चड़पता ट्वीट था, कार्रवाई से अधीरता और नतीजों से सब्र। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में जीवन के लिए एक अच्छा दर्शन है। आपको जो कुछ भी करना है बस उसे पूरा करें। क्यों इंतजार करना, आपकी उम्र कम नहीं हुई है, आपकी जान निकल रही है। आप इसे लाइन में प्रतीक्षा करके खर्च नहीं करना चाहते हैं, आप इसे आगे और पीछे यात्रा करने में खर्च नहीं करना चाहते हैं, आप इसे उन चीजों पर खर्च नहीं करना चाहते हैं जो आप जानते हैं कि अंततः आपके मिशन का हिस्सा नहीं है। और जब आप उन्हें करते हैं तो आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके करना चाहते हैं, जबकि आप उन्हें अपने पूरे ध्यान से करते हैं। लेकिन तब आपको केवल परिणामों पर हार माननी होगी। आपको परिणामों के साथ धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप जटिल प्रणालियों से निपट रहे हैं, आप बहुत से लोगों के साथ डील कर रहे हैं। बाजारों को उत्पादों को अपनाने में काफी समय लगता है, लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने में सहज होने में समय लगता है। जब आप पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो अच्छे उत्पादों को उभरने में समय लगता है। तो कर्मों के साथ अधीरता, परिणामों के साथ धैर्य। और जैसा कि निवेदा ने कहा, प्रेरणा नाशवान है, इसलिए जब आपके पास प्रेरणा हो तो तुरंत उस पर कार्य करें। अगर मुझे कोई समस्या है जो मुझे अपने किसी व्यवसाय में मिलती है जिसे हल करने की आवश्यकता है, तो मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक कि कम से कम संकल्प गति में न हो। और यह सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना है, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के बोर्ड में हूं तो मैं सीईओ को बुलाऊंगा। अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो मैं अपनी रिपोर्ट बुलाऊंगा। यदि मैं जिम्मेदार हूं तो मैं उसी समय वहीं आ जाऊंगा और इसे हल करूंगा। यदि मैं किसी समस्या के घटित होते ही उसका समाधान नहीं करता, या उसके होते ही मैं उसके समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तो मुझे शांति नहीं मिलती, मेरे पास आराम नहीं है। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक मुझे कोई खुशी नहीं है। इसलिए इसे जल्द से जल्द हल करें। मैं सचमुच तब नहीं सोऊंगा जब तक यह हल नहीं हो जाता।
हो सकता है कि ये एक व्यक्तिगत विशेषता हो, लेकिन इसने व्यवसाय में अच्छा काम किया है। हम हजारों कटों की मौत के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं। तो मेरा एक और ट्वीट था, आपको एक अव्यवस्थित कैलेंडर रखते हुए भी कॉफी पीने में व्यस्त होना चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं एक साथ दो काम करने के लिए मशहूर हूँ। एक के पास बहुत साफ सुथरा कैलेंडर है, इस पर मेरी लगभग कोई बिट नहीं है, और ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जब मेरा कैलेंडर देखते हैं वे लगभग रोते हैं। वहीं मैं हर समय व्यस्त रहता हूँ, मैं हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ, और यह आमतौर पर काम से संबंधित उद्धरण को उद्धृत करता है, लेकिन यह वह है जो उस समय सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली चीज है जिसे करने की जरूरत है और मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है जिसके बारे में प्रेरित हूँ। लेकिन ऐसा करने का एकमात्र तरीका लगातार बेरहमी से बैठकों को अस्वीकार करना है। लोग कॉफी पीना और रिश्ते बनाना चाहते हैं, और यह आपके करियर की शुरुआत में ठीक है जब आप अभी भी खोज कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपके करियर में जब आप शोषण कर रहे हैं और आपके पास समय से अधिक चीजें आ रही हैं, तो आपको करना होगा बेरहमी से अपने जीवन से बैठकों को काट दें। अगर कोई मीटिंग करना चाहता है तो देखें कि क्या आप इसके बजाय फोन कॉल से ऐसा कर सकते हैं। यदि वे फोन कॉल करना चाहते हैं तो देखें कि क्या वे इसके बजाय ईमेल से ऐसा कर सकते हैं। यदि वे इसे ईमेल से करना चाहते हैं तो देखें कि क्या वे इसके बजाय संदेश के साथ ऐसा कर सकते हैं। यदि वे टेक्स्ट मैसेजिंग है तो आपको संभवतः अधिकांश टेक्स्ट संदेशों को अनदेखा करना चाहिए जब तक कि वे वास्तविक आपात स्थिति न हो। इसलिए मीटिंग से बचने के लिए पूरी तरह से निर्मम होना चाहिए। जब आप मीटिंग्स करते हैं, वर्किंग मीटिंग्स करते हैं, स्टैंडिंग मीटिंग्स करते हैं, उन्हें छोटा रखें, उन्हें क्रियाशील रखें, उन्हें छोटा रखें। आठ लोगों के साथ कोई बैठक और यह एक सम्मेलन की मेज पर बैठा है, उस बैठक में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सचमुच एक समय में सिर्फ एक घंटा मर रहे हैं। कॉफी करने से पुरानी बोली याद आती है। मुझे लगता है कि स्टीव जॉब्स से जब उन्होंने उनसे पूछा, अरे एप्पल सम्मेलनों में क्यों नहीं आता है या आप मेरे अधिवेशन में क्यों नहीं आते, और उनकी प्रतिक्रिया थी, ठीक है, क्योंकि हम यहां काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, मुझे लोगों को मीटिंग के लिए मना करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब मैं उन्हें सीधे तौर पर बता देता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ, देखिए, मैं गैर लेन देन वाली बैठकें नहीं करता। मैं सख्त एजेंडे के बिना बैठकें नहीं करता। मैं बैठकें तब तक नहीं करता जब तक हमें बिल्कुल न करना पड़े। निवी ऐसा करती थी, वो लोगों को ईमेल करता था जब निवी और मुझसे मिलने के लिए कहते थे, कॉफी मीटिंग की तरह, आपको जानते हैं। वो कहते थे, हम मीटिंग तब तक नहीं करते जब तक कि ये जीवन और मृत्यु अत्यावश्यक न हो, और फिर उस व्यक्ति को जवाब देना होगा, हाँ, ये जीवन और मृत्यु अत्यावश्यक है या कोई मुलाकात नहीं है। जब आपके पास कुछ महत्वपूर्ण या कुछ मूल्यवान होता है तो अन्य व्यस्त दिलचस्प लोग आपसे मिलेंगे। आपका कॉलिंग कार्ड होना चाहिए, हे, मैंने यह किया है, यहां मैं आपको दिखा सकता हूं, आइए मिलते हैं, और यदि यह आपके लिए उपयोगी है तो मैं आपके समय का सम्मान करूंगा। और मुझे लगता है कि बहुत व्यस्त महत्वपूर्ण लोग हैं जो आपकी बैठक लेंगे, लेकिन आपको एक उचित कॉलिंग कार्ड लेकर आना होगा। सभी लोग जो ट्वीट करते हैं और जो ईमेल करते हैं, प्रसिद्ध या अमीर लोग कहते हैं, अरे अगर मैं आपसे सिर्फ एक मुलाकात कर सकता हूं, और वे इसके बारे में अस्पष्ट हैं, तो वे जीवन में कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको विश्वसनीयता बनानी होगी। जब उदाहरण के लिए तकनीकी व्यवसाय और उद्यम व्यवसाय में एक निवेशक एक स्टार्टअप को देखता है, तो पहली चीज जो वे देखना चाहते हैं वह यह है कि वे उत्पाद की प्रगति के कुछ सबूत देखना चाहते हैं। वे सिर्फ एक स्लाइड डेक भी नहीं देखना चाहते हैं, वे उत्पाद की प्रगति देखना चाहते हैं, क्योंकि उत्पाद की प्रगति उद्यमी के लिए फिर से शुरू होती है। यह अचल अचूक रिज्यूमे है। तो आपको काम करना है। क्रिप्टो सादृश्य का उपयोग करने के लिए आपके पास कार्य का प्रमाण होना चाहिए। अगर आपके पास काम का प्रमाण है और आपके पास वास्तव में कुछ दिलचस्प है, तो आपको इसे ईमेल में एक साथ रखने और किसी को भेजने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप मीटिंग के लिए कह रहे हैं तो आप इसके बारे में अत्यधिक क्रियाशील होना चाहते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ भी कहूंगा, भले ही आपने खुद इसे अभी तक नहीं बनाया है, अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाकर और नेटवर्किंग करके और मीटिंग्स का एक पूरा समूह बनाकर इसे बनाने जा रहे हैं, तो आप शायद गलत हैं। हाँ, नेटवर्किंग आपके करियर की शुरुआत में महत्वपूर्ण हो सकती है, और हाँ, आप बैठकों के साथ गंभीर हो सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। और जैसा कि हमने पहले के बारे में बात करते हुए समय बिताया, जब आप बस लोगों से मिल रहे हैं और उस भाग्यशाली अवसर को पाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप टाइप वन भाग्य पर भरोसा कर रहे हैं, जो अंधा भाग्य है, और टाइप टू भाग्य, जो उधम भाग्य है। लेकिन जो आपको नहीं मिल रहा है वह टाइप थ्री या टाइप फोर लक है, जो बेहतर प्रकार है, जहां आप एक प्रतिष्ठा विकसित करने, किसी चीज पर काम करने, एक अद्वितीय दृष्टिकोण विकसित करने और उन अवसरों को पहचानने में सक्षम होने में समय बिताते हैं जो दूसरों को मिल सकते हैं। जी, एक व्यस्त कैलेंडर और एक व्यस्त मन इस दुनिया में महान कार्य करने की आपकी क्षमता को नष्ट कर देगा। यदि आप महान चीजें करने में सक्षम होना चाहते हैं, चाहे आप एक संगीतकार हों या आप एक उद्यमी हों या आप एक निवेशक हों, तो आपको खाली समय की जरूरत है और आपको एक मुक्त दिमाग की जरूरत है। हमने कड़ी मेहनत करने और अपने समय को महत्व देने के महत्व के बारे में बात करना अभी अभी समाप्त किया है। इसके बाद लंबी अवधि के लिए काम करने के विषय पर कुछ ट्वीट्स हैं। पहला ट्वीट है, आप जो करते हैं उसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बने। जब तक यह सच न हो जाए तब तक आप जो करते हैं उसे फिर से परिभाषित करते रहें। यदि आप वास्तव में इस दुनिया में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें नंबर एक बनना चाहते हैं, और यह आला हो सकता है, यही बात है। यह सचमुच हो सकता है कि आपको सिर्फ आप होने के लिए भुगतान किया जा रहा है। आप जानते हैं, इस समय दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग ऐसे ही हैं। ओपरा को ओपरा होने के लिए भुगतान मिलता है, जो रोगन को जो रोगन होने के लिए भुगतान मिलता है, और वे खुद के लिए प्रामाणिक हो रहे हैं। तो यह ट्वीट एक साथ कहने की कोशिश कर रहा है कि आप नंबर एक बनना चाहते हैं, लेकिन आप तब तक बदलते रहना चाहते हैं जब तक आप नंबर एक नहीं हो जाते। आप केवल मनमाना कुछ नहीं चुन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बनने जा रहा हूं और अब आपको उसेन बोल्ट को हराना होगा।
यह बहुत कठिन समस्या है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप अपने उद्देश्य को तब तक बदलते रह सकते हैं जब तक कि वह आपके विशिष्ट ज्ञान, आपके कौशल सेट, आपकी स्थिति, आपकी क्षमताओं, आपके स्थान, आपकी रुचियों तक न पहुंच जाए और फिर आपको नंबर एक बनाने में जुट जाए। इसलिए जब आप यह खोज रहे हैं कि क्या करना है, तो वास्तव में आपके पास दो अलग अलग फोकस होते हैं जिन्हें आपको सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखना होता है, और उनमें से एक यह है कि मैं जो करता हूं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। दूसरा है कि मैं जो करता हूं लक्ष्य होता है कि जब तक आप आरामदायक जगह पर पहुंचे जहां आप पसंद करते हैं, तब तक मैं इससे सबसे अच्छा हूं। हां, ये कुछ ऐसा है जो मैं अभी भी पाने के बावजूद अद्भुत हूं, और यह रातों रात खोज नहीं होने वाला है, ये एक लंबी यात्रा होने वाली है, लेकिन कम से कम आपको पता है कि इसके बारे में कैसे सोचना है। एक कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पाद बाजार में फिट हो। मैं कहूंगा कि एक उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्थापक उत्पाद बाजार में फिट हो, जहां आप स्वाभाविक रूप से सही उत्पाद बनाने के लिए इच्छुक हो, जिसके पास बाजार हो, और यह एक तीन फोकस समस्या है जो कि आपको उन तीनों को एक साथ काम करना होगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको बस एक ही बार में बहुभिन्न रूपी समस्याओं, बहुद्देशीय कार्यों का सहज प्रबंधन करना होगा, और यह उन मामलों में से एक है जहां आपको एक साथ कम से कम दो या तीन मैप करने होते हैं। यह मुझे प्रामाणिकता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा से बचने के बारे में आपके ट्वीट की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि इसका एक हिस्सा यह खोज है कि आप कौन हैं। यह एक खोज और पहचान दोनों है, क्योंकि कभी कभी जब हम अपने अहम को खोजते हैं तो हम कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो हम नहीं हैं, और हमारे मित्र और परिवार हमें यह बताने में बेहतर है कि वास्तव में हम कौन हैं, या हमने जो किया है उसे पीछे मुड़कर देखना इस बात का बेहतर संकेतक है कि हम कौन हैं। पीटर थियल इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि कैसे प्रतिस्पर्धा एक बिंदु के अलावा है, यह अनुत्पादक है। हम अत्यधिक नकल करने वाले प्राणी हैं। हम कॉपी करते हैं कि हमारे आसपास हर कोई क्या कर रहा है। हम उनसे अपनी इच्छाओं की नकल करते हैं। मेरे आसपास हर कोई एक महान कलाकार है, मैं एक कलाकार बनना चाहता हूं। अगर मेरे आसपास हर कोई एक महान व्यवसायी व्यक्ति है, मैं एक बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूं। मेरे आसपास हर कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता हूं। वहीं से मेरा स्वाभिमान आएगा। जब आप इन स्टेटस गेम्स में फंस जाते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा कि आप उन चीजों पर प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं जो प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं है। तो पीटर थियल इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वह लॉ क्लर्क बनने वाले थे, क्योंकि वह लॉ स्कूल में थे और उनके आसपास हर कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या किसी प्रसिद्ध जज के लिए लॉ क्लर्क बनना चाहता था, और वह खारिज हो गया और इसलिए उन्हें व्यवसाय में जाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इससे उन्हें एक छोटे खेल से बड़े खेल में प्रवेश करने में मदद मिली। इसलिए कभी कभी आप सिर्फ इसलिए गलत खेल में फंस जाते हैं क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं और प्रतियोगिता के भूत से दूर होने के लिए, जो न केवल तनावपूर्ण और नर्व ब्रेकिंग है बल्कि अक्सर आपको गलत उत्तर की ओर ले जाएगा। प्रतिस्पर्धा से बचने का तरीका केवल स्वयं के प्रति प्रामाणिक होना है। यदि आप मौलिक रूप से किसी ऐसी चीज का निर्माण और विपणन कर रहे हैं जो कि आप कौन है इसका विस्तार है, तो उस पर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। जो रोगन या स्कॉट एडम्स के साथ कौन प्रतिस्पर्धा करने वाला है, यह नामुमकिन है। क्या कोई और साथ आने वाला है और एक बेहतर डिल्बर्ट लिखने वाला है? नहीं। क्या कोई भी साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला है और एक बेहतर और बनाने वाला है? नहीं। यह प्रामाणिक होने के बारे में है। कला में यह देखना सबसे आसान है। कलाकार परिभाषा के अनुसार सभी स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक होते हैं, लेकिन उद्यमी भी प्रामाणिक है। एलन मस्क कौन होने वाला है? कौन होगा जैक डोर्सी? ये लोग प्रामाणिक हैं और उनके द्वारा बनाए गए व्यवसाय और उत्पाद उनकी इच्छाओं और उनके साधनों के लिए प्रामाणिक हैं। अगर कोई और साथ आता और रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर देता, मुझे नहीं लगता कि यह एलन को थोड़ा विचलित करेगा। वह अभी भी मंगल ग्रह पर जाने वाला है क्योंकि वह उसका मिशन है, पागल जैसा लगता है। यही वह जिसे उसने निर्धारित किया है और इसे पूरा करने वाला है। इसलिए प्रामाणिकता स्वाभाविक रूप से आपको प्रतिस्पर्धा से दूर कर देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आवश्यक रूप से उस बिंदु तक प्रामाणिक होना चाहते हैं जहां कोई उत्पाद बाजार में फिट नहीं है। यह पता चल सकता है कि आप एक यूनिसाइकिल पर सबसे अच्छे बाजीगर हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए इतना अधिक बाजार न हो यूट्यूब वीडियो के साथ भी। इसलिए आपको इसे किसी तरह समायोजित करना होगा जब तक कि आप उत्पाद बाजार में फिट न हो, लेकिन कम से कम प्रामाणिकता की ओर झुके, प्रतिस्पर्धा से दूर होने की ओर, और प्रतिस्पर्धा स्वचालित रूप से नकल करने की ओर ले जाती है और अक्सर पूरी तरह से गलत खेल खेलने की ओर ले जाती है। खासकर उद्यमिता में जनता कभी भी सही नहीं होती है। यदि आप बहुत से लोगों को इस बारे में ट्वीट करते हुए देखते हैं कि प्रवेश करने के लिए एक बड़ा बाजार क्या है, या आप देखते हैं कि पत्रकार किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो वे कुछ भी नहीं जानते हैं। यदि जनता को पता होता कि महान चीजों का निर्माण कैसे किया जाता है और बड़ी दौलत कैसे बनाई जाती है, तो हम सब पहले ही समाप्त हो चुके होते। हम सब पहले से ही अमीर हो गए होंगे। तो एक मायने में जब आप बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा देखते हैं तो कभी कभी यह आपको संकेत देता है कि जनता पहले से ही यहाँ है, इसलिए यह पहले से ही बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा कर चुकी है और यहाँ कुछ भी नहीं है या यह गलत चलन में है। दूसरी ओर यदि यह पूरी तरह से खाली है, यदि पूरा बाजार खाली है और वहां कोई नहीं है, तो यह भी एक चेतावनी संकेत हो सकता है कि आप उत्पाद बाजार में संस्थापक उत्पाद बाजार फिट के हिस्से के लिए बहुत प्रामाणिक और पर्याप्त नहीं है। तो एक संतुलन है, आपको इसे खोजना होगा। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग प्रतियोगिता पर बहुत अधिक ध्यान देने और प्रतियोगिता की तरह बहुत अधिक होने और पर्याप्त प्रामाणिक न होने की गलती करेंगे, और महान संस्थापक प्रामाणिक मूर्तिभंजक होते हैं। मुझे स्कॉट एडम्स स्किल स्टैक को एक बार और लाने से नफरत है, लेकिन मैं फिर भी इसे लाऊंगा,
क्या आपको लगता है कि प्रामाणिकता प्राप्त करने का एक तरीका आवश्यक रूप से कुछ यादृच्छिक कौशल जोड़ना नहीं है जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकता है, बल्कि वास्तव में 5 या 6 विभिन्न कौशलों को खोजना है जो आप पहले से ही प्रामाणिक रूप से करते हैं और बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर ढेर कर रहे हैं और यहां तक कि नहीं भी किसी भी उद्देश्यपूर्ण तरीके से। यदि आप व्यक्त कर रहे हैं कि आप कौन हैं, तो आप वैसे भी इन सभी 5 या 6 अलग अलग कौशलों को व्यक्त करने जा रहे हैं। वैसे भी जीवन वास्तव में आपको वहीं ले जाने वाला है। दीर्घावधि में यदि आप जो करते हैं उसमें अच्छे और सफल हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जो भी शौक थे आप उन्हें लगभग जीविका के लिए कर रहे हैं। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा, अपने व्यवसाय और अपने व्यवसाय को मिलाएं, आप क्या करना पसंद करते हैं और आप क्या करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप वैसे भी खुद को वहां पाएंगे और आप स्किल सेट के बारे में सही हैं और हर किसी के पास कई कौशल हैं। हम सभी एक आयामी प्राणी नहीं है, भले ही हमें नौकरी पाने के लिए अपने ऑनलाइन प्रोफाइल में खुद को इसी तरह चित्रित करना पड़े। आप मैं एक बैंकर हूं या मैं एक बारटेंडर हूं या मैं एक नाई हूं या आपके पास क्या है, सभी बीएस। लेकिन लोग बहुभिन्न रूपी हैं, उनके पास बहुत कौशल है। एक बैंकर वित्त में अच्छा हो सकता है, दूसरा बिक्री में अच्छा हो सकता है, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक रुझानों में अच्छा हो सकता है और बाजारों के लिए एक अनुभव हो सकता है। व्यक्तिगत स्टॉक चुनने में एक और वास्तव में अच्छा हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति नए संबंधों को बेचने के बजाय संबंधों को बनाए रखने में अच्छा हो सकता है। तो हर किसी के पास अपने अलग अलग निशाने होंगे और आपके पास कई निशाने होंगे, सिर्फ एक नहीं। इसलिए समय के साथ आप पाएंगे जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आप दोनों उन चीजों की ओर आकर्षित होंगे जिनमें आप अच्छे हैं, जो परिभाषा के अनुसार लगभग वही चीजें हैं जिन्हें करने में आपको आनंद आता है, अन्यथा आप उनमें अच्छे नहीं होंगे, आपने समय नहीं दिया होगा और अन्य लोग आपको उन चीजों की ओर धकेलेंगे जिनमें आप अच्छे हैं, क्योंकि आपके स्मार्ट बॉस और आपके स्मार्ट सहकर्मी और आपके स्मार्ट निवेशक महसूस करेंगे, ठीक है, आप वास्तव में विश्व स्तर के हैं ये बात, और हम उस दूसरी चीज के लिए किसी और को भर्ती करने वाले हैं। तो आदर्श रूप से आप अपने होने में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब आप प्रामाणिक होते हैं तो आप वास्तव में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। हाँ, यह आपको गुस्सा दिलाता है और यह कुछ भय और ईर्ष्या और इसके साथ आने वाली अन्य सभी भावनाओं को प्रेरित करता है, लेकिन आपको वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आप लक्ष्य और मिशन के प्रति अधिक उन्मुख हैं, और सबसे खराब स्थिति आप उनसे कुछ विचार प्राप्त करते हैं और प्रतियोगिता के साथ सकारात्मक तरीके से काम करने के अक्सर तरीके होते हैं और यह आपके लिए बाजार के आकार को बढ़ाता है। हाँ, कभी कभी यह व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिलिकॉन वैली टेक उद्योग के व्यवसाय विजेता टेक ऑल होते हैं, कम से कम अच्छे वाले, और इसलिए जब आप प्रतिस्पर्धा देखते हैं तो यह आपको क्रोधित कर सकता है क्योंकि यह वास्तव में आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को खतरे में डालती है। जबकि अगर मैं एक रेस्तरां खोल रहा था और उसी रेस्तरां का एक और दिलचस्प संस्करण एक अलग शहर में खुलता है, यह शानदार है। मैं बस उनसे उठाने जा रहा हूं जो काम कर रहा है और जो मैं देख सकता हूं उसे छोड़ दूंगा कि वे पहले ही पता लगा चुके हैं कि काम नहीं कर रहा है। तो यह कुछ हद तक व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसने कहा, यहां तक कि ऐसे व्यवसाय भी जो ऐसा प्रतीत होते हैं कि वे अक्सर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं, वास्तव में नहीं है। वे आसन्न या थोड़ा अलग हो सकते हैं। आप एक पूरी तरह से अलग व्यवसाय से एक कदम दूर हैं और कभी कभी आपको वह एक कदम उठाने की आवश्यकता होती है, और यदि आप एक घिनौने पुरस्कार के लिए लड़ने में व्यस्त हैं तो आप इसे नहीं उठा पाएंगे। आप एक बेवकूफी भरा खेल खेल रहे हैं और आप एक बेवकूफी भरा पुरस्कार जीतने वाले हैं, और यह अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा से अंधे हैं, लेकिन आपसे 3 साल बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। एक सरल उदाहरण देने के लिए, जब मैं पहली बार कंपनियों को शुरू कर रहा था तो मेरे पहले लोगों में से एक को एपिनियंस कहा जाता था, जो अमेज़न से स्वतंत्र सभी उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन उत्पाद समीक्षा साइट थी, और वह स्थान अंततः ट्रिपएडवाइज और येल्प में बदल गया जहां हमें जाना चाहिए था। हमें और अधिक स्थानीय समीक्षा करनी चाहिए थी क्योंकि कैमरे जैसे किसी आइटम की तुलना में एक स्थानीय रेस्तरां में एक दुर्लभ वस्तु की समीक्षा करने के लिए अधिक मूल्य है, जिसकी अमेज़न पर हजारों समीक्षाएं होने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंच पाते, हम तुलनात्मक खरीदारी के पूरे खेल में फंस गए, और इसलिए डील टाइम के साथ हमारा विलय समाप्त हो गया और हमने मैसिमन और बिजरेट के साथ प्रतिस्पर्धा की, जो शब्जिल और प्राइसिग्राव और नेक्स्टक बन गए, और इन मूल्य तुलना इंजनों का एक पूरा समूह, और हम सभी एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में फंस गए हैं और वह पूरा स्थान शून्य हो गया क्योंकि यह पता चला है कि अमेज़न ने ईटीएल को पूरी तरह से जीत लिया। इसलिए कीमत की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी, हर कोई सिर्फ अमेज़न के पास गया। लेकिन हमें घिनौना पुरस्कार मिला क्योंकि हम अपने साथियों के एक समूह के साथ एक प्रतियोगिता में फंस गए थे, जबकि वास्तव में हमें यह देखना चाहिए था कि उपभोक्ता वास्तव में क्या चाहता है और खुद के लिए प्रामाणिक होना चाहिए, जो समीक्षा थी न कि मूल्य तुलना, और अधिक से अधिक गूढ़ वस्तुओं में अधिक से अधिक चले गए जिनकी समीक्षा करने की आवश्यकता थी, जहां ग्राहकों के पास कम और कम डेटा था और अधिक बुरी तरह से समीक्षा चाहते थे। इसलिए अगर हम खुद के प्रति प्रामाणिक रहते तो हम बेहतर करते। हम अभी भी लंबी अवधि के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। उस विषय पर अगला ट्वीट है, विशिष्ट ज्ञान को उत्तोलन के साथ लागू करें और अंततः आपको वह मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। मैं उसमें भी जोड़ूंगा, निर्णय लागू करें, उत्तरदायित्व लागू करें और पढ़ने के कौशल को लागू करें। यह सिर्फ ये कहने का एक शानदार तरीका है कि इसमें समय लगता है। यहां तक कि एक बार जब आपके पास ये सभी टुकड़े हो जाते हैं, तब भी एक अनिश्चित समय होता है जिसे आपको लगाना होगा, और यदि आप गिन रहे हैं तो वास्तव में आने से पहले आपका धैर्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप इन चीजों को उचित समय दें।
जीवन लंबा है। चार्ली मुंगेर की इस पर कुछ पंक्ति थी। किसी ने उनसे पैसा बनाने के बारे में पूछा और उन्होंने उसकी फिर से व्याख्या की और उन्होंने कहा, प्रश्नकर्ता वास्तव में क्या पूछ रहा है, मैं आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ लेकिन तेजी से, इससे पहले कि मैं वास्तव में समाप्त हो जाऊँ। बूढ़ा आदमी और हर कोई इसे तुरंत चाहता है लेकिन दुनिया एक कुशल जगह है। तत्काल काम नहीं करता, आपको समय लगाना होगा, आपको घंटे लगाने होंगे और इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने आप को विशिष्ट ज्ञान के साथ, जवाबदेही के साथ, उत्तोलन के साथ, प्रामाणिक कौशल सेट के साथ स्थिति में रखना होगा कि आप जो करते हैं उसमें आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है और फिर आपको इसका आनंद लेना है और बस इसे करते रहना है और इसे करते रहना है और ट्रैक नहीं रखना है और गिनना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका समय समाप्त हो जाएगा। मैं पीछे मुड़कर अपने करियर को देख सकता हूं और दो दशक पहले जिन लोगों को मैंने प्रतिभाशाली और मेहनती के रूप में पहचाना था लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, अब वे सभी सफल हैं लगभग बिना किसी अपवाद के। पर्याप्त लंबे समय के पैमाने पर आपको भुगतान मिलता है लेकिन यह आसानी से 10 या 20 साल हो सकता है, कभी कभी यह 5 होता है और यदि यह 5 या 3 होता है और आपका कोई मित्र वहां पहुंच जाता है तो यह आपको पागल कर सकता है, लेकिन वे अपवाद हैं और प्रत्येक विजेता के लिए कई असफलताएं होती हैं। उद्यमिता में एक चीज महत्वपूर्ण है कि आपको बस एक बार सही होना है। आपको गोल पर कई शॉट मिलते हैं, आप हर 3 से 5 साल में लक्ष्य पर एक शॉट ले सकते हैं, शायद हर 10 में सबसे धीमी गति से या हर साल एक बार सबसे तेज गति से, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्टार्टअप के साथ कैसे पुनरावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको वास्तव में केवल एक बार सही होना है। मेरा छोटा समीकरण यह है कि आपका अंतिम परिणाम आपके विशिष्ट ज्ञान के समय की विशिष्टता के बराबर होगा। आप उस ज्ञान समय पर कितना लाभ उठा सकते हैं, कितनी बार आपका निर्णय सही होता है, आप परिणाम समय के लिए कितने विलक्षण रूप से जवाबदेह होते हैं, कितना समाज आप जो कर रहे हैं उसे महत्व देते हैं, और फिर आप उस सबको जोड़ते हैं कि आप इसे कितने समय तक करते रह सकते हैं और कितने समय तक आप पढ़ने और सीखने के माध्यम से इसमें सुधार कर सकते हैं। वास्तव में इसे सारांशित करने का वास्तव में एक अच्छा तरीका है, यह शायद उस समीकरण को स्केच करने की कोशिश करने लायक भी है। उसने कहा, लोग गणित को वास्तव में दर्शन शास्त्र पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैंने इसे अतीत में देखा है जहां मैं एक बात कहता हूं और फिर मैं एक और बात कहता हूं जो विरोधाभासी लगती है यदि आप इसे एक गणित समीकरण के रूप में देखते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक अलग संदर्भ में है, और तब लोग कहेंगे, ठीक है तुम कहते हो कि इच्छा दुख है, ये बौद्ध कहावत है, और फिर तुम कहते हो कि सारी महानता दुख से आती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सारी महानता इच्छा से आती है? आप केवल चरों को इधर उधर ले जाना और पूर्ण तार्किक आउटपुट बनाना शुरू नहीं कर सकते, आपको ये जानना होगा कि कम चीजें लागू करें। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना बहुत उपयोगी है, लेकिन साथ ही कोई भी इसके बारे में बहुत अधिक विश्लेषणात्मक नहीं हो सकता। यह वही है जिसे एक भौतिक विज्ञानी झूठी परिशुद्धता कहेगा। जब आप दो बनाए गए अनुमान लेते हैं और आप उन्हें 1-7 गुना करते हैं और आपको 4 डिग्री की सटीकता मिलती है तो वे दशमलव अंक वास्तव में नहीं गिने जाते हैं। आपके पास डेटा नहीं है, आपको वह ज्ञान नहीं है। एक मॉडल में आपके पास जितने अधिक अनुमानित चर होंगे मॉडल में उतनी ही अधिक त्रुटि होगी। तो बस अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक जटिलता जोड़ने से आपको वास्तव में एक बुरा जवाब मिल जाता है। बेहतर होगा कि आप केवल एक या दो सबसे बड़ी चीजों को चुनें। उदाहरण के लिए, अवलोकन के अनुसार और लोगों के अनुसार मैं वास्तव में क्या अच्छा हूं कि मुझे विश्वास है कि बाजार मूल्य है। उस अकेले की तरह अकेले वे दो चर शायद काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप इसे बनाए रखेंगे, और अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप निर्णय विकसित करेंगे, और अगर आप इसमें अच्छे हैं और आप इसे करना पसंद करते हैं तो अंततः लोग आपको संसाधन देंगे और आप जवाबदेही लेने से नहीं डरेंगे, तो अन्य सभी टुकड़े जगह में गिर जाएंगे। बाजार में पेट होना अभ्यर्थ है। यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और बाजार इसे चाहता है, 5 साल में अमीर बनने वाले व्यक्ति के बारे में कटिंग रूम के फर्श पर आपके द्वारा किए गए ट्वीट्स में से एक उन लोगों से बचना था जो जल्दी अमीर हो गए। वे आपको केवल अपने जीते हुए लॉटरी टिकट के नंबर दे रहे हैं। वैसे भी यह आम तौर पर सलाह के बारे में सच है जो कि स्कॉट एडम्स सिस्टम में वापस आ गया है, लक्ष्य नहीं। यदि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से पूछते हैं कि उनके लिए क्या काम करता है तो अक्सर ऐसा होता है जैसे वे उन चीजों के सटीक सेट को पढ़ रहे हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो आपके लिए लागू नहीं हो सकते हैं। वे केवल आपके जीते हुए लॉटरी टिकट नंबर पढ़ रहे हैं। यह एक छोटी सी धार है, उनसे कुछ सीखा जाना है, लेकिन आप केवल उनकी सटीक स्थिति को नहीं ले सकते हैं और इसे अपने आप में मैप कर सकते हैं। सबसे अच्छे संस्थापकों को मैं जानता हूं, वे सभी को सुनते और पढ़ते हैं लेकिन फिर वे सभी को अनदेखा करते हैं और अपना मन बनाते हैं। चीजों को अपनी स्थिति में कैसे लागू किया जाए इसका उनका अपना आंतरिक मॉडल है और वे जानकारी को खा सारी सलाह शून्य को रद्द कर देगी। इसलिए आपको अपना दृष्टिकोण रखना होगा और जब कुछ आपके रास्ते में भेजा जाता है तो आपको बहुत जल्दी निर्णय लेना होता है कि क्या यह सच है, क्या यह उस संदर्भ के बाहर सच है जिसमें उस व्यक्ति ने इसे लागू किया था, क्या यह मेरे संदर्भ में सत्य है, और फिर क्या मैं इसे लागू करना चाहता हूं। आपको अधिकांश सलाह को अस्वीकार करना पड़ता है लेकिन आपको यह जानने के लिए पर्याप्त सुनना और पढ़ना पड़ता है कि क्या अस्वीकार करना है और क्या स्वीकार करना है। इस पॉडकास्ट में भी आपको हर चीज की जांच करनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको सही नहीं लगती है तो उसे नीचे रख दें, उसे अलग रख दें। यदि बहुत सी बातें असत्य लगती हैं तो इस पॉडकास्ट को हटा दें।
मुझे लगता है कि सलाह लेने का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि जिस व्यक्ति ने इसे आपको दिया है वह आपको ये बताने के लिए नहीं जा रहा है कि ये कब लागू नहीं होता है। हाँ, मैं सलाह के उद्देश्य को ज्यादातर लोगों से थोड़ा अलग देखता हूँ। मैं इसे बस के रूप में देखता हूँ। उपाख्यानों और सूक्तियों को बनाने में मेरी मदद करना, जिन्हें मैं बाद में याद कर सकता हूँ जब मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव होता है और मैं कहता हूँ, आह, उस व्यक्ति का यही मतलब था। मेरे ट्वीट्स का 90% वास्तव में केवल अधिकतम है जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं, जो कि मुझे याद दिलाने के लिए छोटे मानसिक हुक हैं जब मैं फिर से उस स्थिति में हूँ, जैसे ओ, मैं वह हूँ जिसने ट्वीट किया था। अगर आप नहीं देख सकते आप जीवन भर किसी के साथ काम करते हैं तो उसके साथ एक दिन भी काम न करें। इसलिए जैसे ही मुझे पता चलता है कि यह व्यक्ति वह नहीं है जिसके साथ मैं अब से 10 साल बाद काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे खुद को उस रिश्ते से निकालना शुरू करना होगा या इसमें और अधिक प्रयास नहीं करना होगा। इसलिए मैं अपने ट्वीट्स और अन्य लोगों के ट्वीट्स का उपयोग मैक्सिम के रूप में करता हूँ, जो मेरी खुद की सीख को कम करने में मदद करते हैं और उन्हें याद करने में सक्षम होते हैं। आप जानते हैं, मस्तिष्क का स्थान परिमित है, आपके पास परिमित न्यूरॉन है, तो आप लगभग इन्हें याद रखने में मदद करने के लिए संकेत, पते, स्मरक के रूप में सोच सकते हैं। गहरे बैठे सिद्धांत, जहां आपके पास इसका समर्थन करने के लिए अंतर्निहित अनुभव है। यदि आपके पास अंतर्निहित अनुभव नहीं है तो यह केवल उदाहरणों के संग्रह की तरह पड़ता है। यह ऐसा है, यह अच्छा है, यह एक पल के लिए प्रेरणादायक है, हो सकता है कि आप इसे एक अच्छा पोस्टर बना लें लेकिन फिर आप इसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सभी आपके लिए अपने स्वयं के ज्ञान को याद रखने के लिए वास्तव में सिर्फ कॉम्पैक्ट तरीके हैं। लंबी अवधि के लिए काम करने के विषय पर आखिरी ट्वीट यह है कि जब आप अंततः धनी हो जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि यह वह नहीं था जिसे आप पहले स्थान पर खोज रहे थे, लेकिन वह दूसरे दिन के लिए है। यह अपने आप में एक बहुत घंटे का विषय है। सबसे पहले मैंने सोचा कि यह पूरी बात को समाप्त करने का एक बहुत ही चतुर तरीका था, क्योंकि यह उन लोगों के एक पूरे समूह को निरस्त कर देता है जो कहेंगे, ठीक है, तुम्हें पता है अमीर होने का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ स्टेटस सिग्नल, पूरे सिग्नल को पसंद करते हैं, वेल्थ क्रिएशन या पैसा बनाने के विचार के खिलाफ हैं। तो यह उन सभी को निरस्त करने का एक अच्छा तरीका था। लेकिन यह भी सच है कि जो चीजें आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं, हाँ, पैसा आपकी सभी पैसों की समस्याओं को हल कर देगा, लेकिन यह आपको हर जगह नहीं मिलता है। पहली बात जो आपको महसूस होती है जब आपने ढेर सारा पैसा कमाया है, तो यह है कि आप अभी भी वही व्यक्ति हैं। अगर आप खुश हैं तो आप खुश हैं, यदि आप दुखी हैं तो आप दुखी हैं, यदि आप शांत और पूर्ण और शांत हैं तो आप अभी भी वही व्यक्ति हैं। मैं बहुत से बहुत अमीर लोगों को जानता हूं जो बेहद आकार से बाहर हैं। मैं बहुत से अमीर लोगों को जानता हूं जिनका पारिवारिक जीवन वास्तव में खराब है। मैं बहुत से अमीर लोगों को जानता हूं जो आंतरिक रूप से गड़बड़ हैं। तो मैं एक और ट्वीट का सहारा लूंगा जो मैंने डाला था, जो वास्तव में जब मैं उस पर वापस सोचता हूं, मुझे लगता है कि यह मेरा पसंदीदा ट्वीट है। यह जरूरी नहीं कि सबसे अंतर्दृष्टिपूर्ण हो, यह जरूरी नहीं कि सबसे मददगार हो, यह वह भी नहीं है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं बस जब मैं इसे देखता हूँ तो वहाँ ऐसा कुछ सच होता है कि यह बस प्रतिध्वनित होता है, और वो है शांत मन, तंदुरुस्त शरीर और प्यार से भरा घर। इन चीजों को खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें अर्जित किया जाना चाहिए। भले ही आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो, आपके पास ये तीन चीजें नहीं हो सकती। जेफ बेजोस को अभी भी काम करना है, उसे अभी भी अपनी शादी या उसके अगले रिश्ते पर काम करना है, और उसकी आंतरिक मानसिक स्थिति अभी भी बहुत हद तक बाहरी घटनाओं से नियंत्रित नहीं होने वाली है। यह इस बात पर आधारित होगा कि वह अंदर से कितना शांत और शांत है। इसलिए मैं उन तीन चीजों के बारे में सोचता हूं, आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपके करीबी रिश्ते। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको विकसित करना है, और संभवतः आपको किसी भी राशि की तुलना में बहुत अधिक शांति और खुशी मिल सकती है। तो मेरा मतलब यही था। अब वहां कैसे पहुंचा जाए वास्तव में एक ट्वीट तूफान है जिसे मुझे अभी भी दूर करने की आवश्यकता है। मैं इस पर काम कर रहा हूं। मेरे पास शायद इस पर 100 ट्वीट हैं, 50 अलग अलग दिशाओं से। खासकर इन दिनों ट्विटर पर बिना हमला किए इस विषय पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे ऐसा करने में झिझक हो रही है, क्योंकि मैं इसे एक खास तरह के व्यक्ति के लिए लक्षित करना चाहता हूं। ऐसे लोगों का एक समूह है जो यह नहीं मानते कि आपकी आंतरिक स्थिति पर काम करना उपयोगी है। वे बाहरी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और वह ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, और अमीर बनने के लिए ट्वीट का तूफान इसी तरह है। ऐसे लोगों का एक समूह है जो मानते हैं कि काम करने लायक एकमात्र चीज पूर्ण मुक्ति है, जैसे कि आप बुद्ध बन जाते हैं, और वे बीच में किसी भी चीज को बेकार समझकर उस पर हमला कर देंगे। वह भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां नहीं है। इसलिए मैं जो करना चाहता हूं वह एक ट्वीट तूफान बनाना है जो उन साधारण लोगों के लिए बहुत ही व्यावहारिक सलाह है जो एक शांत आंतरिक स्थिति चाहते हैं। बस समझ, बोध, सत्य और सत्य का एक सेट है कि यदि आप उन्हें ठीक से आत्मसात करते हैं, और फिर से ये केवल उन विचारों के संकेत हैं जो आपके पास पहले से हैं और अनुभव जो आपके पास पहले से हैं, यदि आप इन्हें धीरे धीरे दिमाग में रखते हैं, लेकिन लगातार, यह आपको कुछ एहसासों के साथ मदद करेगा जो आपको एक शांत आंतरिक स्थिति की ओर ले जाएगा। मैं इसी पर काम करना चाहता हूँ। फिटनेस एक और बड़ा है, मैं वहां विशेषज्ञ नहीं हूँ। ट्विटर पर काफी अच्छे लोग हैं जो फिटनेस के मामले में मुझसे बेहतर हैं, और मुझे लगता है कि प्यार करने वाला घर और रिश्ते वास्तव में स्वचालित रूप से अन्य चीजों से अलग हो जाते हैं। अगर आपका दिमाग शांत है और अगर आपने पहले ही पैसा बना लिया है तो आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत सारे तलाक वास्तव में पैसों को लेकर होते हैं। दुर्भाग्य से ये सिर्फ इसकी वास्तविकता है। तो पैसा होने से उसका वह हिस्सा हट जाता है।
बहुत सारी बाहरी लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब आप स्वाभाविक रूप से आंतरिक रूप से शांत होते हैं तो आप कम झगड़े करने वाले होते हैं। आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अधिक प्यार करने वाले हैं और यह बाहरी संबंधों के मोर्चे पर चीजों का ध्यान रखेगा। तो पैसा आपकी पैसे की समस्याओं को हल करता है। पैसा आपको भौतिक संसार में स्वतंत्रता खरीदता है। मुझे लगता है कि वह आपके कटिंग रूम के फर्श से किया गया ट्वीट था। और पैसा आपको वह काम नहीं करने देता जो आप नहीं करना चाहते। हाँ, मेरे लिए पैसे का अंतिम उद्देश्य यह है कि आपको किसी विशिष्ट स्थान पर एक विशिष्ट समय पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आप नहीं करना चाहते हैं। हमने एक ट्वीट छोड़ दिया क्योंकि मैं दीर्घावधि के विषय पर सभी ट्वीट्स को कवर करना चाहता था। और जिस ट्वीट को हमने स्किप कर दिया वह था, जल्दी अमीर बनने की कोई योजना नहीं है, यह बस कोई और आपसे अमीर हो रहा है। यह एक कुशल स्थान होने के नाते दुनिया में वापस चला जाता है। अगर अमीर बनने का कोई आसान तरीका है तो इसका पहले ही फायदा उठाया जा चुका है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको पैसे कमाने के तरीकों और योजनाओं के बारे में विचार और योजनाएं भेजेंगे, लेकिन वे हमेशा आपको कुछ 79-95 कोर्स या कुछ ऑडियो बुक या कुछ सेमिनार भेजते हैं जो ठीक है। उनके पास स्वास्थ्य में वास्तव में अच्छी युक्तियां हो सकती हैं, लेकिन अगर वे आपको कार्रवाई योग्य उच्च गुणवत्ता वाली सलाह दे रहे हैं जो स्वीकार करती है कि ये एक कठिन यात्रा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये यथार्थवादी है। लेकिन अगर वे आपको कुछ जल्दी अमीर बनने की योजना बेच रहे हैं, चाहे वह क्रिप्टो हो या चाहे ये एक ऑनलाइन व्यवसाय या संगोष्ठी हो, वे सिर्फ आपसे पैसे कमा रहे हैं, यही उनकी ग्रेट रिच हो स्कीम है। ये जरूरी नहीं कि आपके लिए काम करेगा। इस पूरे ट्वीट स्टॉर्म और पॉडकास्ट के बारे में एक बात यह है कि हमारे यहाँ विज्ञापन नहीं है। हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं बेचते हैं, इसलिए नहीं कि मैं और पैसा कमाना नहीं चाहता। अधिक पैसा कमाना हमेशा अच्छा होता है, हम यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये उद्यम की विश्वसनीयता को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अगर मैं कह रहा हूँ हे मुझे पता है कि अमीर कैसे बनना है और मैं इसे आपको बेचने जा रहा हूँ, तो ये इसे बर्बाद कर देता है। जब मैं छोटा था और मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, तो इस विषय पर मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक वास्तव में मैक्सिम पत्रिका के संस्थापक अरबपति फेलिक्स डेनिस द्वारा हाउ टू गेट रिच कहा जाता था, जिनका निधन हो गया। और उसके पास बहुत सी बाद चीजें थी, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ अच्छी अंतर्दृष्टि भी थी। लेकिन जब भी मैं उनके द्वारा या गोदादी के संस्थापक बॉब पार्सन्स या एंड्रयू कार्नेगी द्वारा कुछ पढ़ता हूँ, तो आप उन लोगों द्वारा सामान पढ़ते हैं जो पहले से ही बहुत अमीर हैं और वे स्पष्ट रूप से पैसा कमा रहे हैं। वे पहले से ही दूसरे क्षेत्रों में अपनी दौलत बना चुके हैं, न कि हाउ टू गेट रिच लाइन को बेचकर। ओके, विश्वसनीयता है। आप बस उन पर भरोसा करें और वे आपसे पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से कुछ हैसियत और कुछ अहंकार जीतने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आपके पास कुछ करने के लिए हमेशा एक प्रेरणा होनी चाहिए, लेकिन कम से कम यह एक साफ कारण है कि वे शायद झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं। वे शायद आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, वे आपको नहीं सुन रहे हैं। किसी स्तर पर प्रत्येक संस्थापक को कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी से झूठ बोलना पड़ता है जो उनके पास होता है, जहां उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपके लिए मेरे लिए काम करना बेहतर है, बजाय इसके कि मैंने जो किया वह करें और अपने लिए काम करें। इसलिए मेरे लिए हमेशा यह मुश्किल रहा है। यही कारण है कि मैंने अपनी कंपनियों में उद्यमियों को भर्ती करने का एकमात्र ईमानदार तरीका अपनाया है, और मैं उन्हें बताता हूं आप इस कंपनी में उद्यमी बनने जा रहे हैं, और जिस दिन आप अपना अगला काम शुरू करने के लिए तैयार होंगे, मैं आपका समर्थन करने जा रहा हूं। मैं आपके द्वारा एक कंपनी शुरू करने के रास्ते में कभी नहीं आने वाला, लेकिन यह आपके लिए सीखने का एक अच्छा स्थान हो सकता है कि एक अच्छी टीम कैसे बनाई जाए और एक अच्छी संस्कृति कैसे बनाई जाए, अपने कौशल को पूर्ण करने के लिए बाजार में उपयुक्त उत्पाद कैसे खोजें, और जब आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं यह पता लगाने के दौरान कुछ अद्भुत लोगों से मिले। क्योंकि कंपनी शुरू करते समय पोजिशनिंग, टाइमिंग, विचार विमर्श बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो मैं कभी नहीं कर पाया वो यह है कि मैं उनके चेहरे को देखूं और कहूं, आपको अपनी डेस्क पर सुबह 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे तक अपनी डेस्क पर नहीं पहुंचूंगा। मैं अपनी आजादी चाहता हूं, या उनसे कहूं कि आप आज एक निर्देशक होने के नाते महान हैं और आप कल वीपी बनेंगे। तुम्हें पता है उन्हें उस करियर पथ ट्रैक में डाल दिया, क्योंकि मैं खुद इस पर विश्वास नहीं करता। अगर कोई अमीर बनने की सलाह दे रहा है और उससे पैसा भी कमा रहा है, तो उसे अपना पैसा कहीं और लगाना चाहिए था। जैसे आप किसी मोटे व्यक्ति से फिट रहना नहीं सीखना चाहते, आप एक उदास व्यक्ति से खुश रहना नहीं सीखना चाहते, इसलिए आप किसी गरीब व्यक्ति से अमीर बनना नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से अमीर बनना नहीं सीखना चाहते हैं जो लोगों को अमीर बनने का तरीका बताकर अपना पैसा बनाता है। यह संदिग्ध है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो वास्तव में अमीर बनने के लिए किसी गुरु की सलाह का पालन करते हुए अमीर बन गया है, तो बस याद रखें कि किसी भी यादृच्छिक प्रक्रिया में यदि आप इसे काफी लंबे समय तक चलाते हैं और यदि पर्याप्त लोग इसमें भाग लेते हैं, तो आपको प्रायिकता के साथ हमेशा हर एक संभव परिणाम मिलेगा। इसमें बहुत सी यादृच्छिक त्रुटि है, और फिर यही कारण है कि निजी कंपनियों के बारे में बात करते समय आपको व्यावसायिक पत्रकारों और अर्थशास्त्री शिक्षाविदों को पूरी तरह से अनदेखा करना पड़ता है। मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन जैसे जब एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिटकॉइन पर चर्चा करता है, या जब एक व्यावसायिक पत्रकार आईपीओ लाने वाली नवीनतम कंपनी पर हमला करता है, तो यह पूरी तरह से बकवास है। उन लोगों ने कभी कुछ नहीं बनाया, वे पेशेवर आलोचक हैं। पैसा कमाने के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, जानते हैं क्या कैसे जाती है और रिच कैसे प्राप्त है, और आप उन्हें पढ़कर सचमुच मूर्ख बनते जा रहे हैं। आप न्यूरॉन्स जला रहे हैं। मैं आपको नसीम तालेब के एक उदाहरण के साथ छोड़ता हूं जो मुझे पसंद आया, जहां उन्होंने कहा, यदि आप एक दार्शनिक राजा बनना चाहते हैं तो पहले एक राजा बने और फिर एक दार्शनिक बने, न कि पहले एक दार्शनिक बने और फिर एक राजा बने।
मुझे खुशी है कि आपने तलेब का जिक्र किया, क्योंकि मैं यह कहकर इसे समाप्त करने जा रहा था कि बस उनकी पहली पुस्तक का शीर्षक याद रखें जो कि रैंडमनेस द्वारा मूर्ख है। इस पॉडकास्ट में हमारे थोड़ा अस्पष्ट होने का एक कारण यह है कि हम आपको कल से जीतने वाली लॉटरी टिकट संख्या देने के विपरीत उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कालातीत हैं। आपने इस पूरे ट्वीट तूफान को दो शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया है, खुद को प्रोडक्टाइज करें। प्रोडक्टाइज और अपने आप को, अपने आप में विशिष्टता है। प्रोडक्टाइज का उत्तोलन है, खुद की जवाबदेही है। प्रोडक्टाइज को विशिष्ट ज्ञान है, स्वयं को भी वहां का विशिष्ट ज्ञान है। तो इन सभी टुकड़ों को आप इन दो शब्दों में जोड़ सकते हैं। जब भी आप व्यवसाय में कुछ भी कर रहे हों, यदि आप लंबे समय तक अमीर बनने की ओर देख रहे हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए प्रामाणिक है। क्या यह स्वयं है कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और फिर क्या मैं इसे उत्पादित कर रहा हूं, क्या मैं इसे बढ़ा रहा हूं, क्या मैं श्रम के साथ या पूंजी के साथ या कोड के साथ स्केलिंग कर रहा हूं या मीडिया के साथ। तो ये एक बहुत ही आसान सरल स्मरक है। मेरा मतलब है, ये पॉडकास्ट क्या है? ये निवल नाम का पॉडकास्ट है। मैं वास्तव में खुद को पॉडकास्ट के साथ प्रोडक्टाइज कर रहा हूं। आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आप किसमें विशिष्ट रूप से अच्छे हैं या आप विशिष्ट रूप से क्या हैं, और जितना संभव हो उतना लाभ उठाएं। तो पैसा कमाना कुछ ऐसा भी नहीं है जो आप करते हैं। यह कोई कौशल नहीं है, यह वह है जिसे आप 1,00,000 बार मोहर लगाते हैं। पैसा कमाना आपकी पहचान का कार्य होना चाहिए और आप क्या करना पसंद करते हैं। एक और ट्वीट जो मुझे बहुत पसंद आया हुआ था, ये मेरा नहीं था, किसी और ने लगा दिया। ठीक ठीक, मैंने कहा कि 3 शौक खोजो, एक जो आपको पैसा बनाता है, एक जो आपको फिट रखता है और एक जो आपको रचनात्मक बनाता है। मैं इसे थोड़ा बदल दूंगा, तो मैं कहूंगा कि एक जो आपको पैसा बनाता है, एक जो आपको फिट बनाता है और एक जो आपको स्मार्ट बनाता है। तो मेरे मामले में मेरे शौक पढ़ना पैसा कमाना होगा। मुझे स्टार्टअप्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, या तो उन्हें निवेश करना, उन्हें मंथन करना, उन्हें शुरू करना। मुझे स्टार्टअप्स के आसपास के उस विचार और प्रारंभिक निर्माण चरण से प्यार है, और फिर उस शौक पर जो आपको फिट रखता है। मेरे पास सबसे करीबी चीज योग है, लेकिन यहीं पर मैं अलग हो गया। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को अपने जीवन की शुरुआत में ही सर्फिंग या तैराकी या टेनिस या कुछ ऐसे खेल का पता चलता है जो वे अपने जीवन भर जारी रखते हैं, वे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा शौक मिला है जो उन्हें फिट बना देगा। हमने ट्वीट तूफान पर चर्चा समाप्त कर दी है और हम प्रश्नोत्तर पर कुछ समय बिताने जा रहे हैं और कटिंग रूम के फर्श पर कुछ ऐसे ट्वीट्स पर चर्चा कर रहे हैं जो ट्वीट तूफान में नहीं आए। मेरा पहला सवाल है, क्या आपको लगता है कि कुछ सामान्य विफलता मोड़ या सामान्य चीजें हैं जो लोग गलत करते हैं जब वे इस सलाह को लागू करने का प्रयास कर रहे होते हैं? बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि वास्तव में विशिष्ट ज्ञान क्या है या इसे कैसे प्राप्त करें। लोग ये नहीं समझते हैं कि वास्तव में जवाबदेही क्या होती है। वे सोचते हैं कि उत्तरदायित्व का अर्थ सफलतापूर्वक जवाबदेह होना है। नहीं, इसका मतलब है कि आपको अपनी गर्दन बाहर रखनी होगी और सार्वजनिक रूप से अपने नाम के साथ असफल होना होगा और लोगों को आपसे नफरत करने के लिए तैयार रहना होगा। हाल ही में ट्विटर पर मेरे कम सक्रिय होने का एक कारण यह है कि प्रत्येक ट्वीट नाइट पिकर्स और नफरत करने वालों की एक सेना को बुलाता है और यह समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर आपको यह सीखना होगा कि उन्हें कैसे नजरअंदाज कराएं, अन्यथा आप ट्विटर पर जीवित नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग इसे इस तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं, मुझे अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ देनी चाहिए या नहीं। ये बहुत कठिन फैसला हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको उस तरह पहुंचने की जरूरत है। आप अपने मौजूदा करियर के भीतर भी जवाबदेही और उत्तोलन और विशिष्ट ज्ञान को लागू करना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से अलग हो और पूरी तरह से कुछ और करे। बहुत सारे लोग इसे अपने मौजूदा पूर्वाग्रहों से सहमत और असहमत होने के तरीके के रूप में उपयोग करेंगे। वे कहेंगे, अरे हाँ, मैं उस हिस्से या उस हिस्से से सहमत हूँ, तुम पूरी तरह से गलत हो। सबसे दिलचस्प हिस्से वे होने चाहिए जिनसे आप असहमत हों, क्योंकि मैंने साफ तौर पर साबित कर दिया है कि मैं कुछ चीजें जानता हूँ। इसलिए अगर आप इससे असहमत हैं, तो शायद यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी सोच को सुधार सकते हैं। मैंने हर समय अपनी सोच में निश्चित रूप से सुधार किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्वीट तूफान में मैंने न्यूनतम व्यवहार्य सिद्धांतों को नीचे रखा है। पैसा बनाने के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है, मैंने उसे नीचे नहीं रखा, क्योंकि इसका 90% संदिग्ध है। मैंने आधार नीचे रखा, वह सामान जिसके बारे में मुझे बहुत यकीन है। और मैंने अभी तक ऐसा कोई ट्वीट नहीं देखा है जिसने इस ट्वीट तूफान में किसी भी चीज का सफलतापूर्वक खंडन किया हो जिससे मैं कहूं, अरे हाँ, मुझे वह गलत लगा। मुझे लगता है कि एक और जगह जहां लोगों को थोड़ी सी छूट मिलती है, क्या वे इसे देखते हैं और वे कहते हैं, ठीक है, यह केवल तकनीकी उद्यमियों पर लागू होता है। मैं असहमत हूं। अचल संपत्ति के बारे में मैंने जो उदाहरण दिया वह उस संबंध में अच्छा था। यह उत्तोलन की प्रकृति है कि तकनीक उत्तोलन को चलाती है। तो मैं आपको तकनीकी दिशा में धकेलने जा रहा हूं ताकि तकनीक में उपलब्ध मुफ्त उत्तोलन प्राप्त किया जा सके। और जाहिर तौर पर यह संदेश इंटरनेट के जरिए दिया जा रहा है, तो यह एक समर्थक इंटरनेट पूर्वाग्रह होने जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि यह उन लोगों के लिए अनुचित है जिनके पास ये अवसर नहीं है। वे उन अवसरों के साथ कुछ भी करते हैं जो उनके पास हैं। उस पराजयवादी रवैये के साथ सुबह बिस्तर से उठना भी क्यों? 90% लोग मर चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक गलत प्रतिदिन पर जी रहे हैं। क्या आप एक गलत प्रतिदिन रहते हैं? नहीं, यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार किस प्रकार निपटा जा रहा है। और फिर आप उस हाथ से जीत बर्तन ले सकते हैं और दुनिया को ठीक करने के लिए आप जो चाहें कर सकते हैं।
लेकिन यह कहना कि आपको चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे चीजें नहीं कर सकते हैं, इनकार में जी रहे हैं, कुछ न करने का बहाना है। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि धन सृजन मौलिक रूप से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह के विपरीत है, और वे पूरी चीज को एक विशाल शून्य राशि के खेल के रूप में देखते हैं। यह भी एक झूठा आख्यान है। एलोन मस्क पर्यावरण के साथ शून्य राशि का खेल नहीं खेल रहे हैं, और बहुत सारे उद्यमी हैं जो नहीं है। यदि कुछ है तो एक शब्द है जो पर्यावरणविदों को पसंद है, जो कि स्थिरता है, और लाभ के लिए व्यवसाय कम से कम वित्तीय रूप से टिकाऊ है, अगर कुछ और नहीं। आप एक बी कॉर्प कर सकते हैं जिसका दोहरा मिशन है। बहुत सारे गैर लाभकारी प्रयासों को वास्तव में लाभकारी कंपनियों द्वारा बेहतर सेवा दी जाएगी, क्योंकि तब उन्हें हर समय अनुदान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वे आर्थिक रूप से टिकाऊ होंगे। कुछ महान संस्थापक व्यवसाय चलाकर अपने परोपकारी दृष्टिकोण को साकार करते हैं। यह सलाह किसको लक्षित है? क्या यह मेरे लिफ्ट ड्राइवर के लिए है? क्या यह एक इंटरनेट उद्यमी के लिए है? क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है? क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जो सिलिकॉन वैली और टेक कंपनियों में डूबा हुआ है। यह हमेशा उसके प्रति पूर्वाग्रह रखने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि यह किसी के लिए भी अच्छा है जो उद्यमी बनना चाहता है, कोई भी जो अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, कोई भी जो निश्चित रूप से और समय के साथ संपत्ति बनाने की अपनी क्षमता में सुधार करना चाहता है, धैर्यवान है और लंबी दौड़ की तलाश में है। निश्चित रूप से यदि आप 80 वर्ष के हैं, सेवानिवृत्त हैं, ऊर्जा से बाहर चल रहे हैं, तो आपको शायद सेवानिवृत्त ही रहना चाहिए। लेकिन 80 साल के लोग भी हैं जिनमें बहुत ऊर्जा है और वे कुछ नया करना चाहते हैं और भविष्य के लिए जीना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक युवा व्यक्ति पर बहुत आसानी से लागू हो सकता है। मैं 9-10 साल और ऊपर कहूंगा। सबसे कठिन शायद मध्यम आयु वर्ग का है, क्योंकि जब हम अपने 30, 40, 50 के दशक में होते हैं तो हमारे पास पहले से ही बहुत निवेश होता है। हमारे बहुत सारे दायित्व हैं, क्योंकि उन वर्षों में हम कमा रहे हैं और लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम आज तक जो करते आ रहे हैं उसमें हार नहीं मानना चाहते। लेकिन वही यह वास्तव में सबसे अधिक फलदायी हो सकता है। यह सबसे कठिन धुरी हो सकती है। आपके पास 9 से 5 की नौकरी है, आपके भरोसे एक परिवार है, और इसलिए ऐसा लग सकता है कि इस पॉडकास्ट की चीजें बहुत अधिक आदर्शवादी हैं, लेकिन हो सकता है कि यह आपके सप्ताहांत परियोजनाओं को सूचित कर सके। हो सकता है कि यह आपकी आत्मशिक्षा को सूचित कर सके जो आप रात में इंटरनेट पर करते हैं। शायद यह सूचित कर सकता है कि आप जिस कंपनी में हैं उसमें आप कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं, क्योंकि वे आपको उत्तोलन के बिंदुओं, निर्णय के बिंदुओं या उन बिंदुओं के करीब और करीब ले जाते हैं जहां आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं और आप प्रामाणिक हैं। यह आपको अधिक जवाबदेही लेने का कारण बन सकता है। यहां तक कि टुकड़ों में लागू किए जाने पर भी ये सिद्धांत आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, चाहे आप सेवानिवृत्ति से पहले जीवन के किसी भी स्तर पर हों। और यदि आप सेवानिवृत्ति में हैं तो बस उनका परीक्षण करके देखें कि क्या वे सच हैं, और फिर उन्हें अपने बच्चों या अपने पोते-पोती को सिखाएं। भाग लेने के कई अलग अलग तरीके हैं। यह वास्तव में लगभग हर उस व्यक्ति पर लागू होना चाहिए जिसके पास पूर्ण शरीर है, स्वस्थ दिमाग है और जो काम करना चाहता है। मुझे लगता है कि सलाह को लागू करने का एक तरीका यह देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है। मूल्य श्रृंखला को देखें, देखें कि आपके ऊपर कौन है और उनसे ऊपर कौन है, और देखें कि वे उस समय का लाभ कैसे उठा रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं और वे इसका लाभ कैसे उठा रहे हैं। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा करते हैं कि वे कॉरपोरेट सीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह ज्यादातर अन्य लोगों को प्रबंधित करने के बारे में है। और आप वास्तव में जो करना चाहते हैं वह अधिक पूंजी, उत्पादों, मीडिया और समुदाय का प्रबंधन करना है। लोग अपने संगठन में सीढ़ी के ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते हैं कि अक्सर एक अलग संगठन में जाने या अधिक लाभ उठाने के लिए अपना स्वयं का संगठन बनाने के बारे में सोचते हैं। सामान्य तौर पर 37 परिबस समान अन्य सभी चीजों के लिए फैंसी लैटिन शब्द आप एक बड़े संगठन की तुलना में एक छोटे संगठन में बेहतर करेंगे। आपके पास अधिक उत्तरदायित्व होगा, यह अधिक दिखाई देगा, आप उस चीज को खोजने के लिए कई चीजों पर प्रयास करने में सक्षम होंगे जो आप विशिष्ट रूप से अच्छे हैं। युद्ध के मैदान में पदोन्नति के माध्यम से लोग आपको लाभ देने की अधिक संभावना रखते हैं। आपके पास अधिक लचीलापन होगा, कंपनी कैसे काम करती है इसके बारे में अधिक प्रामाणिकता होगी। एक कैरियर के लिए एक अच्छी प्रगति एक बड़ी कंपनी में शुरू होती है और फिर उत्तरोत्तर छोटी और छोटी कंपनियों की ओर बढ़ती है। एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी कंपनियां राजनीति के बारे में अधिक और योग्यता के बारे में कम होती हैं। वे अधिक स्थिर हैं, लेकिन वे कम नवीन स्थितियां हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि यदि हम सभी धनी हैं तो हम सभी अपने लिए काम कर रहे हैं, और जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं वे अनिवार्य रूप से रोबोट हैं। और आज डेटा केंद्रों में सॉफ्टवेयर रोबोट कोड निष्पादित कर रहे हैं, कल ये डिलीवरी बॉट्स, फ्लाइंग बॉट्स, मैकेनिकल बॉट्स हो सकते हैं जो चीजों को इधर उधर ले जा रहे हैं। यह सबसे अच्छे रिश्तों या साथियों के रिश्तों के इस विचार पर वापस जाता है। अगर आपके ऊपर कोई है तो वह कोई है जिसे सीखना है। अगर आप उनसे नहीं सीख रहे हैं और सुधार नहीं कर रहे हैं तो आपसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपके नीचे कोई है तो यह इसलिए है क्योंकि आप उन्हें सिखा रहे हैं और उन्हें सक्षम कर रहे हैं। यदि आप उन्हें पढ़ा नहीं रहे हैं और उन्हें सक्षम नहीं कर रहे हैं तो नीचे एक रोबोट प्राप्त करें। आपको अपने से नीचे के इंसान की जरूरत नहीं है।
यह यूटोपियन है और यह बहुत दूर है, लेकिन भविष्य में बहुत दूर नहीं है। जो कोई भी अपने लिए काम करना चाहता है वह अपने लिए काम करने में सक्षम होगा। आपको अन्य बलिदान करने पड़ सकते हैं, आपको अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है, आपको अधिक जवाबदेही लेनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपकी स्थिर आय कम हो, लेकिन अधिक से अधिक। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी यह महसूस कर रही है कि अगर वे काम करने जा रहे हैं तो वे अपने लिए काम करने वाले हैं। आपने अपने एक ट्वीट में प्रोग्रामिंग, सेल्स, रीडिंग, राइटिंग, अंकगणित जैसी कुछ चीजों को सूचीबद्ध किया है जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए। कटिंग रूम के फर्श पर समाप्त होने वाली वस्तुओं में से एक यह थी कि आपको नैतिकता का भी अध्ययन करना चाहिए। मैं मूल रूप से इसे उन लोगों के लिए एक रियायत के रूप में रखने वाला था जो मानते हैं कि पैसा कमाना बुराई है और इसे बनाने का एकमात्र तरीका बुराई है। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि जरूरी नहीं कि आप नैतिकता का अध्ययन करें। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सोचते हैं और ये कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। हम में से प्रत्येक का एक व्यक्तिगत नैतिक कोड होता है और आपको वह नैतिक कोड कहां से मिला है ये सभी के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पिटपोता इशारा करता हूं। जरूर मैं आपको कुछ रोमन और ग्रीक ग्रंथों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन यह अचानक आपको नैतिक नहीं बना देगा। सुनहरा नियम है ना, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। या नसीम तालेब का चांदी का नियम है, जो दूसरों के साथ वह मत करो जो तुम नहीं चाहते कि वे तुम्हारे साथ करें। एक बार जब आप काफी लंबे समय से व्यवसाय में हैं, तो आपको एहसास होगा कि विश्वास के बारे में कितना व्यवसाय है, और यह भरोसे के बारे में है क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज चाहते हैं। आप भरोसेमंद लोगों के साथ लंबे समय तक काम करने में सक्षम होना चाहते हैं, हर चर्चा का पुनः मूल्यांकन किए बिना, हर बार पुनः विचार किए बिना और लगातार अपने कंधे को देखे बिना। और इसलिए समय के साथ आप कुछ खास प्रकार के लोगों के साथ काम करने की ओर आकर्षित होते हैं, और इसी तरह वे लोग अन्य लोगों के साथ काम करने की ओर प्रवृत्त होंगे। नैतिक उद्धरण अनकोट लोग, इसलिए नैतिक होना एक स्वार्थी अनिवार्यता बन जाती है। आप नैतिक होना चाहते हैं क्योंकि यह नेटवर्क में अन्य दीर्घकालिक खिलाड़ियों को आकर्षित करता है और फिर वे आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। और यदि आप नैतिक होने के लिए एक अच्छी पर्याप्त प्रतिष्ठा बनाते हैं तो अंततः लोग आपको केवल आपके माध्यम से सौदे करने के लिए भुगतान करेंगे, क्योंकि आप वह हैं जो आपकी उपस्थिति से सौदों को मान्य और सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप निम्न गुणवत्ता के साथ शामिल नहीं होंगे सामग्री। इसलिए नैतिक होना वास्तव में लंबे समय में भुगतान करता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक चलने वाला अनैतिक भुगतान है। यही कारण है कि इतने सारे लोग इसके लिए जाते हैं। यह एक लालची एल्गोरिथम है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नैतिक हो सकते हैं क्योंकि आप लंबे समय से लालची हैं। और मैं दीर्घकालीन स्वार्थ के विचार के आधार पर तथाकथित नैतिकता के विभिन्न भागों के लिए एक रूपरेखा भी तैयार कर सकता हूं। उदाहरण के लिए आप ईमानदार होना चाहते हैं क्योंकि यह आपको एक स्पष्ट दिमाग के साथ छोड़ देता है। आपके सिर में दो धागे नहीं चल रहे हैं, एक झूठ है जिसे आपने ट्रैक रखने के लिए कहा था और दूसरा वह है जो आप कह रहे हैं। आपको बस एक बार में एक ही चीज के बारे में सोचना है, तो आपके पास उस चीज के बारे में सोचने के लिए और अधिक ऊर्जा है, तो आप एक स्पष्ट विचारक हैं। साथ ही ईमानदार होकर आप उन लोगों को अस्वीकार कर रहे हैं जो केवल सुंदर झूठ सुनना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को अपने नेटवर्क से बाहर कर देते हैं। और कभी कभी यह दर्दनाक होता है दोस्तों और परिवार की तरह, लेकिन लंबे समय में आप उन लोगों के लिए जगह बनाते हैं जो आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। तो यह ईमानदार होने का एक स्वार्थी कारण है। उदाहरण के लिए बातचीत में यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा सौदा पाने की कोशिश करता है, तो आप बहुत जल्दी सौदे जीतेंगे और यह बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो यह पहचानेंगे कि आप हमेशा झगड़ते रहते हैं और निष्पक्षता से काम नहीं करते, और वे आपसे बचने लगेंगे। समय के साथ वे लोग नेटवर्क में डीलमेकर बन जाते हैं क्योंकि लोग उनके पास उचित शेक के लिए जाते हैं या यह पता लगाने के लिए कि क्या उचित है। और इसलिए यदि आप लोगों के साथ उचित सौदे कर रहे हैं तो आपको अल्पावधि में भुगतान नहीं मिलता है, लेकिन दीर्घावधि में हर कोई आपके साथ सौदा करना चाहता है, आपके कार्यों के दीर्घकालिक परिणाम। और इसलिए जितनी लंबी अवधि के लिए आप देखने को तैयार हैं, उतने ही समझदार आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रतीत होंगे। जेफ्री, क्या आप हमें कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में बताना चाहते हैं जो आपके पास एक युवा के रूप में थी, और विशिष्ट नौकरी जिसने धन बनाने के आपके कट्टर जुनून को लात मार दी? यारून रोल यह थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता है और मैं विनम्र शेखी बघाड़ना नहीं चाहता। ट्विटर पर कुछ थ्रेड चल रहा था जैसे आपके पास 5 नौकरियों के नाम, और वहां पर हर अमीर व्यक्ति यह संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि वे सामान्य नौकरियों की तरह कैसे हैं। इसलिए मैं वह खेल नहीं खेलना चाहता। मैंने कई नौकरियां की हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास यह मुझसे भी बेहतर था, जिन लोगों के पास यह मुझसे बेहतर था। एक जगह पर मैं स्कूल के कैफेटेरिया में बर्तन धो रहा था और मैंने कहा, इसे ठीक करो, मुझे इससे नफरत है, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर से बात करता हूं जो एल्गोरिदम में टीए की सीएस कक्षा में मदद करता है, जबकि मैं खुद इसके लिए पूरी तरह से अयोग्य था। और इसलिए इसने मुझे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम सीखने के लिए मजबूर किया ताकि मैं बाकी कोर्स में टीए कर सकूं। लेकिन वह इच्छा कॉलेज के कैफेटेरिया में बर्तन धोने की पीड़ा से निकली, जिसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कुछ भी गलत है। वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं था। मुझे मजा नहीं आया। मेरे पास एक सक्रिय दिमाग था और मैं अपना पैसा कमाना चाहता था और अपना जीवन मानसिक गतिविधियों के माध्यम से कमाना चाहता था, न कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। लेकिन कभी कभी आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए गलत काम करने का कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने कुछ समय के लिए एक लॉ फर्म में काम किया जो न्यूयॉर्क शहर की एक बड़ी प्रतिष्ठित लॉ फर्म है।
मेरे पास वहाँ एक बड़ी इंटर्नशिप थी और मुझे मूल रूप से दिन में यूजनेट सर्फिंग के लिए निकाल दिया गया था। यह पहले इंटरनेट एक बड़ी बात थी। यूजनेट समाचार समूह था और मेरे लिए पूरी तरह से उबने से बचने का यही एकमात्र तरीका था। और मैं एक टाई और सूट पहने एक अधिक भुगतान वाला व्यक्ति था और मुझे सम्मेलन कक्ष में घूमना पड़ता था जहां वकीलों को फोटोकॉपी की आवश्यकता होती थी। मैं फोटोकॉपी बनाऊंगा और इस बीच मैं अपनी खोपड़ी से उब जाऊंगा। हम सभी को अंतहीन बोरियत से बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को भगवान का धन्यवाद। लेकिन मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल या ऐसी कोई भी चीज पढ़ता था जो मुझे मिल सकती थी। मैं सिर्फ पागल होने से बचने के लिए एक ब्रोशर के पीछे पढ़ूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वकीलों के समूह को सुनना एक बड़े अनुबंध में मिनट के विवरण को अनुकूलित करने के तरीके पर चर्चा करना वास्तव में सुस्त है। और वे मुझ पर पागल हो गए क्योंकि वे चाहते थे कि मैं चुपचाप वहां बैठूं और वॉल स्ट्रीट न पढ़ूं। उन्होंने कहा यह रिश्ता है, यह दुविधा है। इसलिए मुझे फोन किया गया और कई बार फटकार लगाई गई और फिर मुझे अंत में समाप्त कर दिया गया और मुझे मेरी बहुत प्रतिष्ठित इंटर्नशिप से जल्दी ही शर्म के मारे घर भेज दिया गया, जिससे लॉ स्कूल जाने का मेरा मौका नष्ट हो गया और मैं पूरे एक घंटे के लिए दुखी था। लेकिन आखिरकार यह मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है, क्योंकि तब मैं एक वकील के रूप में समाप्त होता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वकीलों के खिलाफ कुछ है, लेकिन यह वह नहीं है जो मुझे करना चाहिए था। आपने कुछ समय पहले केटरिंग जॉब का उल्लेख किया था जिसने वास्तव में पूरे जुनून को दूर कर दिया था। यह ईर्ष्या की बात थी। जब मैं हाई स्कूल में था, कॉलेज में अपने पहले सेमेस्टर के भुगतान के लिए मुझे कुछ पैसे कमाने थे और मुझे नौकरी मिलनी थी। ये 1990-1991 की समय सीमा की गर्मी थी, तो ये बुश वरिष्ठ मंदी थी। अगर कोई जीवित व्यक्ति ये याद रखता है तो वास्तव में नौकरी पाना वास्तव में कठिन था। इसलिए मैंने एक भारतीय खाद्य खानपान कंपनी के लिए काम करना समाप्त कर दिया और मुझे एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में सेवा करनी पड़ी जो वास्तव में मेरे स्कूल में था। तो मैंने अपने सहपाठियों को देखा और मैं वहां बाहर उन्हें खाना पीना परोस रहा था और यह अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक था। मैं वहीं छिपकर मरना चाहता था। लेकिन आप जानते हैं कि क्या, यह सब योजना का हिस्सा है, यह सब प्रेरणा का हिस्सा है। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उतना प्रेरित नहीं होता और मैं उतना सफल नहीं होता। तो यह सब ठीक है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत प्रेरक था। इस लिहाज से ईर्ष्या उपयोगी हो सकती है। ईर्ष्या आपको जिंदा भी खा सकती है यदि आप इसे अपने पूरे जीवन का पालन करने दें। लेकिन आपके जीवन में ऐसे बिंदु हैं जहां यह एक बहुत शक्तिशाली बूस्टर रॉकेट हो सकता है। हमने पहले एक ऐसे व्यवसाय मॉडल को चुनने के बारे में बात की थी जिसमें पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, नेटवर्क प्रभावों, प्रतिकृति की शून्य सीमांत लागत का लाभ उठाया गया हो। कटिंग रूम के फर्श पर कुछ अन्य विचार थे जिन पर मैं आपके साथ विचार करना चाहता हूं। पहली प्रधान एजेंट समस्या थी। तो मानसिक मॉडल सभी गुस्से में है, मेंटल मॉडल्स को अपनाकर हर कोई स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि मानसिक मॉडल दिलचस्प है, लेकिन मैं मानसिक मॉडल चेकलिस्ट के संदर्भ में स्पष्ट रूप से नहीं सोचता। मुझे पता है कि चार्ली मुंगेर करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं उन कुछ पाठों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मैंने जीवन में बार बार सीखे हैं, जो मुझे लगता है कि अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है और लगभग सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। एक जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आता रहता है, क्योंकि जैसा कि हमने स्थापित किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वास्तव में समय बिताने के लायक नहीं है, जिसे प्रमुख एजेंट समस्या कहा जाता है। इस मामले में प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल है, PLE नहीं। तो यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसका आप अनुसरण करते हैं। यह एक प्रिंसिपल है जो एक व्यक्ति है। एक प्रिंसिपल एक मालिक होता है और एक एजेंट वह व्यक्ति होता है जो मालिक के लिए काम करता है। तो आप इसे एक कर्मचारी के रूप में सोच सकते हैं, एक संस्थापक और एक कर्मचारी के बीच का अंतर। मैं इसे एक प्रसिद्ध उदाहरण द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता हूं, जो या तो नेपोलियन द्वारा कहा गया था या जूलियस सीजर द्वारा। यह आमतौर पर किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो जाएं, नहीं तो भेजो। जो कह रहा है, यदि आप कुछ सही करना चाहते हैं तो इसे स्वयं करें, क्योंकि अन्य लोग पर्याप्त परवाह नहीं करते हैं। अब प्रिंसिपल एजेंट की समस्या हर जगह सामने आ गई है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जिस तरह से वे इसकी विशेषता बताने की कोशिश करते हैं वह यह है कि प्रिंसिपल के प्रोत्साहन एजेंट के प्रोत्साहन से अलग होते हैं। इसलिए व्यवसाय का स्वामी चाहता है कि व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा क्या हो और वह सबसे अधिक पैसा कमाएगा। एजेंट आमतौर पर वही चाहता है जो प्रिंसिपल को अच्छा लगे, या हो सकता है कि वह पड़ोस में या व्यवसाय में उन्हें सबसे अधिक दोस्त बना दे या उन्हें व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पैसा कमा सकता है। आप सार्वजनिक कंपनियों को चलाने वाले भाड़े के गन CEO के साथ इसे बहुत कुछ देखते हैं, जहां सार्वजनिक कंपनी का स्वामित्व इतने व्यापक रूप से वितरित किया जाता है कि कोई मूलधन शेष नहीं है। तो कोई भी कंपनी के 1% से अधिक का मालिक नहीं है, CEO चार्ज लेता है, बोर्ड को अपने दोस्तों के साथ भरता है और फिर खुद को कम कीमत वाले स्टॉक विकल्प जारी करना या बहुत सारे स्टॉक बायबैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनका मुआवजा सीधे स्टॉक से जुड़ा होता है कीमत। इसलिए एजेंटों के पास हैकिंग सिस्टम का एक तरीका है। यह वही है जो प्रोत्साहन डिजाइन को इतना कठिन बना देता है। जैसा कि चार्ली मुंगेर कहते हैं, यदि आप प्रोत्साहन पर काम कर सकते हैं तो किसी और चीज पर काम न करें। लगभग सभी मानवीय व्यवहारों को प्रोत्साहनों द्वारा समझाया जा सकता है। संकेतों और संकेतों का अध्ययन यह देख रहा है कि लोग जो कहते हैं उसके बावजूद क्या करते हैं। लोग अपने शब्दों की तुलना में अपने कार्यों के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं। लोगों को सही ढंग से व्यवहार करने के लिए आपको सही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही कठिन समस्या है, क्योंकि अच्छे लोग विशुद्ध रूप से संयोग से संचालित नहीं होते हैं। वे सिर्फ पैसे की तलाश में नहीं है, वे जो कुछ भी करते हैं उसमें स्थिति या अर्थ जैसी अन्य चीजों की भी तलाश कर रहे हैं।
प्रिंसिपल एजेंट समस्या वह है जो एक व्यवसाय के स्वामी के रूप में आप हमेशा यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को अपने जैसा कैसे सोचूं, मैं उन्हें कैसे प्रोत्साहित करूं, मैं उन्हें संस्थापक मानसिकता कैसे दूं। और मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से सराहना करने के लिए एक संस्थापक होना चाहिए कि यह संस्थापक मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है और प्रिंसिपल एजेंट की समस्या कितनी कठिन और जटिल समस्या है। मैं आपसे क्या कहूंगा कि यदि आप एक प्रधानाचार्य हैं तो आप अनिवार्य रूप से इस समस्या के बारे में सोचने में अपना बहुत समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट को लेना चाहते हैं और आप स्वामित्व और प्रोत्साहन के मामले में उनके साथ बहुत उदार होना चाहते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो, क्योंकि समय के साथ वे करेंगे और आप चाहते हैं कि वे आपके साथ गठबंधन करें कि वे कैसे काम करते हैं। जब आप व्यापारिक सौदे करते हैं तो एक गठबंधन साझेदारी करना बेहतर होता है, जहां आप दोनों को एक साझेदारी की तुलना में समान प्रोत्साहन मिलता है, जहां आपको सौदे में लाभ मिलता है। आपने इस तरह से बातचीत की है कि आपको लेन देन का बेहतर अंत मिल गया है, क्योंकि अंततः दूसरा व्यक्ति इसका पता लगा लेगा या वे गलत तरीके से जुड़ जाएंगे और साझेदारी टूट जाएगी। किसी भी तरह से ये उन चीजों में से एक नहीं होने जा रहा है जिसमें आप दशकों से चक्रवृद्धि ब्याज के लाभों के साथ निवेश कर सकते हैं। अंत में, यदि आप एक वर्तमान भूमिका में हैं जहां आप एक एजेंट हैं, आप एक कर्मचारी हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम एक प्रिंसिपल की तरह सोचना है। जितना अधिक आप एक प्रिंसिपल की तरह सोच सकते हैं उतना ही बेहतर होगा कि आप लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि यह आपको प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे एक प्रिंसिपल को लॉन्ग टर्म बनाया जाए और आखिरकार आप प्रिंसिपल बन जाएंगे। यह आपको प्रिंसिपल के साथ संरेखित करने वाला भी है, और एक अच्छा प्रिंसिपल तब आपको बढ़ावा देगा या आपको सशक्त बनाएगा या आपको जवाबदेही देगा या आपकी नौकर की भूमिका के अनुपात से बाहर का लाभ उठाएगा। मैं हमेशा उन संस्थापकों से बहुत प्रभावित रहा हूं जो रैंकों के माध्यम से बहुत बहुत युवा लोगों को बढ़ावा देंगे, उन्हें अपने अनुभव के बावजूद कई स्तरों को छोड़ देंगे, और हमेशा ऐसा होता है क्योंकि ये एजेंट जो गहराई से एक प्रिंसिपल की तरह सोचता है। इसलिए यदि आप प्रमुख एजेंट समस्या के माध्यम से अपना रास्ता हैक कर सकते हैं तो आपने शायद कंपनी चलाने के लिए जितना आवश्यक हो उतना हल किया है। मैंने इस बारे में सबसे पहले इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने काम में प्रिंसिपल एजेंट की समस्या को कभी नहीं देखता। मैं छोटी टीमों में काम करता हूं जहां हर कोई अत्यधिक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है और लोग हैं मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए फिल्टर किया गया है, और हर कोई जो काम नहीं करता है वह कहीं और दूसरी भूमिका में जाता है। ये सभी अनुमान हैं जिन्हें आपने प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या से निपटने से बचने के लिए डिजाइन किया है। आपके पास अनुमानी का एक और उदाहरण हो सकता है जो आपको मुख्य एजेंट की समस्या से निपटने में मदद करता है, वह है संभव सबसे छोटी फर्मों से निपटना। इसलिए उदाहरण के लिए, जब मैं अपने सौदों पर काम करने के लिए एक वकील या एक बैंकर या यहां तक कि अकाउंटेंट को काम पर रख रहा हूं, तो जिन चीजों के बारे में मैं बहुत जागरूक हो गया हूं, उनमें से एक बड़ी फर्म है, अन्य सभी चीजें समान हैं, आमतौर पर बदतर होती हैं। हां, उनके पास ज्यादा अनुभव है, हां उनके पास और भी लोग हैं, हां उनके पास एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप जो पाएंगे वह यह है कि प्रिंसिपल और एजेंट अत्यधिक अलग हैं। और बहुत बार प्रिंसिपल आपको बेच देगा और आपको एक फर्म के साथ काम करने के लिए राजी कर लेगा, लेकिन फिर सारा काम एक एजेंट द्वारा किया जाएगा जिसे उतनी परवाह नहीं है, और आप घटिया सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं बुटीक के साथ काम करना पसंद करता हूं, और काम करने के लिए मेरी आदर्श लॉ फर्म एक की लॉ फर्म है। मेरे साथ काम करने के लिए आदर्श बैंकर एक अकेला बैंकर है। अब आप उस व्यक्ति के संसाधनों के संदर्भ में अन्य बलिदान और व्यापार नापसंद कर रहे हैं, और आप उस व्यक्ति पर बड़ा दाम लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास गला घोटने के लिए है। कोई और नहीं है जिस पर उंगली उठाई जाए, कहीं भागना नहीं है, जवाबदेही बहुत अधिक है। यदि आप एक एजेंट हैं तो काम करने का सबसे अच्छा तरीका बस ये कहना है कि संस्थापक क्या करेगा। यदि आप स्वामी की तरह सोचते हैं और आप स्वामी की तरह कार्य करते हैं तो ये केवल कुछ समय की बात है जब तक आप स्वामी नहीं बन जाते। केली कसौटी के बारे में बात करते हैं। केली कसौटी एक सरल अवधारणा का एक बहुत लोकप्रिय गणितीय सूत्रीकरण है, और सरल अवधारणा यह है कि सब कुछ जोखिम में न डालें, जेल से बाहर रहें, एक बड़े जुए पर सब कुछ दांव पर न लगाएं, बस बहुत सावधान रहें कि आप हर बार कितना दांव लगाते हैं ताकि आप पूरी किटी खो न दें। केली मानदंड गणितीय रूप से तैयार करता है, यदि आप एक जुआरी हैं, भले ही आपके पास बढ़त हो, आपको प्रति हाथ कितना जुआ खेलना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास बढ़त है तब भी आप हार सकते हैं। तो मान लें कि आपके पास 51 बढ़त है, हर जुआरी जानता है कि उस 51 किनारे पर पूरी किटी को दांव पर नहीं लगाना है, क्योंकि आप सब कुछ खो सकते हैं और आप औसत पर वापस नहीं आ सकते हैं। नसीम तालेब प्रसिद्ध रूप से अग्स्थिति के बारे में बात करते हैं, जो साधारण अवधारणा के लिए एक फैंसी शब्द है कि औसतन 100 लोगों के लिए जो सच है वह 100 बार एक व्यक्ति के औसत के समान नहीं है। इसे देखने का सबसे आसान तरीका रूसी रूलेट खेलना है। 6 लोग जो एक बार रूसी रूलेट खेलते हैं और फिर प्रत्येक विजेता को $1 बिलियन मिलते हैं।
एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 5 लोगों के पास $1 अरब है, बनाम एक व्यक्ति जो एक ही बंदूक के साथ 6 बार रूसी रूले खेलता है, वह कभी भी 1 अरब तक नहीं पहुंचेगा या अंत में 0 हो जाएगा। और इसलिए जोखिम उठाना, खासकर जब औसत की गणना बड़ी आबादी में की जाती है, हमेशा तर्कसंगत नहीं होता है। केली कसौटी आपको बर्बादी से बचने में मदद करती है। आइए बात करते हैं स्केलिंग पॉइंट की। ये एक गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट है जिसे थॉमस शेलिंग ने अपनी किताब में प्रसिद्ध किया है, संघर्ष की रणनीति, जिसे मैं पढ़ने की सलाह देता हूँ। यह मल्टीप्लेयर गेम के बारे में है जहां अन्य लोग इस आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वे आपकी प्रतिक्रिया क्या सोचते हैं। वह जो लेकर आया वह गणितीय औपचारिकता थी कि आप ऐसे लोगों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो समन्वय के लिए एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताता कि कहां और कब मैं आपको नहीं बताता। हम दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को कोई और जानकारी नहीं दे सकते। यह हल करने के लिए एक असंभव समस्या की तरह लगेगा। किए गए, हम ये नहीं कर सकते, काफी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक तर्कसंगत व्यक्ति हैं और स्मार्ट और शिक्षित हैं, और आप जानते हैं कि मैं एक तर्कसंगत व्यक्ति हूं जो स्मार्ट है। हम सोचना शुरू करने जा रहे हैं। अगर हमें मनमानी तिथि चुननी है तो हम शायद नए साल का चयन करने जा रहे हैं। और किस समय? मध्यरात्रि या 12:01 पूर्वाह्न। और हम कहां मिलेंगे? एक बड़ा बिंदु क्या है? ठीक है, अगर हम अमेरिकी हैं तो यह शायद न्यूयॉर्क शहर में है। यह सबसे महत्वपूर्ण शहर है। और न्यूयॉर्क शहर में हम आधी रात को कहां मिलेंगे? घड़ी के नीचे शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हो सकता है कि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में समाप्त हो जाएं, लेकिन संभावना नहीं है। आप गोलाबारी बिंदु पर अभिसरण करने के लिए केवल सामाजिक मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं। कई खेलों में कई बार ऐसा होता है जहां आप खेल को ही देख सकते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो या कला या राजनीति, और आप उस खेल के संदर्भ में अभिसारी गोलाबारी बिंदु पा सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति का सहयोग कर सकते हैं। यहां एक सरल उदाहरण है। मान लीजिए कि आपके पास 2 कंपनियां हैं जो एक दूसरे के साथ भारी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और उनके पास एक कुरीतंत्र है। मान लें कि वे अभी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और किसी भी सेवा के लिए कीमत 8 रुपये और 12 रुपये के बीच घटती बढ़ती है। अगर वे दोनों एक दूसरे से बात किए बिना 10 रुपये इकट्ठा कर लें तो हैरान न हो। क्या आप पेरेटो इष्टतम के बारे में बात करना चाहते हैं? पारेटो इष्टतम पारेटो सुपीरियर के साथ गेम थ्योरी से एक और अवधारणा है। पेरेटो सुपीरियर का मतलब है कि कोई चीज कुछ मायनों में बेहतर है जबकि अन्य तरीकों से बराबर या बेहतर है। यह किसी भी तरह से खराब नहीं है। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यदि आप पारेटो समाधान को पहले की तुलना में बेहतर बना सकते हैं तो आप हमेशा ऐसा करेंगे। पेरेटो इष्टतम तब होता है जब समाधान सबसे अच्छा होता है जो संभवतः हो सकता है, तो आप इसे कम से कम एक आयाम में खराब किए बिना इसे बदल नहीं सकते। इस बिंदु से आगे एक कठिन व्यापार बंद है। जब आप किसी बड़ी बातचीत में शामिल हों तो समझने के लिए ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। हालांकि बातचीत में मैं आमतौर पर कहूंगा कि ये एक ट्वीट है जो मेरे पास है, जो कम परवाह करता है, उसके द्वारा बातचीत जीती जाती है। दिन के अंत में बातचीत इसे बहुत बुरी तरह से न चाहने के बारे में है। यदि आप किसी वस्तु को बहुत बुरी तरह से चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति उससे अधिक कीमत वसूल कर सकेगा। यदि आप दूसरे व्यक्ति की तुलना में किसी चीज के बारे में अधिक परवाह करते हैं और वे बातचीत में आपका लाभ उठा रहे हैं, तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे एक अल्पकालिक खेल से दीर्घकालिक खेल में बदल दें। इसे दोहराने वाले गेम में बनाने का प्रयास करें। प्रतिष्ठा को लाइन में लाने का प्रयास करें। ऐसे अन्य लोगों को शामिल करने का प्रयास करें जिनकी भविष्य में बात हो सकती है या जो भविष्य में इस व्यक्ति के साथ खेल खेलना चाहते हैं। बहुत अधिक लागत, कम जानकारी, एक चाल वाले खेल का एक उदाहरण आपके घर का नवीनीकरण करवाना है। ठेकेदार ओवरबुकिंग, लोगों को ठगने, बेहिसाब होने के लिए कुख्यात है। मुझे यकीन है कि ठेकेदारों का अपना पक्ष है। गृहस्वामी की अनुचित मांगे हैं। हमें समस्याएं मिली, मार्क्स के उदाहरण कहा है। वे ये नहीं समझते कि वे कम जानकारी वाले खरीदार हैं। ये बहुत महंगा सौदा है। ऐतिहासिक रूप से अच्छे ठेकेदारों को खोजना बहुत कठिन रहा है और ठेकेदार के पास कोई विकल्प नहीं है कि एक अच्छा गृहस्वामी क्या है। आप दोस्तों के माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं, आप प्रतिष्ठा के माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं, और आप मूल रूप से वहां क्या कर रहे हैं, आप एक सिंगल मूव महंगे गेम को दोनों पक्षों में धोखा देने की उच्च संभावना के साथ मल्टी मूव गेम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने का एक तरीका कहें, वास्तव में मुझे 2 अलग अलग परियोजनाओं की जरूरत है। तो पहला प्रोजेक्ट हम एक साथ करेंगे और फिर उसके आधार पर मैं तय करूंगा कि हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं। आप अपने काम को 2 परियोजनाओं में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं आपके साथ इस परियोजना को करने जा रहा हूं और फिर मेरे 3 मित्र हैं जो परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं और वे इन परियोजनाओं के परिणाम देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति वही व्यक्ति हो सकता है जो उसी समुदाय के भीतर काम कर रहा हो और जिसकी रक्षा करने के लिए समुदाय में प्रतिष्ठा हो। एक और हो सकता है कि आप उन्हें येल्प समीक्षा या थंबबैक समीक्षा लिख दें। ये सभी एक चाल के खेल को एक लंबी अवधि के खेल में बदलने के तरीके हैं और खराब बातचीत का लाभ उठाने और खराब जानकारी की स्थिति को दूर करने में मदद करते हैं। हमने चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की थी, लेकिन हमने वास्तव में इसमें ज्यादा गहराई तक नहीं जाना। रिश्ते चक्रवृद्धि ब्याज का एक अच्छा उदाहरण है। एक बार जब आप किसी के साथ कुछ समय के लिए अच्छे संबंध में होते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो या रोमांटिक, जीवन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को आपकी पीठ मिल गई है। आपको सवाल करते रहने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहा हूँ जिसके साथ मैं 20 साल से डील कर रहा हूँ और मैं उन पर भरोसा करता हूँ और वे मुझ पर भरोसा करते हैं, तो हमें कानूनी अनुबंधों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। शायद हमें कानूनी अनुबंध बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। शायद हम वास्तव में इसे हैंडशेक पर कर सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास व्यवसाय करना बहुत आसान बना देता है। अगर निवी और मैं कोई अन्य कंपनी शुरू करते हैं, तो मुझे पता है कि अगर चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो हम दोनों इस बारे में बेहद समझदार होंगे कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे कैसे बाहर निकला जाए, इसे कैसे बंद किया जाए, या यहां तक कि अगर हम इसे बढ़ा रहे हैं तो नए लोगों को कैसे लाया जाए। इस बिंदु पर हमारे पास आपसी विश्वास है और यह हमें अधिक आसानी से व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देता है और प्रभाव को लगभग कम कर देता है, खासकर जब आप स्टार्टअप जैसी किसी चीज से निपट रहे हों जिसे खींचना इतना मुश्किल हो। इन घर्षण तंत्रों को हटाना वास्तव में अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर हो सकता है। मुझे लगता है कि नंबर एक सबसे कम मान्यता प्राप्त कारण स्टार्टअप विफल हो जाते हैं क्योंकि संस्थापक अलग हो जाते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ गैर सहज ज्ञान युक्त चीजें हैं। पहला यह है कि कंपाउंडिंग के अधिकांश लाभ कंपाउंडिंग के अंत में आते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको इसके बड़े फायदे सामने दिखें। एक लेख से एक अच्छा उदाहरण था जिसे सैम ऑल्टमैन ने लिखा था, जहां उन्होंने कहा, मैं हमेशा चाहता हूं कि ये एक ऐसी परियोजना हो जो सफल होने पर मेरे बाकी के करियर को एक फुटनोट की तरह बना दे। दोबारा ये सिर्फ इस विचार पर वापस जाता है कि कंपाउंडिंग के अधिकांश लाभ अंत में आते हैं। दूसरी बात जो कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ी गैर सहज है, वह यह है कि मुझे लगता है कि बड़ी मात्रा में गैर कंपाउंडिंग रिश्तों के बजाय लोगों के साथ कुछ गहरे कंपाउंडिंग संबंध रखना बेहतर है। व्यवसाय में कम समझी जाने वाली चीजों में से एक यह है कि एक छोटे व्यवसाय को बनाने में उतना ही प्रयास करना पड़ता है जितना कि एक बड़े व्यवसाय को बनाने में। चाहे आप एलोन मस्क हों या आप शहर में 3 इतालवी रेस्तरां चलाने वाले व्यक्ति हों, आप सप्ताह में 80 घंटे काम कर रहे हैं। आप लोगों को काम पर रख रहे हैं और निकाल रहे हैं। आप किताबों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अत्यधिक तनावपूर्ण है और इसमें आपके जीवन के कई साल लग जाते हैं। लेकिन एक मामले में आपको ऐसी कंपनियां मिलती हैं जिनकी कीमत $50 बिलियन है और हर किसी की प्रशंसा। दूसरी ओर आप कुछ पैसे कमा सकते हैं और आपके पास कुछ अच्छे रेस्तरा हैं। तो बड़ा सोचो, क्या प्रतिकृति और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की शून्य सीमांत लागत के बाहर कोई अन्य सूक्ष्म आर्थिक अवधारणाएं हैं जो लोगों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं? मूल्य भेदभाव को समझना एक महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों की भुगतान करने की प्रवृत्ति के आधार पर उनसे अलग अलग शुल्क ले सकते हैं। अब आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें चार्ज करने की अनुमति नहीं है क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आपको उन्हें कुछ अतिरिक्त देना होगा, लेकिन यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी अमीर लोग परवाह करते हों। बिजनेस क्लास की सीटों की कीमत नियमित रूप से इकोनॉमी क्लास की सीट की तुलना में 5 या 10 गुना अधिक होगी, लेकिन एयरलाइन को यह प्रदान करने के लिए शायद सिर्फ 2 शायद 3x का खर्च आता है। यह सिर्फ अमीर व्यक्ति भुगतान करने को तैयार है, इसलिए आपको उन्हें वे छोटी छोटी चीजें देनी होंगी जिनकी उन्हें अतिरिक्त आवश्यकता है, या तो यह संकेत देने के लिए कि वे अमीर हैं या वे थोड़ा आराम जो वे चाहते हैं। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में मूल्य भेदभाव का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, जहां आपके पास एक प्रीमियम उत्पाद है। मुफ्त संस्करण लगभग सब कुछ करेगा, लेकिन फिर यदि आप ऐसा संस्करण चाहते हैं जो थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षित हो या आपकी साइट पर होस्ट किया गया हो या जिसमें बहु उपयोगकर्ता प्रशासन हो ताकि आईटी व्यक्ति हर उस चीज की निगरानी कर सके जो चल रही है, तो आप अचानक खुद को 10, 100 या अनंत गुना अधिक भुगतान करते हुए पाएंगे। आप एक मुफ्त उत्पाद से मूल्य उत्पाद पर जाते हैं। एक और अच्छी अवधारणा उपभोक्ता अधिशेष और निर्माता अधिशेष है, जो अतिरिक्त मूल्य है जो किसी को मिलता है भले ही वे अधिक भुगतान करने को तैयार हों, उत्पाद की कीमत सभी के लिए समान थी। मुझे अपनी सुबह की कॉफी से बहुत आनंद मिलता है। जाहिर है मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। अगर मेरी कॉफी की कीमत $20 है तो मैं अपनी सुबह की कॉफी के लिए $20 चुकाऊंगा। लेकिन स्टारबक्स यह नहीं जानता। यह सिर्फ मेरे लिए कॉफी की कीमत $20 नहीं रख सकता क्योंकि यह बिल्कुल वही उत्पाद बेच रहा है, इसलिए मुझे कॉफी से बहुत अधिक उपभोक्ता अधिशेष मिल रहा है। और सभी व्यवसाय उपभोक्ता अधिशेष उत्पन्न करते हैं। यह ध्यान में रखना अच्छी बात है कि जब कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कंपनियां कितनी बुरी हैं, अमेज़न $1 ट्रिलियन की कंपनी हो सकती है, लेकिन मैं आपको शर्त लगा सकता हूं कि वे सुविधा और भुगतान करने की इच्छा के माध्यम से उपभोक्ता अधिशेष में $1 ट्रिलियन पैदा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सभी सेवाओं के लिए अमेज़न उनसे जितना शुल्क लेते हैं उससे अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। NPV किसी चीज का सिर्फ शुद्ध वर्तमान मूल्य है। यह तब होता है जब आप कहते हैं, भुगतान की वह धारा जो मुझे भविष्य में मिलने वाली है, आज उसका क्या मूल्य है? तो इसका एक सामान्य उदाहरण यह है कि आप एक स्टार्टअप कंपनी से जुड़ रहे हैं और आपको स्टॉक विकल्प मिल रहे हैं, और संस्थापक कहते हैं, ठीक है, यह कंपनी $1 बिलियन की होने जा रही है और मैं आपको कंपनी का 0.1% दे रहा हूं, इसलिए आपको $1 मिलियन का स्टॉक मिल रहा है। यह वह बहस रही है कि भविष्य में इसका क्या मूल्य होने वाला है। आपको उस पर आज से छूट देनी होगी। आपको यह पता लगाना होगा कि आज के लायक क्या है, और आपको एक छूट दर या एक ब्याज दर लागू करनी होगी जो स्टार्टअप्स के सामने आने वाले भारी जोखिम को ध्यान में रखे। अंत में आपको जो कीमत मिलेगी वह आज के लायक है, और यही वह कीमत है जिस पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट आज कंपनी में निवेश करेगा। तो अगर उस संस्थापक ने लगभग $10 मिलियन जुटाए हैं और वह कंपनी संस्थापक के तर्क के केवल 1% के लायक है,
तो आपका मिलियन डॉलर का पैकेज वास्तव में $10,000 का है। तो एनपीवी की गणना एक बहुत ही मोटे स्तर पर आपको अपने दिमाग में करने में बहुत सहज होना चाहिए। गलत कीमत वाली बाह्यता क्या है? आपने हमारे पॉडकास्ट के दौरान किसी समय इसका उल्लेख किया था। एक बाह्यता तब होती है जब आपके द्वारा उत्पादित या उपभोग किए जा रहे किसी भी उत्पाद द्वारा एक अतिरिक्त लागत लगाई जाती है जिसका उत्पाद की कीमत में कोई हिसाब नहीं होता है। कभी कभी आप कीमत को उत्पाद में वापस डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। इन दिनों लोगों द्वारा पूंजीवाद पर हमला करने के सबसे उग्र तरीकों में से एक यह है कि यह पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। और अगर आप पूंजीवाद को इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि यह पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, तो अंदाजा लगाए क्या हम सभी पूर्व औद्योगिक समय की ओर जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए बल्कि एक बाह्यता है क्योंकि पर्यावरण परिमित है, पर्यावरण कीमती है और हमें इसकी उचित कीमत तय करनी होगी और इसे वापस मोड़ना होगा। यदि लोग पानी बर्बाद कर रहे हैं या वातावरण में हाइड्रोकार्बन डाल रहे हैं या चीजों को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप उनसे शुल्क लेना चाहते हैं कि उस प्रदूषण को साफ करने के लिए कितना खर्च होता है, इसे एक प्राचीन स्थिति में लौटा दें। शायद वह कीमत बहुत 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 अधिक होनी चाहिए। यदि आप उस कीमत को काफी अधिक बढ़ा देते हैं तो आप प्रदूषण को खत्म कर देते हैं। यह फील गुड उपायों की तुलना में बहुत बेहतर है जहां हम सिर्फ प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और हम कहने जा रहे हैं कि शनिवार और रविवार को बारिश न करें जब हमारे पास सूखा हो। कैलिफोर्निया आपको डराने के लिए घोषणाएं और विज्ञापन चलाना पसंद करता है कि जब सूखे की स्थिति हो तो ऐसे समय में बारिश न करें जब ताजे पानी की कीमत बढ़ाना बेहतर होगा। आपका औसत उपभोक्ता एक शॉवर के लिए कुछ पैसे अधिक दे सकता है, लेकिन फिर बादाम के किसान जो बहुत अधिक पानी का उपभोग करते हैं, वे ताजे पानी का उपयोग कम कर देंगे और बादाम की खेती देश के उस हिस्से में जा सकती है जहां पानी अधिक प्रचुर मात्रा में है। उचित मूल्य निर्धारण बाह्यताएं संसाधनों को जबरदस्त तरीके से बचा सकती हैं। यह सोचने के लिए एक अच्छा ढांचा है कि जब आप पर्यावरण को बचाने जैसे काम करना चाहते हैं तो प्रभावी कैसे बने, न कि अच्छी चीजें जो वास्तव में कुछ भी नहीं होंगी। लोगों से सबसे आम प्रश्नों में से एक यह है कि मुझे अपने आप में निवेश शुरू करने का समय कैसे मिलेगा। मेरे पास एक काम है, मैं इनमें से किसी एक ट्वीट के साथ जवाब देना शुरू करूंगा। कटिंग रूम फ्लोर जहां आपने कहा था आरंभ करने के लिए आपको अपना समय किराए पर देना होगा। यह तभी स्वीकार्य है जब आप सीख रहे हैं और बचत कर रहे हैं, अधिमानतः ऐसे व्यवसाय में जहां समाज अभी तक नहीं जानता है कि लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और शिक्षिता ही एकमात्र मॉडल है। जब तक आप संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा नहीं होते हैं तब तक आपको काम शुरू करना होगा। और धनी ऐसे मामले में आपके पास शायद पहली बार में पैसा बनाने की प्रेरणा नहीं होगी। यदि आप काम करने जा रहे हैं तो ऐसे व्यवसाय से जुड़े जहां शिक्षिता मायने रखती है। वॉरेन बफेट गए और बेंजामिन ग्राहम के लिए सीधे स्कूल से बाहर काम करने की कोशिश की कि कैसे एक मूल्य निवेशक बनना है, और उन्होंने मुफ्त में काम करने की पेशकश की और बेन ग्राहम ने कहा, आप बहुत अधिक हैं। ये सच है कि ये शिक्षिता व्यवसाय आप शायद वहां काम करने के लिए अल्पकालिक कैरियर के मामले में त्याग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करें जहां लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला है कि इसे कैसे पढ़ाना है। और यह तब हो सकता है जब आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो एकदम नया है और तेजी से विस्तार कर रहा है, इसलिए किसी ने इसे नहीं समझा है, या यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत परिस्थितिजन्य जहां विवरण वास्तव में मायने रखता है और यह हमेशा गतिशील रहता है। उदाहरण के लिए फंड निवेश या सामान्य रूप से निवेश करना उन कौशलों में से एक है। उद्यमिता उन कौशलों में से एक है। पिछले आधे दशक में सिलिकन वैली में आने वाली सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक एक उद्यमी के लिए कर्मचारियों का प्रमुख बनना है, जहां प्रतिभाशाली युवा बच्चे सीईओ या उद्यमी का अनुसरण करेंगे और वह सब कुछ करेंगे जो उस व्यक्ति को करने की आवश्यकता है, और कई मामलों में वे इस पद के लिए अधिक योग्य हैं। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास दो स्नातक डिग्री हो, जो अनिवार्य रूप से उस दिन के लिए सीईओ की लॉन्ड्री चला रहा हो क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही वे सभी उच्चतम कर्मचारियों की बैठकों में भी बैठने वाले हैं। वे सभी उद्यम धन उगाहने वाले डेक और सभी तनाव और नाटक, मैट्रिक्स, नवाचार और ज्ञान के लिए निजी होने जा रहे हैं, जो केवल उद्यमी के बगल में होने से ही आ सकते हैं, क्योंकि उद्यमी अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए कुछ भी और सब कुछ करने को तैयार है और स्टाफ के प्रमुख सीखने में उनका साथ दे रहे हैं। अब जाहिर है यह बहुत ही सिलिकॉन वैली केंद्रित टेक कंपनी की सलाह है। यदि आप वर्तमान में एक सामान्य नौकरी में फंस गए हैं और आपके पास एक शिक्षिता मॉडल सीखने का अवसर नहीं है और आपको पैसे कमाने की जरूरत है, तो आगे बढ़ें और उस काम को करें, लेकिन उस नौकरी के संदर्भ में भी नवोन्मेषी बनने की कोशिश करें, नई चुनौतियों और नई जिम्मेदारियों को लेने के लिए साइन अप करें, नौकरी का वह हिस्सा खोजें जिसमें सीखने की अवस्था सबसे तेज हो। आप वास्तव में जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं वह दोहरावदार कठिन परिश्रम है। दोहराए जाने वाले कठिन परिश्रम से किसी का भला नहीं होता। तब आप अनिवार्य रूप से केवल उस समय की गिनती कर रहे हैं जब तक कि आपकी नौकरी स्वचालित नहीं हो जाती। यहां तक कि अगर आप कॉफी शॉप में बरिस्ता हैं
तो ये पता लगाने की कोशिश करें कि ग्राहकों के साथ संबंध कैसे बनाए जाएं। ये पता लगाने की कोशिश करें कि आप उन्हें अपनी मूल सेवा में क्या पेशकश कर रहे हैं और ग्राहक को खुश कैसे करें। और क्या होगा प्रबंधक, संस्थापक, मालिक वे नोटिस करते हैं। किसी भी फाउंडर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है ऐसे लोगों को ढूंढना जो उनके साथ काम करें जिनकी फाउंडर मानसिकता हो। यह कहने का एक शानदार तरीका है कि वे पर्याप्त देखभाल करते हैं। और ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मैं संस्थापक नहीं हूं, मुझे देखभाल के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। दरअसल आप हैं। संस्थापक मानसिकता होने से आप जो ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं वह आपको एक संस्थापक के रूप में स्थापित करता है और यह आपको उस अर्थ में भुगतान करता है। आप लगभग किसी भी स्थिति से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आपको बस इसमें बहुत कुछ लगाना है। अगर मैं एक नौकरी कर रहा हूं और मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्या मुझे जवाबदेही, निर्णय, विशिष्ट ज्ञान, उत्तोलन प्राप्त करना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि अनुकूलन करने के लिए एक चीज उन सभी चीजों में से विशिष्ट ज्ञान है यदि आप कर सकते हैं। न्याय के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, बनने में बहुत समय लगता है। आपको अपने आप को ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां आप उस निर्णय का प्रयोग कर सकें जो उत्तरदायित्व लेने से आएगा। उत्तोलन एक ऐसी चीज है जो समाज आपको बहुत बाद में देता है, जब आप अपने फैसले का प्रदर्शन करते हैं, जब तक कि आप एक कोड नहीं सीखते या आप मीडिया के साथ अच्छे नहीं हो जाते। ये अनुमति रहित उत्तोलन है। उत्तोलन प्रकार बाद में आता है, फैसला बाद में आता है, जवाबदेही आप तुरंत ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे, मैं इस बात का प्रभार ले लूंगा कि कोई भी इसका प्रभार नहीं लेना चाहता। तो जवाबदेही वह है जहां आप कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आप सार्वजनिक रूप से अपनी गर्दन काट रहे हैं, इसलिए आपको पहुंचाना होगा। विशिष्ट ज्ञान उन चीजों के लिए उत्तरदायित्व लेने से बनता है जो अन्य लोग नहीं जानते कि कैसे करना है और जिसे करने में आपको आनंद आता है या आप स्वाभाविक रूप से करने के लिए इच्छुक हैं। आप एक कारखाने में काम कर रहे हो सकते हैं और यह पता चल सकता है कि कारखाने में सबसे कठिन काम यह जानना है कि कारखाने को चालू रखने के लिए पूंजी कैसे जुटाई जाए, और इसी बात को लेकर फैक्ट्री का मालिक हमेशा तनाव में रहता है। और अगर आप इसे नोटिस करते हैं और आप कहते हैं, मैं अपनी चेकबुक को संतुलित करने में अच्छा हूं और मेरे पास संख्याओं के लिए अच्छा दिमाग है और मैं पैसे देखने में अच्छा हूं, लेकिन मैंने वास्तव में पहले पैसे नहीं जुटाए हैं, आप अपनी मदद की पेशकश करें और उस संबंध में मालिक के पक्षधर बने। आप उनकी सबसे बड़ी समस्या को हल करने में मदद करें, तुम उत्तराधिकारी बन जाओगे। प्रारंभ में उन चीजों को ढूंढें जिनमें आपकी रुचि है और उत्तरदायित्व लें। अल्पकालिक मुआवजे की चिंता न करें। यदि आप ज्ञान की उस धार में डुबकी लगाते हैं जिसे कोई नहीं जानता कि कैसे हल किया जाए और आप जवाबदेही लेते हुए कठिन समस्याओं को हल करते हैं, तो लोग आपके पीछे लाइन लगा देंगे। उत्तोलन आएगा। कटिंग रूम के फर्श से इस विषय पर कुछ अन्य संबंधित ट्वीट हैं, मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले, प्रौद्योगिकी उद्योग विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महान स्थान है। सीमा हमेशा आगे बढ़ रही है। यदि आप वास्तव में बौद्धिक रूप से जिज्ञासु थे तो आप दूसरों से पहले ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। असली तकनीक हमारे आसपास हर जगह है। चम्मच कभी तकनीक थी, आग कभी तकनीक थी, लेकिन एक बार जब हमने यह पता लगा लिया कि इसे कैसे काम करना है, तो यह पृष्ठभूमि में गायब हो गया, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। तो प्रौद्योगिकी परिभाषा के अनुसार बौद्धिक सीमा है। यह उन चीजों को ले रहा है जो विज्ञान या संस्कृति से हाल ही में है, जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जाए और इसे कैसे व्यावसायीकरण किया जाए, कैसे इसे हर किसी के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसलिए प्रौद्योगिकी हमेशा वहां होगी जहां आप विशिष्ट ज्ञान उठा सकते हैं जो समाज के लिए मूल्यवान है, जो अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। उदाहरण के लिए, अगर मैं मशीन लर्निंग में एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन जाता हूं, ठीक उसी समय जब मशीन लर्निंग शुरू हो रही है और मैं अपनी वास्तविक बौद्धिक रुचि के माध्यम से वहां पहुंच गया हूं और मैं इस पर अपना करियर दांव पर लगाता हूं, मैं वास्तव में अच्छा करने जा रहा हूं। लेकिन अब से 20 साल बाद मशीन लर्निंग दूसरी टोपी हो सकती है। विशिष्ट ज्ञान के कालातीत रूप भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लोगों को मनाने में अच्छे हैं तो शायद ये एक ऐसा कौशल है जिसे आपने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था। यह हमेशा लागू होने वाला है क्योंकि लोगों को राजी करना हमेशा मूल्यवान होने वाला है। ये उन कौशलों में से एक है जो सामान्य है। करियर बनाने के लिए शायद यह अकेला काफी नहीं है, इसे एक स्किल स्टैक के साथ जोड़ने की जरूरत है। आप लेखांकन के साथ अनुनय को जोड़ सकते हैं, समझ के साथ संयुक्त,
उदाहरण के लिए अर्धचालक उत्पादन लाइनें, और अब अचानक आप सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर विक्रेता हैं जो सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। कालातीत विशिष्ट ज्ञान कौशल हैं, वे ऐसे कौशल हैं जो मैं कहूंगा कि बहुत कुछ कभी सिखाया नहीं जा सकता। और फिर समय पर विशिष्ट ज्ञान कौशल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहां तक कि वे दशक या दो दशकों या तीन दशकों के काफी लंबे शेल्फ जीवन के लिए जाते हैं। इसलिए उन विशिष्ट कौशल सेटों को खोजने के लिए प्रौद्योगिकी एक अच्छी जगह है। और यदि आप अधिक सामान्य विशिष्ट ज्ञान कौशल सेट ला सकते हैं, कटिंग रूम फ्लोर से किया गया दूसरा ट्वीट कंपनियों में जवाबदेही से जुड़ा था। इसने कहा, कंपनियों को पता नहीं है कि आउटपुट को कैसे मापना है, इसलिए वे इसके बजाय इनपुट को मापते हैं। इस तरह से कार्य करें कि आपके आउटपुट दृश्यमान और मापने योग्य हों। यदि आपके पास जवाबदेही नहीं है तो कुछ अलग करें। पुरस्कृत लोगों की पूरी संरचना कृषि और औद्योगिक युग से आती है, जहां आपके इनपुट और आपके आउटपुट बहुत बारीकी से मेल खाते हैं। आप किसी काम को करने में जितने घंटे लगाते हैं, वह इस बात का एक अच्छा रफ प्रॉक्सी होता है कि आपको किस तरह का आउटपुट मिलने वाला है। आज यह अत्यंत अरेखीय है। एक अच्छा निवेश निर्णय किसी कंपनी को 10 या 100 मिलियन डॉलर बना सकता है। उत्पाद की एक अच्छी विशेषता उत्पाद बाजार में फिट होने और पूर्ण विफलता के बीच का अंतर हो सकती है। तो निर्णय और उत्तरदायित्व बहुत मायने रखता है और भी बहुत कुछ। और आप जवाबदेही चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे इंजीनियर या सबसे अच्छे विक्रेता वे होते हैं जो बहुत मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन फिर वे उस एक महत्वपूर्ण उत्पाद को सही समय पर भेज देंगे, या वे वह एक बड़ी बिक्री करेंगे, या वह एक बड़ी डील जो कंपनी को बनाएगी या कम से कम तिमाही के लिए नंबर बनाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग ये बताने में सक्षम हों कि उसमें आपकी भूमिका थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी टीम पर दबाव बना रहे हैं। मनुष्य बहुत अधिक श्रेय लेने वाले लोगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए आप उस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं जो हमेशा श्रेय देता रहे। लेकिन समझदार लोगों को पता चल जाएगा कि जिम्मेदार कौन है। ऐसी नौकरियां हैं जहां आप ग्राहक का पर्याप्त सामना नहीं कर रहे हैं, जहां आप मशीन में एक तरह का दलदल हैं और आप कुछ हद तक जवाबदेही का त्याग करते हैं। एक उदाहरण है जब आप सलाहकार हैं। एक सलाहकार के रूप में अक्सर आप सर्वोत्तम विचार और सर्वोत्तम परिणाम दे रहे होते हैं, लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दिया जा रहा है जो संगठन के भीतर काम कर रहा है। उस समय आपके पास संगठन के शीर्ष लोगों के लिए दृश्यता नहीं हो सकती है, लेकिन आप एक स्क्रीन के पीछे छिपे हो सकते हैं। और यह सिर्फ एक सौदा है जो आप एक सलाहकार के रूप में अपनी स्वतंत्रता के बदले में कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉरपोरेट चूहा दौड़ या कॉरपोरेट सीढ़ी का खेल खेलने के इच्छुक नहीं हैं। ये समझें कि जवाबदेही के साथ चीजें सही होने पर आप बहुत अधिक क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। बेशक नकारात्मक पक्ष यह है कि जब चीजें गलत हो जाती हैं तो आपको बहुत अधिक चोट लगती है। तुम अपनी गर्दन बाहर करो। आपको दोष देने, बलिदान करने और यहां तक कि हमला करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो उच्च जवाबदेही वाले माहौल में फलता फूलता है, तो स्वाभाविक रूप से समय के साथ आपकी चमड़ी भी मोटी हो जाएगी। आपको बहुत चोट लगने वाली है। असफल होने पर लोग आप पर हमला करने वाले हैं। यदि आप एक नौकरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप ट्वीट तूफान के बहुत सारे सिद्धांतों को नौकरी के अंदर लागू कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी चर्चा की, जिसमें तर्कसंगत आशावादियों के साथ साझेदारी करना शामिल है। आपको संगठन में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आशावादी और तर्कसंगत हैं, जिनमें ऊर्जा, अखंडता और बुद्धिमता है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि एक बार जब आप कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका विस्तार करने का एक तरीका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना शुरू करना है, जिससे आप अपने कुछ कार्यों को आउटसोर्स कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने अच्छे निवेश का एक गुच्छा बनाया और मैंने उद्यम व्यवसाय के बारे में यहां और वहां थोड़ा बहुत पता लगाया, और मैं ऐसा करना जारी रख सकता था। मैं सिर्फ एक निवेशक के रूप में निवेश करता रह सकता था, लेकिन इसके बजाय मैंने स्पीयरहेड नामक इस परियोजना की सह स्थापना की, जहां हम युवा संस्थापकों को प्रशिक्षित करते हैं और आने वाले युवा भी देवदूत और उद्यम निवेशक बनते हैं, और हम उन्हें एक चेकबुक देते हैं। ये एक शिक्षुता मॉडल है। वे हमारे पास आते हैं विशिष्ट सौदों के साथ जो वे देख रहे हैं, और हम उन्हें हर अनूठी स्थिति के बारे में सोचने में मदद करते हैं, और हम मूल रूप से उन्हें उद्यम व्यवसाय सीखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, और यह बहुत अधिक स्केलेबल है। हमारे पास कक्षाएं और वार्ताएं होती हैं जहां हम उन्हें बताते हैं कि हम क्या जानते हैं, और फिर कार्यालय समय होते हैं जब वे वास्तव में सौदे लाते हैं और वे विशिष्ट सौदों के बारे में हमसे बात करते हैं।
ये पता चला है कि कक्षाएं और वार्ता काफी हद तक कार्यसूची हैं। आप लगभग एक घंटे में सभी सामान्य सलाह दे सकते हैं और उसके बाद सभी अतिरिक्त सलाह इतनी परिस्थितिजन्य होती हैं कि यदि आप इसे कुछ शीर्ष नीचे फैशन में देने की कोशिश करते हैं तो ये अनिवार्य रूप से शून्य हो जाती है। लेकिन कार्यालय का समय अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। यह सिर्फ इस बात को पुष्ट करता है कि यह उन कौशलों में से एक है जिसे केवल काम पर ही सीखा जा सकता है, और जब आप एक ऐसा कौशल पाते हैं जिसे केवल काम करके ही सीखा जा सकता है तो यह एक अच्छा संकेतक है कि आप विशिष्ट ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं। एक और अच्छा संकेतक जब आप विशिष्ट ज्ञान के साथ काम कर रहे होते हैं, जब आप उस व्यक्ति से पूछते हैं जो ये कर रहा है आप हर दिन क्या करते हैं, और वे आपको सीधे जवाब नहीं दे सकते हैं या यह कुछ ऐसा है जो हर दिन अच्छी तरह से अलग होता है जो चल रहा है। यह एक अच्छा संकेतक है कि आप विशिष्ट ज्ञान सीख रहे हैं। यह बात इतनी जटिल है और यह परिस्थितियों पर इतनी निर्भर है कि इसे पाठ्यपुस्तक के रूप में उबाला नहीं जा सकता है या पैसा बनाने वाले सलाहकार द्वारा संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। माफिया ने इस अप्रेंटिसशिप मॉडल को बहुत पहले ही समझ लिया था। परिवारों में से एक को चलाने का सबसे अच्छा तरीका परिवारों में से एक की सुबह के लिए चालक बनना था। यह एक जटिल व्यवसाय है। टोनी सोप्रानो ने कहा कि मैं एक व्यवसायी हूं जिसे अपने स्वयं के अनुबंधों को लागू करना है। बहुत जटिल व्यवसाय।